होने चाहिए, कैसे कैसे वो इसका उपयोग करके हमारे देश में न्याय व्यवस्था को बेहतर बना पाएंगे, कैसे सब हर तबके के व्यक्ति को वो न्याय उपलब्ध करवा पाएंगे, इस विषय पर हम रखे हैं। और हमारे बीच में माननीय जो अतिथिगण हैं, माननीय श्री कल्पेश झवेरी जी, जो कि राजस्थान उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, हमारे बीच में आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे बीच में अन्य हमारे बीच में आरती देवी दिवे जी हैं, प्रवीण पटेल सर हैं, और कारिया सर, अश्विन कारिया सर, जो पूर्व प्राचार्य हैं, इसके जुड़ चुके हैं, वही अब कार्यक्रम का आगे संचालन करेंगे। इन्हीं इंट्रोडक्शन के साथ में हम ये इसमें इनवाइट करते हैं, 11:02:03 हो गए हैं, 2-3 मिनट का टाइम था, और हम श्री अश्विन कारिया जी को, जो पालनपुर के एक्स प्राचार्य हैं, पूर्व प्राचार्य हैं हमारे इस कार्यक्रम में, उनको हम इनवाइट करते हैं। और हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं, जो इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, उनके विषय में बताते हुए इनवाइट करें। अश्विन कारिया जी, शिवानंद भाई, मेरे को लगता है अश्विन कारिया जी ज्वाइन कर रहे होंगे 2-5 मिनट, अच्छा तो अच्छा 2-5 मिनट लेट कर रहे हैं अपन कोई कोई बात नहीं है। तो तब सर, मैं तक। आप ही को इनवाइट करता हूँ हाँ कार्यक्रम में आगे। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इस कार्यक्रम का जो बैकग्राउंड है, उसके विषय में थोड़ा सा, आप और भी हमारे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, नए लोग जुड़े हुए होंगे, नए जो व्यूवर्स हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी, उनको इसके विषय में अवगत कराएं। 2-3 मिनट लीगल एड क्लिनिक के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि आज ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है। बाकी कारिया साहब आएंगे, अपना काम आके लेंगे, मैं थोड़ा देर में उनको फोन भी कर रहा हूँ। लीगल एड क्लिनिक लॉ कॉलेज के अंदर होने का मेन मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जो अपना वकालत की पढ़ाई करते हैं, उनकी एक एक्सपर्टाइज काफ़ी अच्छी हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, सिर्फ कागजी नॉलेज उनको ना हो, ये उनका मकसद है। भारत के अंदर में एक्सेस टू जस्टिस थ्रू लीगल एड क्लिनिक, इसमें जब हम जाते हैं कॉलेज की लीगल एड क्लिनिक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वो अपने आसपास का जो एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हो या दूसरे जो भी बस्ती हो जिनको लीगल एड की जरूरत हो, जो सस्ता सुलभ न्याय की जब बात करते हैं तो उसमें लीगल एड क्लिनिक जो कॉलेज है उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। स्टूडेंट को जहाँ एक तरफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, वहीं जो स्थानीय जो लोग हैं जिनको जरूरत है मदद की, उनको मदद भी मिलती है। तो इस प्रकार जो आज लीगल एड क्लिनिक का जो महत्व काफी बड़ा है, अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर बार काउंसिल के नियम होने के बावजूद करीब करीब कागजों पे ही ये काम चल रहा है, कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। जहाँ तक बार काउंसिल की बात आती है, उनके नियम है कि कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक होना चाहिए, मैंडेटरी है, मगर नहीं हो रहा है। तो मैं कारिया साहब का इंतजार करें या चवेरी साहब से रिक्वेस्ट करें, यदि वो चाहें तो अपन कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। चवेरी साहब चालू करें, मैं कारिया जी को तब तक फोन भी करता हूँ, और अभी काफी लोग 5-7 मिनट में जुड़ भी जाएंगे, यदि आप कहें तो 2-3 मिनट इंतजार कर लें। Whatever, I am open. I don't mind. Up to 12 o'clock, I'll be with you. यस 12 सर, o'clock, I have some. तो जो अपना औपचारिक कोई बात ना रखते हैं, अनौपचारिक जो भी बात आप रखना चाहो, अभी तब तक मैं कारिया जी को फोन कर लेता हूँ। Then let him come. या मैं फोन कर लेता हूँ सर। Sure. शिवानंद जी, आप तब तक बात कीजिए। जी, बात करने के लिए अब आपने सब एक्सप्लेन कर दिया है पूरे विषय के बारे में, तो अब हम इसमें यही हमारे जो साथी गण जुड़े हुए हैं, उनके उनको जो नए जुड़े हुए हैं, जिनको इसके विषय में थोड़ा सा कम जानकारी होगी, तो आपने जिस तरह से देखा कि पिछले कार्यक्रम में माननीय श्रीमती रश्मि ओझा जी आई थी, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट्स की पूर्व HOD थी, और उन्होंने भी कैसे इस विषय में बहुत ही नहीं, वो ना खुलकर, था है, कारण कि बदा घना बदा ज्वाइन किया, जवेरी साहब भी आ हाँ भी गया, तब मैं फरीद ओके, लिंक करो। आई हैव जस्ट म्यूटेड प्रवीण सर। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे कि रश्मि ओझा जी ने भी, और जो अन्य उपस्थित गणमान्य हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने इस विषय में बताया कि आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, वह जो हमारे वकील साथी हैं, जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, यदि वो उस संवेदनशीलता के साथ में वो सारी चीजें, यदि उनको
प्रैक्टिकली वो कॉलेज में या शुरू से ही उनको प्रैक्टिस की कराई जाए और उनको ये पता रहे कि वो जा रहे हैं तो वो सिर्फ कॉरपोरेट या कुछ ऐसे बड़े घरानों के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए वकालत तो नहीं करेंगे, वो देश में जो न्याय व्यवस्था है वो कैसे सुदृढ़ सुचारू ढंग से हो, क्योंकि एक बार काउंसिल बार एसोसिएशन है बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं मतलब, और यदि ये अपने हिसाब से यदि एक स्टैंड ये बना लें कि हम नहीं, हमें हमें जनता की ही देखना है कि हमें जो गरीब जनता है जो वंचित है जो इतने पेंडिंग केसेस हो रहे हैं तो इनको हमें कम करना है और इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना है, और यदि ऐसी सोच वो बना लेंगे तो जैसे नालसा सालसा और DLSA वगैरह ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और माननीय जज महोदय भी हमारे बीच में हैं, चीफ जस्टिस महोदय उन्होंने भी पहले भी इस बात को कहा था कि तालुक लेवल पर ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए, तो ये सोच कहाँ से आएगी? ये सोच पैदा करनी पड़ेगी कॉलेज स्तर से, स्कूल स्तर से, और आप जो हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं अन्य माध्यमों से जो भी ये कार्यक्रम को देखेंगे, देख रहे हैं, बाद में भी देख सकते हैं, तो इन सबका उद्देश्य यही है कि यदि पहले से ही यदि ऐसा संवेदनशीलता वो शिक्षा वो सारी व्यवस्थाएं उनके दिमाग में यदि रहेंगी और वो अच्छा स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे जो हमारे देश के पिछड़े वंचित और जिनको न्याय आसानी से नहीं मिल रहा है उनके लिए भी वो काम करेंगे तो ये व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से सुचारू ढंग से काम करेंगी। तो हमें लगता है कि हम अब इसमें इतना ही कह सकते हैं और बाकी तो हम अपने माननीय गणों को यहाँ पे सुनेंगे, और हमें लगता है कि हमारे बीच में जो हमारे अन्य अतिथिगण हैं कारिया साहब आ जाए तो आप लोगों को और बात रखेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। कारिया साहब से बात हुई है फोन पे, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो मैं इन द मीन टाइम और ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे हम यदि प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो शिवानंद जी ये ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या कल्पेश जवेरी साहब का मैं परिचय थोड़ा सा ब्रीफ में दे दूँ। कल्पेश जवेरी साहब जस्टिस जो हैं वो गुजरात से हैं, काफ़ी लर्नेड हैं, और आज का जो विषय है उसके साथ उनके साथ उनका जो गहरा नाता इस प्रकार है कि वो गुजरात के अंदर जो लीगल एड की जो नालसा की जो स्टेट में जो रहती है उसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं, उसके वहाँ पे कर्ता धर्ता भी रहे हैं और राजस्थान के तो वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस, लोअर कोर्ट में भी काफ़ी उनकी बहुत ख्याति प्राप्त है और कई इनाम और रिकॉग्नाइजेशन मिले हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो उसको कट शॉर्ट करते हुए मैं ये कहूँगा कि वो जो राजस्थान हाईकोर्ट के जब जस्टिस थे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के नाते उन्होंने लीगल एड क्लिनिक के ऊपर में भी काफ़ी वहाँ काम किया। उड़ीसा में जब आए उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर में भी वहाँ चीफ जस्टिस के रूप में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, और आज के दिन में एक मिनट सर, हेलो हाँ पटेल साहब कैन आई स्टार्ट? हाँ सर कृपया प्रारंभ करें क्योंकि पटेल सर का हमें लगता है कि एक मोबाइल कॉल अभी आ गया है, प्लीज सर गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एडिंग ऑफ नालसा। नालसा डे बाय डे आर प्रमोटिंग द पॉपुलैरिटी अमंग द दिस लीगल सर्विसेज शुड रीच टू द ग्राउंड लेवल। देयरफॉर वी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मोड। One of the mode which you, today's topic is legal clinic in the colleges, law colleges, even we have established in the jail, and we are requesting the law student to go to jail and try to meet each of the convict or the under trial prisoners and try to solve their problem and how they need or how they are required to approach the court or what is their right for parole, furlough and everything. Similarly, in the colleges, we have established the legal clinic where there are different team. And what we have done in the rural area, we have allotted 8 students, one village, and they were required to visit that village and they have to propagate the different policy of the NALSA and the state government. And if anybody needs any legal aid or legal assistance or what they are required to do, in a difficulty, that's how the concept of legal clinic has come. Well, I was the chairman of the Rajasthan Legal Services Authority. We have adopted a class, one room in even a school
primary school and a secondary school, where students were given the subject. This is the subject, and then we were holding competition on Legal Services Authority. Therefore, right from childhood, they must know that there is some authority, namely Legal Services Authority, where we can get free legal aid service to the poor people, scheduled caste, scheduled tribe, ladies, and whatever it's covered under. And that's how we were keeping competition. And they must know who are entitled for the legal services under the banner of Legal Services Authority Act. The other advantage of the clinic is the students will go to the individual convict or the individual residents of a particular village. They may not be knowing their rights. Many times it's happened that though they are entitled, small thing I can show you, opening of a bank account or a voter's right, they are not knowing what to require to do. At that time, I think this legal clinic, and it has also helped in the jail, where they were not knowing that against the conviction, they can prefer an appeal. So there is, after a delay of more than a year, we were in a position to convince them that you can prefer an appeal. Your co-accuser preferred an appeal. It is likely to be heard. And that's how the legal clinic has spread the awareness to the ground reality in the jail as well as in the village. Even they are trying to visit local authority, panchayat and everything, and try to get them some help to the people who are entitled under the different policy of the government. So legal clinic is established only with a view to make legal services authority services available to the grassroots level, and they must know that they are entitled to get free legal aid services with a good lawyer at all level. Even the lawyers will say that you are entitled at the time of remand also, the lawyer from the legal services authority was available. Yes, Mr. Patel, now you can, at question and answer, I can further clarify. Sir, आप थोड़ा सा और इसमें हिंदी में कुछ कहेंगे और लोग ज्यादातर हिंदी समझने वाले हैं तो लीगल एड क्लिनिक के बारे में चलो ये... मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ. यस सर. या ऐसा है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो एक्ट है उसके मुताबिक हर एक लॉ कॉलेज में हमने एक लीगल क्लिनिक की इसलिए शुरू किया है कि लीगल क्लिनिक की हेल्प से जो स्टूडेंट्स है लॉ स्टूडेंट्स दे विल वो जो स्टूडेंट्स है वो जाएंगे लोग के पास और उनको समझाएंगे कि अगर भी केंद्रीय सरकार के पास से और राज्य सरकार के पास से आपको ये लाभ मिल सकता है और आपको ये अर्जी करनी पड़ेगी तो अर्जी भी जो लिखनी होती है वो लीगल लॉ स्टूडेंट लिख देते हैं वो कहाँ रखना है वो भी वो लोग दे देते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनको ये सब जो बेनिफिट है वो मिले. अगर उनको अपील करना है जेल में भी हम उन लोगों को भेजते थे. एक लीगल क्लिनिक हमने जेल में भी किया था जयपुर जेल में तो काफ़ी लोग पैरोल और फॉरोल को भी उन लोगों को मालूम नहीं था कि मेडिकल असिस्टेंट ये लोगों में उन लोगों को मिलती है. ये सब लीगल क्लिनिक अथॉरिटी के जो लीगल क्लिनिक किया था वो सब काम करते थे. इस तरह से पुअर लोग और डाउन ट्रोड पीपल गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम नहीं है इसी इतना बेनिफिट उन लोगों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मिल सकता है वो हम उनको जानकारी देने की कोशिश करते थे. और राजस्थान में तो हमने प्राइमरी स्कूल में भी ऐसी स्टूडेंट को सिर्फ जानने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए तौर से एक क्लास में एक ऑफिस चालू कर दी थी और वेर वी वेर जहाँ वहाँ पे हम कंपटीशन करते थे और उन लोगों को कौन कौन सेवा ले सकता है उसका ये सेक्रेटरी कौन है चेयरमैन कौन है और स्कूल में जो हमने शुरू किया था उसका नाम था लीगल लिटरेसी क्लब. राजस्थान में लीगल लिटरेसी क्लब सो छोटे छोटे बच्चे भी वो क्लब में मेंबर होते थे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था. इसलिए मेरा सोचना है कि लीगल क्लिनिक हर कॉलेज में जो रखा है लालसा ने वो बहुत अच्छा है. सॉरी मिस्टर पटेल आई एम नॉट गुड एट हिंदी बट आई हैव ट्राइड टू कन्विंस देम इन हिंदी. थैंक यू.
Thank you very much, sir. I may not have covered everything, but I try to cover maximum what I covered in English. Yes, sir. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने जो बात बताई है मैं थोड़ा सा हिंदी में और क्लियर कर रहा हूँ. जवेरी साहब का ये कहना है कि जो वकीलात करने वाले जो लड़के हैं उनकी खुद की जो एक्सपर्टाइज बढ़ने के अलावा आस्क उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, गांव के लोगों के जो उनकी ज़रूरत है उसको मदद कर सकते हैं, जेल में जाते हैं, जेल के अंदर जो कैदी हैं प्रिजनर्स राइट है उसके बारे में भी उनको जो है बताते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उनको मदद भी करते हैं, और इस प्रकार उनको खुद का ज्ञान वर्धन भी होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, और एक अच्छे वकील के हिसाब से वो जब करियर चालू करने जाए तो ये सब चीज़ में उनकी मदद मिलती है. तो सवाल जवाब भी हम लोग लेंगे साहब से, यदि जवेरी साहब आप ही कहेंगे यदि अभी सवाल जवाब अभी लें या सभी के स्पीच खत्म होने के बाद में ले जाए. आई थिंक लेट एवरी स्पीच बी ओवर एंड देन वी कैन आंसर क्वेश्चन एंड आंसर. यस सर, थैंक यू सर. तो मैं अभी क्योंकि कार्या साहब है नहीं तो उनकी भूमिका मेरे जिम्मे आ गई है, तो मैं अभी अगले स्पीकर के रूप में आरती दिवे जी को इनवाइट करूंगा. आरती दिवे जी जो है एक उन्होंने LLB और LLM नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है, HNGU में उन्होंने जो है HNGU से PhD किया है, वो एक मेंबर रही है HNGU की भी, और प्रेजेंटली वो इंचार्ज प्रिंसिपल है BK मर्केंटाइल बैंक ऑफ मर्केंटाइल बैंक लॉ कॉलेज पालनपुर गुजरात. आरती जी आपका स्वागत है. थैंक यू सर. इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी वंदनीय और पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार. मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा है. ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको जस्टिस और इक्वालिटी की गारंटी देता है, और जस्टिस अगर हम कहें तो इट इज़ ऑन द ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. लाइफ के हर एक पार्ट में जस्टिस की बात है तो हम उसमें कानूनी न्याय को पीछे नहीं छोड़ सकते, और इसीलिए आज का टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जैसे कि स्टार्टिंग में शिवानंद जी ने कहा कि संवेदनशीलता ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, तो आई एम वेरी एग्री विद दिस कि आजकल की जो जनरेशन है उनको संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवोकेट है जो लॉयर है वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी. जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो खुद का ओपिनियन रख नहीं सकते, खुद की बाजू रख नहीं सकते, खुद के अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, तो उनके लिए एडवोकेट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. एक जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आज के दिन में भारत में 1.8 मिलियन लॉयर्स है, और अगर माइक्रो एनालिसिस किया जाए तो 736 पीपल के पीछे एक लॉयर है. तो हम देख सकते हैं कि आज भी ये जो रेशो है दैट इज अनइक्वल. तो अगर हमें लोगों को अगर न्याय देना है तो हमें इस रेशो को जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा. जैसे कि झवेरी सर ने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 आया, उसमें 3 लेयर्स बनाई गई और माइक्रो प्लानिंग करके सबको न्याय मिले इसके लिए प्रयत्न किया गया. तो इसी एक्ट के अंदर एक जो जवाबदारी है वो लॉ कॉलेजेस को भी दी गई है, जिसमें हमारा रोल ये है कि हम भी जाके लोगों को समझाए कि द न्याय इज फॉर यू, आपके लिए ये न्याय व्यवस्था बनाई गई है, तो फ्रीली कम और आप न्याय लीजिए. लेकिन जिस विस्तार से मैं बिलोंग करती हूँ तो शायद सर को भी पता होगा, तो यहाँ पे जो लोग है वो शैक्षणिक रीते बैकवर्ड है. आज भी वो जो है वह समाज में डिवोर्स के लिए वो मानते हैं, समाज में शादियां मानते हैं, खाप पंचायत भी यहाँ चलती है. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे है. लड़कियों को अभी भी पढ़ाया नहीं जाता, बाल विवाह भी ये साइड में होता है. तो उनको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो अपने सोसाइटी में ही लेते हैं. तो अभी तक वो हम कह सकते हैं कि अभी तक वो न्याय व्यवस्था के ऊपर उनका जो विश्वास है वो 100% हुआ नहीं है. सो इट इज अ मिजरी ऑन द पार्ट ऑफ जुडिशियरी एंड ऑन द पार्ट ऑफ those who are related to law field. सभी इसमें law teachers, law students, lawyers, judges, legislature. मैं सभी को लेती हूँ कि हमारे पार्ट पे कुछ कमी रह रही है,
जिसके कारण समाज का सामान्य व्यक्ति वो जुडिशियल जो न्याय के लिए वो कोर्ट में नहीं जाता, तो वो समाज में न्याय के लिए वो डिमांड करता है. सो समथिंग इज लैकिंग समवेयर. अभी थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो लीगल एड जो है वो किस किस को प्रोवाइड किया गया है. तो इस एक्ट के सेक्शन 12 में जो स्त्री है, पुरुष है, SC ST है, जो कामगार है वो, फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी में जैसे कि बाढ़ आई, बहुत सूखा पड़ा, उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो, जो मानसिक रूप से अस्थिर है, असमर्थ है वो लोग, या फिर जो लोग कस्टडी में है, मतलब कि जो जेल में है वो लोग, इन सब लोगों को इसमें लिया गया है. और ये सब लोग जो है वो लीगल एड लेने के पात्र है. सर ने जो कहा उस प्रकार से जेल में भी लीगल एड दिया जाता है, गांव में भी दिया जाता है. तो हमारी कॉलेज इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो इस प्रकार से, हमने एक कमिटी बनाई है जिसमें सीनियर और जूनियर लॉयर है, स्टाफ है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है. तो हर सैटरडे जो है वो हमने लीगल एड क्लिनिक का टाइम रखा है 9 से 12. तो वो टाइम पे अगर हमारे पास कोई नीडी पर्सन आता है तो हम उनका टाई अप जो है वो एडवोकेट के साथ कर देते हैं और वो उनको उस तरह से गाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो स्टूडेंट्स है और स्टाफ जो है वो अलग अलग एरिया में जाते हैं. अभी हमारे पास 35 वॉलंटियर्स है और उनमें से कुछ वॉलंटियर्स हमने एज अ पैरालीगल वॉलंटियर्स तरीके यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके साथ टाई अप करवाया है. तो हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ भी काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं. हम उनको प्रायर बेसिस पे उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हमें उनको क्या समझाना है, क्योंकि हम अगर लीगल लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो हमें उनके ही भाषा में समझाना पड़ेगा. तो हम पहले गाँव में जाते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं, फिर उस पे आधारित हम कोई नाटक, गाना या ऐसा कुछ एक्ट उनके सामने लेकर जाते और उसके थ्रू हम समझाते हैं कि समस्या है और इस समस्या का समाधान इस प्रकार से आ सकता है. और समस्या अगर हमने सॉल्व नहीं की तो उसका परिणाम भी आगे जाके क्या होगा, ये सारी चीजें हम इस नाटक के थ्रू समझाते हैं, गीतों के थ्रू समझाते हैं, गांव में रैली निकालते हैं ताकि गांव में सब लोग इकट्ठा हो और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है. कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, हम गए वहां बात की, उनको स्पेशल टाइम दिया और उनमें से कुछ परिवार में चेंजेस आया और उन्होंने तय किया कि नहीं हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें ऐसा भी रिस्पॉन्स मिलता है. तो इस प्रकार से हम अपना जो काम है वो हमारे कॉलेज के थ्रू हम कर रहे हैं. और हमने भी जैसे सर ने बोला, हमने नक्की किया है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद में जिस गांव को ज्यादा जरूरत है वहां पे हम अपना एक सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि वहां पे महीने के एक शनिवार को हम वहां जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस से हमारा तो नहीं आ सकते, तो हम ही उनके दरवाजे तक जाएंगे और उनको समझाएंगे कि उनको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने का हम हमारे लेवल पे जरूर ट्राई करेंगे. थैंक यू, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया इसलिए. और सच में ऐसा टॉपिक है कि जिसमें सच में सबने एक्टिव होने की बहुत बहुत ही जरूरी है. थैंक यू. प्रवीण सर अपने आप को अनम्यूट कर लें कृपया, आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही. सॉरी, कार्य साहब से अभी बात हुई है, किसी एक्सपर्ट को बुलाए हैं, जुड़ने में कुछ तकलीफ हो रही है, तो जब तक ज्वाइन करें हम लोग आगे चला रहे हैं. आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया, किस प्रकार आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं लीगल एड क्लिनिक के बारे में और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं. तो वी होप कि आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे वकील बन के निकलें जो लोगों की मदद करें. अब मैं अगले स्पीकर के हिसाब से हमारे जो अगले मेहमान हैं प्रोफेसर संजय राजा साहब, जो IIM नानावटी लॉ कॉलेज अहमदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर अभी हैं, मानिकलाल नानावटी कॉलेज, और उन्होंने करीब 75,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, टीचर्स और प्रोफेशनल्स और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग सिस्टम ये विषय में उनकी एक्सपर्टाइज है. इन्होंने 3 किताब भी लिखी है और पब्लिश खुद की है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजा साहब को कि आइए और अपने विचार साझा कीजिए और किस प्रकार आप ये जो काफी एक्टिविस्ट हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन में काम करते हैं उनको आगे इस फील्ड में समाज में जागृति लाने के लिए क्या कर सकते हैं.
राजा साहब स्वागत है। थैंक यू सर। सो जैसे आरती जी ने बताया कि शी हैज कांग्रेचुलेटेड द ऑर्गेनाइजर्स, ये बहुत ही कंटेम्पररी टॉपिक और जिसकी बहुत जरूरत है। वैसे टॉपिक पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप सबको शुक्रिया भी कह रहा हूँ और धन्यवाद भी कर। टॉपिक एम आई ऑडिबल? यस यू आर जी। शिवेंद्र मिश्रा जी अपना माइक बंद कर दीजिए। मैं पहले सबसे पहले ये टेक्निकल राजा साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें कृपया। एम आई ऑडिबल नाउ? या फाइन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आरती जी ने बताया कि ये बहुत ही कंटेम्पररी टॉपिक है। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूँ कि एज ए लॉ फैकल्टी, एज ए टीचर, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं काउंसिलिंग के लिए, और स्पेशली लीगल फील्ड में उन्हें क्या दिक्कत है, ये कुछ परेशानी आई है। सो ये मतलब लीगल एड क्लिनिक कॉलेज लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है, वो एक मैसेज भी इससे कन्वे होगा। सो बेसिकली एक बार ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट थी, फीस भरने के भी कल्पेसर उनके पास पैसे नहीं थे। शी वॉज फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। उनका एक मैटर चल रहा था क्रिमिनल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट। वो मेरे पास मतलब वो मैटर लेके आई, बोले कि सर बहुत लंबे टाइम से ये मैटर हमारा चल रहा है और हमें हर बार उसमें स्टेम ड्यूटी भरनी पड़ती। तो आई वॉज शॉक कि इसमें स्टेम ड्यूटी ये क्या है। तो बोले कि उन्होंने बताया कि हमें जब भी डेट लेना होता है, हमारे वकील साहब, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द एंटायर फ्रेटर्निटी, ये कोई एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं। सो उन्होंने बोला कि हमारे वकील साहब जो वो टिकट लगाते हैं 5,000 रुपए की, वो हमसे हर बार बोल लेते हैं कि ये स्टेम ड्यूटी तो मैंडेटरी है। अब जो बेसिकली कोई पुरसिस देना होता है या कुछ भी देना होता है तो उसपे एक टिकट लगता है। वो टिकट का जो अमाउंट होता है वो पैसा में होता है, जैसे इफ इट इज अ 5 तो 500 लिखा होता है, बट दैट इज अ नॉट 500 INR, रुपीज नहीं होते, वो पैसे होते। तो फिर मैंने किसी से बात किया, किसी से बात किया और मैंने कोई एडवोकेट से कंसल्ट करवाया और उनका फिर वो इश्यू सॉल्व। एक बहुत बहुत दूसरा एक सेंसिटिव इश्यू मेरे सामने आया था। वन वेरी ब्राइट गर्ल केम टू मी। जब भी मैं क्लासरूम में उसको देखता था तो बेसिकली शी इज वेरी क्लेवर, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेट हमेशा रहा करती। तो एक दिन ऐसे ही मैंने कैजुअली बोला कि आप, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खोए खोए से लग रहे हैं, इज देर एनी इश्यू? दो तीन बार पूछने के बाद वंस शी केम टू मी और उसने बोला कि सर वी लिव इन जॉइंट फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में है, और जो मेरे पापा के बड़े भाई मतलब मेरे चाचा अंकल, गुजराती में उनको दे यूज टू एड्रेस हिम एज अ मोटा पप्पा। तो बोले कि महाराज मोटा पप्पा से माय चाचा, मेरे अंकल, वो मुझे बहुत लंबे टाइम से हैरेस कर रहे हैं और मैं किसी को बता नहीं पा रही। सो देन मैंने तुरंत ही हमारे एक विजिटिंग फैकल्टी, एक लेडी फैकल्टी थी, टीचर थी, उनको भी बुलाया। फिर हम दोनों ने उनके पेरेंट्स को मतलब बुलाया और मतलब वो पूरी मैटर को हैंडल।
ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, हर साल हमारी कॉलेज इसमें कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं जो एक्चुअली विक्टिम्स होते हैं। उनको उन्होंने ग्रेजुएशन किए हुए करीबन 10-10, 12-12, 15-15 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन कोज उनको वो जस्टिस नहीं मिला, तो उन्होंने खुद ठान ली कि अब हमें लॉ परस्यू करना है, LLB की डिग्री लेनी है, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे ज्वाइन आवर कोर्स। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जवेरी सर ने बताया कि जो लीगल नॉलेज होना चाहिए वो काफी पहले से, मतलब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो तो इवन द स्कूल के सिलेबस में भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों को सिखाए जाने चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वही छोटी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज हुआ था, उसमें से अगर बचना हो तो रेमेडी वॉज वेरी इजी, एक वो वाटर सोल्यूबल गैस था और एक टॉवेल पानी में भिगो के जस्ट लपेट लेना था एंड वन कैन सर्वाइव फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। सो बातें बहुत छोटी होती है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो आउटकम होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो बीइंग अ फैकल्टी मुझे हमेशा ये लगा कि हर कॉलेज, अभी ये वॉलंटरी है बट एज जवेरी सर यहाँ पे मौजूद है तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स रिक्वेस्ट ऑल्सो, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी लॉ कॉलेज टू हैव अ लीगल एड क्लिनिक एट कॉलेज लेवल। ये एक मेरा ओपिनियन है। सर ने जेल की अभी बात की, हम आई एम एसोसिएटेड विथ रोटरी क्लब, हमने जेल में एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया, मतलब प्रिजनर्स के साथ। जेल भी अगेन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लीगल एड क्लिनिक्स होने चाहिए। हुसैनारा खातून का केस जो जिनका मतलब ये लॉ फील्ड से नहीं है या लीगल बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैं बता दूं कि सालों पहले हुसैनारा खातून के 2 केसेस हुए थे, इट वाज अ रिट पिटीशन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली उस टाइम पे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो एक 80s के बाद का जो एरा था, वो जजेस प्रोएक्टिवली इतना मतलब इसमें इन्वॉल्व होते थे, एंड स्पेशली इफ इट इज अ PI। सो एक लेटर लिखा गया एड्रेसिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई जज का नाम नहीं लिखा था, कोई नहीं लिखा था। पता ये चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं कि अगर मान लो कि उन्होंने अपना ऑफेंस एक्सेप्ट भी कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया हो, तो अगर उनको प्रोस्पेक्टिवली जितनी पनिशमेंट होती उससे भी ज्यादा पनिशमेंट वो लोग जेल में काट चुके थे, बिकॉज उन्होंने उनकी बेल देने वाला कोई नहीं था। सो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वंडरफुल वर्डिक्ट इन दैट, और उन्होंने बोला कि वो सभी को मतलब सेल्फ बेल पे आप बेल आउट करो। सो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा क्लास ऐसा है कि जहां पे जिनको जो बेसिक चीज भी लोगों के बारे में पता होनी चाहिए वो नहीं पता, उनको ये पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है, किसको अप्रोच करना चाहिए, इफ देयर इज अ केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, होम टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। और सेकेंडली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे ओरिसा जैसे स्टेट में 500 या 1000 या 1500 रुपये में माँ अपने बेटे को बेचने तक मजबूर हो जाती है, वहां पे जिस तरह से लीगल रेमेडीज जिस तरह से एक्सपेंसिव होती जा रही है, मैं मानता हूं कि लीगल एड क्लिनिक इज द फाइनेस्ट सॉल्यूशन टू दैट इश्यू कि जो हर जगह पे होना चाहिए। लेकिन उसका मॉडल क्या होना चाहिए,
अगेन आई वॉन्ट टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस कि एक स्टूडेंट ने कहीं पे एक लीगल एड क्लिनिक में एज ए वॉलंटियर सर्विस देने का डिसाइड किया. दैट स्टूडेंट केम टू मी, तो मैंने पूछा कि आपने क्यों ये क्लिनिक मतलब ज्वाइन किया. सो ही शेयर्ड मी कि सर सामने वाले का रिस्क है, अपना क्या जाता है, हमें तो एक्सपीरियंस मिल जाता है. नाउ सी द लैंग्वेज. मैं अगेन मैं नहीं मानता कि हर वॉलंटियर यही इंटेंशन के साथ आता है, बट दैट पर्टिकुलर मैसेज से मुझे ये पता चला और मैंने उसको बड़े प्यार से बताया कि बेटा जिनको लीगल हेल्प चाहिए, जो आपके पास एज ए लीगल पैशन के तौर पे आते हैं और जिनको आप मतलब कोई कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, वो लेबोरेटरी में जो एनिमल्स पे स्पेशली गिनी पिग्स वगैरह पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट गिनी पिग्स बॉय. ठीक है, वो अपने इश्यूज लेके आपके पास आते हैं. सो तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है. मतलब टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. किस लेवल की कंसल्टेंसी जो कंसल्टेंसी लेने के लिए आ रहा है, नाउ इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज, बट लेकिन वो कंसल्टेंसी का भी एक लेवल होना चाहिए. सो उसमें टीचर्स प्रिंसिपल्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स जिसको काउंसिल कर रहे हैं, जिसको कंसल्ट कर रहे हैं, जिसको एडवाइस कर रहे हैं, वेदर देयर एडवाइस आर राइट और रॉन्ग, राइट. सो द मॉडल यही होना चाहिए कि हर एक लीगल एड क्लिनिक में टीचर या प्रोफेसर या विजिटिंग फैकल्टीज, उनका एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. कारिया सर और सभी ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि नेशनल लेवल की और बेसिकली इट्स अ नीड ऑफ द आवर. और कारिया सर सालों से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करते आए हैं कि जो सही में वो टाइम की जरूरत भी होती है. सो आई एम हियर बाय कंक्लूडिंग माय सेशन. If there is any question, please. Thank you. Thank you very much. Questions later on. अभी मैं सभी हमारे साथियों को भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ. अश्विन कारिया साहब ज्वाइन कर लिए. मैं आके अभी बहुत जल्द उनको हैंड ओवर करने जा रहा हूँ. जो राजा साहब आपका काफ़ी बड़ा शुक्रिया, आपने जो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है, मगर कुछ बातें हैं जो जिससे हम आपके साथ में डिफर कर रहे हैं. जैसे कि आपने कहा कि बार काउंसिल को, सॉरी, लीगल एड क्लिनिक को कंपलसरी कर देना चाहिए. ये ऑलरेडी कंपलसरी है एज पर शेड्यूल 3 जो है अंडर द सेट रूल ऑफ बार काउंसिल रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ. लीगल एड सेंटर और क्लिनिक फॉर फ्री लीगल एडवाइस टू द पीपल इन द नेबरहुड एंड टू द रूरल फॉक्स ऑफ द विलेजर्स आर नियर बाय, ये कंपलसरी है. एवरी लीगल एवरी लॉ कॉलेज शुड हैव अ फंक्शनल लीगल एड क्लिनिक जिसका इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ द बार काउंसिल विल कंडक्ट पीरियोडिकल इंस्पेक्शन डिप्यूटिंग टू और मोर मेंबर्स टू विजिट द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस. अनफॉर्चुनेटली कारिया साहब इसमें कहेंगे आगे उनका अनुभव, उनकी 40 साल या जो भी रहा अनुभव उनका एज ए प्रिंसिपल और कॉलेज में, सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन हुआ है. ये सब चीज़ें कागजों में अच्छी लगती है कहने के लिए, और जैसे आपके कॉलेज में आप ही को पता नहीं है बोल रहे हैं, जबकि नियम ये भी है कि एक सीनियर फैकल्टी उसको इसको ओवरसीन करना चाहिए फॉर द लीगल एड क्लिनिक. अब मैं लास्ट में दो लाइन और बता के कारिया जी को हैंड ओवर करूंगा. यूएनडीपी का रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है. दे हैव विजिटेड मोर देन 450 और 60 कॉलेजेस, और ये रिटर्न में दिया है कि ओनली 6 कॉलेज के अंदर हमको लीगल एड क्लिनिक चालू हालत में मिला है, बाकी कागजों में है. वी कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू यू ऑल्सो. एनीवे मैं आपका जो भी कहना है उसका स्वागत भी करता हूँ, अपनी बात भी कह सकते हैं, मगर लेट अस व्हेन वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन आंसर उस टाइम में इसको लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा. नहीं, कारिया साहब आपका स्वागत है. नाउ यू प्लीज टेक ओवर.
धन्यवाद। क्या सभी हमारे जो स्पीकर्स है उसका खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी आपको राजा साहब तक आए हैं, अभी आपको नेक्स्ट दो स्पीकर और बचे हैं, जो नाम उनका मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो मैडम है रविदान कारनानी और एडवोकेट चिराग कारिया जी, ये दो बचे हैं। बराबर है। यस सर। अभी तो मेरे ख्याल से जस्टिस जवेरी साहब और आरती बेन दिवे का खत्म हो गया, ठीक है? हाँ, वो और राजा साहब का। हाँ, राजा साहब का भी। या भी रविदान कर्णानी से मैं आमंत्रित करूंगा कि लीगल एड क्लिनिक में उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? जैसे वो पहले यहाँ पालनपुर लॉ कॉलेज में ज्वाइन हुई थी 2013 में, और इसके बाद वो यहाँ अहमदाबाद में सर एलेशा लॉ कॉलेज में ज्वाइन हुई है। तो हमारे यहाँ तो ये पालनपुर में ये चला रहा था, हम लोग अभी मुझे पता नहीं कि एलेशा लॉ कॉलेज में वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन जब वो इंचार्ज प्रिंसिपल थी तब भी यहाँ हमने लीगल एड क्लिनिक के तहत में काफ़ी सारे प्रोग्राम किए थे। तो उसका इम्पेक्ट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम उसका व्यूज जानने की कोशिश करेंगे। तो रविदान जी प्लीज कम ऑन, प्लीज शेयर योर व्यूज विथ अस। प्लीज जैसे पहले मैं उसका परिचय भी दूंगा, रविदान जी डॉक्टरेट ह्यूमन राइट्स पे और नेट भी एग्जाम उन्होंने पास की है, और 2013 से सी इज इन लॉ कॉलेज। थैंक यू रविदान जी, प्लीज कम इन। यस, a very good morning to all. Honorable Justice Jhaveri sir, we can say guru eva hamara respected Karya sir, my sister professor, past colleague, now she is doctorate Dr. Aarti Dive, then after my brother professor, I can also say my colleague Dr. Sanjay Raja sir. So today's topic, discussions on the topic of legal aid reflects ground level realities of Indian society. So there are so many things to be discussed, but considering time limit, I am discussing my topic in three headings. First, importance of legal aid and awareness. Then second, legal aid clinic and their significances. And third, legal aid clinics in law colleges. So let's see. First, importance of legal aid and awareness. Legal aid is an effective way to obtain the goal of socio economic and political justice, and which is enshrined in the preamble of the constitution and also under the directive principles of state policy. So imparting legal awareness is the first step. It is a first step towards access of justice for all. Here I want to share a real life example. When my husband was posted as a civil judge, Bakwar Taluka in Panchmahal district, now it is Mahisagar district, Karya sir. Pata hai. So in civil matter, he appointed a court commissioner. When Mr. Court Commissioner reached at shoot matter, he called the defendant. Ek old lady came out. Mr. Commissioner ne jo panchnama wahan pe karne ke liye gaye the ya mapping wahan ki jo karne ke liye gaye the, उन्होंने देखा जो भी उनकी क्वेरी थी, जो भी उनके क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने उस ओल्ड लेडी से अच्छे से चर्चा की। देन आफ्टर कोर्ट कमिश्नर कॉल्ड अनदर को डिफेंडेंट
then old lady, I said him that yes, she is my daughter-in-law, and she go inside. After few minutes, a young lady came outside. और जब वो यंग लेडी बाहर आई, दैट टाइम मिस्टर कोर्ट कमिश्नर वॉज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड क्यों हुआ? उन्होंने क्या चीज नोटिस की कि जो ओल्ड वुमन पहले अपने घर से बाहर, अपने झोपड़े में से बाहर आई थी, तो जो साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, सेम साड़ी उस यंग लेडी ने पहन रखी थी, राइट? अब जब उनसे भी पूछ परस, जो भी क्वेश्चंस उनको क्वेरी, जो पंचनामा करना था, उन्होंने अपना कंप्लीट किया, तो उन्होंने कहा कि अब आप अपने जो को डिफेंडेंट है, आपकी मदर इन लॉ है, तो उनको कॉल करेंगी. देन लिटरली शी वॉज स्टार्टेड क्राइम, रोना शुरू किया, और मैटर समझ में आ गया कोर्ट कमिश्नर को. तो फिर गांव में से ही नेबर ने बोला कि सर, आप बुला तो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इनकी ग्राउंड रियलिटी, वी कैन से दैट क्रिस्टल ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि इन दोनों के पास में, सास बहू के पास में ओनली वन साड़ी बिटवीन टू वुमेन. बाहर आने के लिए उनके पास में एक ही अच्छी साड़ी है कि जिससे वो अपने पूरे तन को जो है ढक सके. तो पहले बाहर आना होता है तो सास, अगर बहू का काम होता है तो उसी साड़ी को वियर करके, और वो बहू फिर आकर के और अपना काम जो है वो करती है. कोर्ट कमिश्नर ने अपना जो भी काम था, वहां का पंचनामा, वहां का मैपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उसने अपना सब कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर रिपोर्टिंग टू हिज प्रिजाइडिंग ऑफिसर. जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नजर में ये सब चीजें आई, तो उन्होंने इमीडिएटली नालसा, देन सालसा, देन DLSA, देन तालुका लेवल एडवोकेट से अप्रोच किया, और पैरालीगल वॉलेंटियर्स के थ्रू अवेयरनेस. व्हाट इज अवेयरनेस? बिकॉज आई एम डिस्कसिंग हियर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एंड अवेयरनेस, कि इमीडिएटली उन दोनों वुमन को उनके राइट्स एंड हाउ दे कैन गेट फ्री लीगल एड, तो इस सब के बारे में जो है उनको इमीडिएटली जो जानकारी दी जाए. तो जो वहाँ के पैरालीगल वॉलेंटियर्स थे और एडवोकेट्स थे, इमीडिएटली वो लोग वहाँ पे पहुंचे, और उन्होंने कि इसको अगर कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा तो हाउ बोथ लेडी कैन डू ऑल दिस थिंग्स. तो इस तरह से जो है उनको वहाँ पे जाकर के जानकारी, कायदे की जानकारी, अवेयरनेस जो है बताई गई कि फॉर एवरी वीकर सेक्शन, फीमेल, चाइल्ड और पुअर लेडीज, ऑल दोज लेडीज विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, ऑल आर एंटाइटल टू गेट अ फ्री लीगल एड. तो इस तरह से ये मैटर जो है वो सोल्व आउट हुआ. तो यहाँ पे मैं ग्राउंड रियलिटी की सर बात कर रही हूँ, कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जहाँ पे राइट्स की, अधिकारों की जानकारी ही नहीं है, विदाउट नॉलेज. अब राइट्स, देयर आर नंबर ऑफ राइट्स, है ना, तो लीगल राइट्स तक तो पहुंचना बहुत एक पेचीदा बात है, कि लीगल राइट्स भी होते हैं और इसके लिए रेमेडीज भी जो है हमें मिलती है. तो ये जो कामगिरी है, नो डाउट, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एज वेल एज नालसा ने, जो इनकी 2010 की स्कीम है, लीगल एड क्लिनिक स्कीम 2010, इसके अकॉर्डिंग, और BCI ने हर एक लॉ कॉलेज को कंपलसरी किया ही है कि आपके यहाँ पे लीगल एड सेंटर, लीगल एड क्लिनिक जो है वो होना ही चाहिए, कि जिसमें अलग अलग तरह के लॉ के प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करके, सेमिनार्स कंडक्ट करके, और लोगों तक ये अवेयरनेस, ये जानकारी कि भाई आपके ये राइट्स हैं, आपके ये अधिकार हैं, और उसके लिए इस तरह की लीगल रेमेडी जो है वो बाय नालसा, DLSA, SLSA और तालुका लेवल पे जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है. एज अर्लियर ऑनरेबल जस्टिस जावेरी सर सेड दैट कि PHC की फिजिकल हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है, ही इज एब्सोल्युटली राइट.
यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, कि जब इस तरह की कामगिरी की जाती है तो नॉट ओनली रिगार्डिंग द राइट्स ओनली, इवन लाइक मनरेगा योजना, नंबर ऑफ स्कीम्स विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर एज सर अर्लियर सेड, तो इस तरह की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उन स्कीम्स को भी हम लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा नीडी लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं दूरदराज में, दूरदराज के गांव में रहते हैं, कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है, किस तरह से हमें मनरेगा का कार्ड बनाने के लिए जो 30 डेज काम मुझे मिलेगा उसका मेरा कार्ड कैसे बनेगा, राइट, तो उसकी एप्लीकेशन करनी है, कहाँ पे एप्लीकेशन करनी है, किसको अप्रोच करना है, तो ये सारी चीजें भी जो है बहुत ही इजी वे में जो पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं वो ट्रेनिंग लेकर के और उन लोगों को इस चीज में भी अपनी पूरी पूरी हेल्प जो है वो करते हैं। जैसा अभी आरती मैडम ने भी बोला कि गांव में जो लोग रहते हैं एलिटेड पीपल, कि जिनको नहीं पता कि व्हाट इज द राइट वे, कैसे हमें न्याय मिले, तो हम न्याय उनके द्वार, जस्टिस डोर टू डोर, कि हम न्याय उनके घर में ले जाते हैं। तो शी इज राइट कि हम एक नुक्कड़ नाटक या एक गांव, एक छोटा सा विलेज या एक एरिया, कार्यासर जेवी रीते आपने त्यां गामडाओने जे छे अडॉप्ट करीने गोद लेते हैं, त्यां जईने रैली काढ़ीए अने पछी आखू नाटक ना थ्रू जे छे लोकोने कोई पण एक सब्जेक्ट चूज करीने एना उपर नाटक वती એમને સમજણ આપતા અને પછી એમના જે કોઈ પ્રશ્નો હોય લાઈવ પ્રશ્નોત્તરીનું કાર્યક્રમ પણ આપણે કરતા અને લોકોનું સોલ્યુશન આપણે તરત જ લાવીને આપતા, સેમ એવી જ કામગીરી સર એલેશા લો કોલેજમાં ફ્રોમ 2006 થી, સર 2006 થી જે છે આ કામગીરી અહીં જે છે સર એલેશા લો કોલેજમાં ચાલે છે, બટ ડ્યુ ટુ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશન સર આપ સમજી શકો છો કે હું જ્યારથી જોઈન થઈ છું 2.5 વર્ષ મને થયા છે સર, તો ત્યારથી તો આ બધી સિચ્યુએશન એવી આવી ગઈ, બટ છતાંય સર કોઈ ભી એવું જે છે, મેડમ એક રિક્વેસ્ટ હે, જો આપકે લિસનર્સ હે વો જ્યાદાતર હિન્દી કો પ્રેફર કરતે હે તો કૃપયા હિન્દી મે બોલ દેના, ઓકે ડેફિનેટલી સર, તો ઓનલાઈન સુવિધાએં ભી હમને ઇસ બાર જો હે પ્રોવાઇડ કરવાઈ, कि काउंसलिंग सेंटर तो हमारा है ही, पर्टिकुलर एक एक लॉ प्रोफेसर्स को जो है अपनी अपनी कामगिरी, जैसा कर सर हम पालनपुर लॉ कॉलेज में हमारे होता था, हमारा पूरा टीम वर्क हम जो है काम करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी है, हर एक प्रोफेसर को अपना अपना काम जो है वो सौंप दिया गया है, तो पर्टिकुलर एक लॉ प्रोफेसर को जो है ये ऑनलाइन कामगिरी दी गई कि इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है, क्योंकि आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इस 2 ईयर में काफी हद तक बढ़ा, क्योंकि 24 आवर जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड को पता चले कि वो इतना, मतलब घर में रहने वाली एक हाउस वाइफ जो है गृहिणी जो है उसको कह दिया जाता है कि पूरा दिन आप क्या करती हो या काम ही क्या है, और फिर सेम की वर्किंग लेडी है तो वो बाहर का भी कर रही है घर का भी कर रही है, और अभी जब सबको साथ में रहना पड़ा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत ज्यादा आए, तो इस तरह के भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है ऑनलाइन हमने इस बार अपनी पूरी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग करके भी कंटिन्यू करी है। फिर मैं बात करूंगी कि ये जो सर एलेशा लॉ कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है, इसमें पूरे कैंपस में GLS कैंपस में बहुत सारे 7 to 8 कॉलेजेस जो हैं कैंपस में ही चल रहे हैं। हम अपना जब भी कोई लीगल का प्रोग्राम सर ऑर्गेनाइज करते हैं, खास करके लीगल एड पे, तो कैंपस में जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं वहाँ के सभी प्रिंसिपल्स को तो हम इन्वाइट करते ही हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी कर देते हैं कि भी आप अपने स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे भेजिए, स्टूडेंट्स एज वेल एज अदर पीपल्स, कि जिनके लिए स्पेशलिटेड पीपल, जिनके लिए ये प्रोग्राम जो है हम करते हैं, तो वो सब आकर के और उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इससे जो स्टूडेंट है उसे हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो पूरी अपनी केस स्टडी करता है, रिसोर्स पर्सन भी उस लॉ स्टूडेंट को ही बना दिया जाता है, जिससे क्या सर वो डेप्थ तक जाकर के अपनी स्टडी भी करता है, उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते हैं, और काउंसलिंग के लिए भी वो एकदम प्रिपेयर हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे या कोई भी इलिटरेट पीपल है
या वीकर सेक्शन फीमेल है, कोई भी जरूरतमंद है, तो वो कोई भी क्वेश्चन मेरे को पूछे तो मुझे किस तरह से, हम कहें कि एक साधारण भाषा में हमें कैसे उसे समझाना है कि भाई आपको मुफ्त में कानूनी सलाह, कानूनी सहाय जो है वो मिलती है, आइदर केंद्र और राज्य सरकार की जो दूसरी पॉलिसीज हैं उसका भी लाभ जो है वो आपको किस तरह से मिलता है, तो वो हमारे जो लोग के स्टूडेंट्स हैं फिर उनके लिए काफी हद तक इजी हो जाता है कि वो उनको बताते हैं कि भाई ये योजना में आपको इस तरह से जो है लिखनी है, इस तरह से आपको अप्लाई करना है, इवन उनको कार्ड तक प्रोवाइड करवा करके वो देते हैं। फिर नुक्कड़ नाटक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही रविदान जी। अच्छा आप जरा ख्याल रखे कि 12 बजे हमें ये आरटीआई के लिए हमारा जो प्रोग्राम है ना ये पूरा करके शिवानंद जी को हमें हैंड ओवर करना है। जी 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 सर। तो दूसरा सर कि हमारे कॉलेज में पर्टिकुलरली जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं और पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको खास करके सर इस तरह के प्रोग्राम्स में जो है रखा जाता है ताकि उनको उनके लिए जो भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में अवेयर किया जा सके, उनको जानकारी दी जा सके। और ये इसी तरह के प्रोग्राम्स सेमिनार्स हैं, काउंसलिंग्स हैं, अलग अलग एरिया में विद द हेल्प ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज ये कामगिरी जो है सर एलिशा लॉ कॉलेज वर्षों से सर इसी तरह से पूरी कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है जी सर। और अंत में सर आपको मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में आपने मेरे को मेरे विचार शेयर करने का यह सुअवसर प्रदान किया। और दूसरा कि सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस जिसकी मैं भी लाइफ टाइम मेंबर हूँ, बट मुझे कहने में सर कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही कि मैं शायद उतनी एक्टिव रह करके उसके भी कारण है सर कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती आपके सारे प्रोग्राम्स में, बट आप कंटिन्यूसली सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस को भी आपने इस तरह के टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ला करके इसे जो जिंदा रखा है सर उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। सो थैंक यू। धन्यवाद रविदान कर्नाड जी, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एड बताया और बाद में आपने सर एलएसआर लॉ कॉलेज में कैसी कैसी एक्टिविटीज होती उसके बारे में भी हमको जानकारी दी, धन्यवाद। अभी हमारे जो स्पीकर है चिराग कारिया वो सडनली इज ही हैज बिकम इल इन डिस्पोज ऑफ, सो वो तो नहीं आ पा सका, लेकिन अभी अभी मैंने आरती दीदी और साथ में संजय राजा का जो स्पीच था पूरी तरह तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वो 1987 का है और उसका एनफोर्समेंट 93 में आया, लेकिन उसके पहले भी 1907 के डिकेड में ये लीगल एड मूवमेंट शुरू की गई है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1978 में जस्टिस भगवती जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे और हमारे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस एमपी ठक्कर जो चीफ जस्टिस भी थे, तो उन लोगों ने गुजरात यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की एक मीटिंग रखी थी। मैं उस टाइम गोधरा लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल था तो मैं भी अपने तौर से गया हुआ था, तो उन्होंने लीगल एड क्लिनिक का जो कंसेप्ट समझाया और सब लॉ कॉलेज को उन्होंने अपील की कि भाई आपके यहाँ ये लीगल एड क्लिनिक शुरू की जाए। मैंने तुरंत तैयारी बताई, मैंने मैनेजमेंट से भी बात की और मैनेजमेंट भी तैयारी बताई कि हमने अपनी गोधरा लॉ कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक स्टार्ट की थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नालसा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वे लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जब ऐसा दिन आता है तो वे लोग कुछ कुछ सेमिनार करते हैं, कभी कभी गाँव में जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि वे लोग लॉ कॉलेज का कोऑपरेशन नहीं लेते हैं। मेरा तजुर्बा भी रहा है कि हम जब लीगल एड क्लिनिक के लिए अलग अलग गाँव में जाते हैं हम डीएलएसए को भी बताते हैं, लेकिन उन लोगों से ज्यादातर हमको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है।
इसमें मैं एक बुक से कोटेशन कोट करना चाहूंगा, कैसी स्थिति है हमारे देश में। सिंस द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन इन ए स्टेट ऑफ ए नियर परमानेंट डिकोटॉमी। ऑन द वन हैंड इंस्टीट्यूशन एंड लॉज required for the purpose for the proper functioning of the country in accordance with the rule of law exist on paper more or less in accordance with the constitutional mandate. On the other hand, most of these governing institutions do not function properly, and lack of processes, systems, values and people to function efficiently and more importantly in accordance with law. जहां तक मैं समझता हूँ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जहां भी लोक अदालत का आयोजन करती है, एक्चुअली लो कॉलेज को स्टूडेंट्स और लो कॉलेज को टीचिंग स्टाफ को इनवाइट करना चाहिए, उन लोगों की हेल्प दी जानी चाहिए। पैरालीगल वॉलंटियर्स के जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूँ कि अपने जहाँ पर लोक अदालत का आयोजन होता है वहाँ ऐसा होता है कि जो केसेस वर्ज ऑफ सेटलमेंट में होती है वो लोक अदालत में डाल दिए जाते हैं और नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो अगर लो कॉलेज के स्टूडेंट के जो सर्विसेज ली जाए तो उन लोगों को भी एक एक्सपीरियंस होगा, वो उन लोग जो हमारे जो DLSA है उसको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगा, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स भी तैयार होंगे और स्टूडेंट्स जो है जो वो एक्टिव होते हैं तो उन लोगों की सर्विसेज लेनी चाहिए। तो ये लोक अदालत के आयोजन में भी मैं जहाँ तक समझता हूँ देर आर सेवरल डिफेक्ट्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड। तो जवेरी साहब तो काफी उनका तजुर्बा रहा है, वे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं, तो मैं जस्ट वन मिनट जस्टिस जवेरी साहब को रिक्वेस्ट करूंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, क्या मैंने जो कहा वो सही है या गलत है। जवेरी साहब है क्या, निकल गए? प्लीज अनम्यूट सर, जवेरी सर अनम्यूट कीजिए सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने बताया इसलिए प्राइमरी स्कूल में भी हमने वो लिटरेसी क्लब कही है, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दी व्हाट इज द club and this clinic, what is the function of the clinic? Individual experience will not help us in the sense what is required to be done, what is improvement required to be done, that we should discuss more on improvement of the system. Yes. आपका क्या क्वेश्चन है? गोपाल मालवीय प्लीज। गोपाल जी है इधर के, निकल गए? गोपाल जी का हाथ भी उठा हुआ है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। मिस्टर राजा कुछ बोलना चाहते थे। अच्छा अच्छा, राजा जी आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। संजय राजा, आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन प्रवीण भाई ने कहा कि क्वेश्चन आंसर के समय ये ठीक रहेगा, इसलिए आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप क्या बात कहना चाहते थे। है के निकल गए वो भी? प्रधान जी को कुछ पूछना है, प्रधान अमर को। प्रधान अमर जी अनम्यूट करके आइए सर, आप बताइए।
मदन जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए मिस्टर प्रधान। आवाज नहीं आ रही है। शिवानंद भाई जी, जी ये प्रधान अमर जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है लगता है। एक सेकंड प्रधान जी का मैं एक, हाँ आप अनम्यूट करिए प्रधान जी। जी जी हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए जी। आप सभी लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबसे जुड़ने का मुझे पहली बार मौका मिला। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बराबर जी जी। मैंने एक आरटीआई लगाई थी जो ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखती थी। सचिव जो हमारे हैं ग्राम पंचायत के, वो निपेंद्र हैं। ये मैंने गांव के काम के 3 साल का काम। आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर आरटीआई के रिलेटेड है तो वो आरटीआई के सेशन अभी शुरू हो रहा है। थोड़ा समय, हाँ थोड़ा समय लगेगा क्योंकि झावेरी सर भी 1 घंटे का ही समय उनके पास था, उन्होंने जैसा सूचित किया था। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको जरा सुन लीजिएगा, मुझे जरा थोड़ा सा टाइम बता दीजिएगा। ठीक है सर, बस मैं आपको कॉल करूंगा। और झावेरी सर से क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा सर। हाँ सर, निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश में ये नालसा की जो, मतलब सालसा की जो व्यवस्था है, ये कैसे और बेहतर की जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए और हम इसमें क्या कर सकते हैं। सी आई कैन रिक्वेस्ट यू टू योर लीगल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी टू कंसल्ट आइदर राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और आप यू कैन टेक द डिटेल्स फ्रॉम द राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वेयर वी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट games and everything. अगर कोई क्वेश्चन हो तो वी ऑल आर हियर, बट पहले कहा था। वन मिनट लेट मी आंसर। ओके ओके, सो वी शुड कंसल्ट, आई मीन दैट विल बी आइडियल टू, बिकॉज़ राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पिछले 10 साल से नंबर 1 पे आ रही है कंपटीशन में। जी जी, तो इफ और मध्य प्रदेश अडॉप्ट दी मेथड एंड दी प्रोग्राम ऑफ राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, That will be much better. अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से जवेरी साहब हमें राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी का कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज देखने के लिए वहां जा सकते हैं क्या? 100% whenever you want to go, tell me, I will request the chairman to allow you or secretary to allow you to meet any person to get details. Okay, we will do that. Okay. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay. हाँ वसंत जी का एक क्वेश्चन था कि क्या कॉमन मैन लीगल टेक्निक कॉलेज में जाके मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, ये कॉमन मैन के लिए ही लीगल टेक्निक शुरू किया है। तो अभी मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं है, टाइम भी 10 मिनट ज्यादा हो गया है। तो मैं, हमारे यहाँ ये लीगल टेक्निक इन लॉ कॉलेजेस में आए हुए जो स्पीकर्स थे, जैसे मैडम आरती दिवे भी थी, फिर अपने जस्टिस झवेरी साहब, वो तो पहले हमारे मेन स्पीकर थे, और जस्टिस झवेरी साहब तो हमारे प्रोग्राम में हम जब इनवाइट करते हैं तब बहुत खुशी से आते रहते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में हमारे साथ जो संजय राजा जी आए, रविदन करनान जी, करनानी भी आई थी, उन सबों ने अपने जो व्यू शेयर किया, इसके लिए हम सबका धन्यवाद अदा करते हैं। और आशा करते हैं कि जब भी हमारा आमंत्रण आपसे मिले तो प्लीज कम इन and share your views whenever we call upon you. We thank you very much. हम शिवानंद जी का और प्रवीण भाई पटेल का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें स्पेस दिया। तो पूरे देश में लीगल एड क्लिनिक और लॉ कॉलेजेस में क्या स्थिति है, इसकी हमें जानकारी मिली। तो ओवर टू शिवानंद जी विथ थैंक्स। धन्यवाद कार्य सर, आप ने जिस प्रकार से इसमें बताया कि लीगल एड क्लिनिक्स के विषय में हमारे जो साथी थे उनको थोड़ा सा कम जानकारी थी, आप लोगों के माध्यम से और आपकी जो पूरी लीगल टीम है उसके माध्यम से बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब कार्यक्रम में अपन आगे बढ़े और थोड़ा सा आरटीआई पर भी चर्चा कर ली जाए। और हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह जी हैं जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष सर, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में माननीय श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो सर हार्दिक स्वागत है आपका। माननीय श्री आत्मदीप जी जो पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सर आपका हार्दिक स्वागत है।
और बाकी हमारे सभी जो भी साथी यहाँ पर हैं, और आप सबका हार्दिक स्वागत है। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और माननीय श्री राहुल सिंह जी को इसमें इनवाइट करते हैं, और सर इस पूरे मामले पर थोड़ा सा अपना एक एक्सपर्ट व्यू, और साथ में फिर आरटीआई के विषय में जो रिसेंट अपने जो भी है डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उसके विषय में फिर चर्चा की जाए, और फिर क्वेश्चन आंसर हमारे लिए जाए आप लोगों के टॉक के बाद। सर धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद शिवानंद जी, और ये सेशन बहुत ही मतलब जो काफी दिनों से आप श्री कारिया जी के साथ मिलकर के जो पूरा सेशन आपने चलाया है हर संडे को, स्पेशली जो लीगल एस्पेक्ट्स की जानकारी को लेकर के कार्यक्रम बनाया है, काफी इन्फॉर्मिंग रहता है, इससे लोग बहुत इन्फॉर्म्ड होते हैं। और इसमें मैं यहाँ पे जो हमारे जस्टिस श्री कल्पेश जावरी जी हैं, आरती जी हैं, संजय राजा जी हैं, रविदान करनानी जी हैं, और जो चिराग कारिया साहब थे, और इसके अलावा माननीय शैलेश गांधी जी और श्री आत्मदीप जी भी अब यहाँ जुड़ चुके हैं। तो इसमें एक चीज जो हमारे सामने ये आई है कि जो लीगल एड क्लिनिक जो यहाँ पे शिवपुरी में एक संस्था थी, उन्होंने बीच में एक स्टडी भी की, और उन्होंने ये पाया है कि जो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं कॉलेजेस में, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो चलाते हैं वहाँ, तो फिर भी ठीक है, वहाँ फंक्शनिंग आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है जिस तरीके से लिमिटेड लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी को लेकर के जो बात होती है तो वहाँ तो काम चल रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस हैं, जैसे आप जो शासन जो चला रही हैं, जैसे ये जो जो आपके रीवा में लॉ कॉलेज हो गया, या फिर आप कहिए भोपाल में लॉ कॉलेज हो गया, बॉम्बे का जैसे लॉ कॉलेज हो गया, तो जो वहाँ के कॉलेज में आप देखेंगे तो वहाँ जिस ढंग से काम होना चाहिए, फैकल्टी भी अवेयर नहीं होती है। और इसमें यूएनडीपी की भी रिपोर्ट आई थी, यूएनडीपी की रिपोर्ट में भी इसमें स्पष्ट तौर से कहा गया था कि जितनी जो लीगल एड क्लिनिक्स है वो सिर्फ लिमिटेड है कि लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी को लेकर के लिमिटेड रहते हैं, जबकि लीगल एड क्लिनिक में एक अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज की भी बात है और क्वालिटी लीगल सर्विसेज की बात है, वो नहीं है। और उसमें आप देखेंगे कि आरटीआई का जो एक बहुत अहम रोल है, आरटीआई का रोल कहाँ आता है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि लीगल एड क्लिनिक में आपको कोई पीआईएल फाइल करनी है, अब पीआईएल के लिए आपको सारे दस्तावेज कहाँ से निकालेंगे, उसकी प्रॉपर उसका तरीका होता है, वो आप उसमें आरटीआई फाइल करेंगे और उसके बाद आप पूरा डेटा जो है वो चर्न आउट करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या विषय वस्तु है, और उसके बाद फिर आप उसको पीआईएल किस पे ले जाते हैं। तो बेसिक जो अवेयरनेस होना चाहिए इवन अमंग द फैकल्टी मेंबर्स, वो भी उसमें उनके इसमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस हमने नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि इसमें इसको लेकर के काफी काम करने की आवश्यकता है। और जैसा रीवा में तो इनफैक्ट शिवानंद जी मैं कहूँगा कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि वहां पर लीगल क्लिनिक खोलना चाहिए, और जैसा मैंने बताया आपको शिवपुरी में, तो वहाँ हम वहाँ भी बात करेंगे और कुछ आपसे वहाँ लोग संपर्क करेंगे ताकि रीवा में एक प्रॉपर एक लीगल एड क्लिनिक जो है एक अच्छा क्लिनिक वहाँ पे लॉ कॉलेज में इस्टेब्लिश हो पाए। और जैसे कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि जो एक प्रॉपर फंडिंग जो होती है वो उनको मिलनी चाहिए लीगल एड क्लिनिक को, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो लेक ऑफ रिकॉग्निशन भी है, जो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उनके काम को, वो भी एक विषय है। लेकिन जहां तक आरटीआई का सवाल है तो वो अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई लॉ कॉलेज जो लीगल एड क्लिनिक लॉ कॉलेज यहाँ पे रन कर रहे हैं, जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गया हमने देखा, इंदौर में जो लॉ कॉलेज है, तो या फिर दूसरे जो लॉ कॉलेजेस हैं यहाँ पर रीवा में लॉ कॉलेजेस हैं, तो वहां से तो कभी हमने देखा नहीं कि कोई आरटीआई फाइल हो रही है और वो लोग कुछ उसमें पीआईएल मूव कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड यू नो जो कम्युनिटी के लिए काम होना चाहिए, मूवमेंट के लिए काम होना चाहिए, उस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि काफी काम करने की आवश्यकता है। जी शिवानंद जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और रीवा में जिस तरह से आपने बताया हमें, शिवपुरी में अभय जैन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके बारे में कई बार चर्चा भी हुई है, उनसे भी चर्चा हुई है। तो हाँ शिवानंद जी, वो अभय जैन की संस्था ने ही उसमें पूरा नेशनल लेवल पे पूरा इसका स्टडी किया था, और उन्होंने ये रिपोर्ट फिर उन्होंने बताई थी, तो उसमें ये निकल कर आया था कि जो दूसरे कॉलेज हैं वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और इंटीग्रेटेड लॉ जो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं वहाँ तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है,
बाकी सब जगह तो बिल्कुल बहुत ही कम काम है, मतलब काम है ही नहीं, ना के बराबर है। जी बिल्कुल, तो इस विषय में अपन और चर्चा करेंगे और आपके मार्गदर्शन। ये तो तय है शिवानंद जी, इसमें मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें हमें रीवा के लिए तो हमें काम आगे बढ़ाना चाहिए, और रीवा में मैं अभय को बोलूंगा, अभय आपसे संपर्क करेंगे, और रीवा में वी शुड स्टार्ट अ सेंटर, और अभय के कांटेक्ट में कुछ संस्थाएं हैं जो कि इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था भी कर देंगे, तो रीवा में वी कैन ऑपरेट दैट। ओके सर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और माननीय श्री शैलेश गांधी सर कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं और वो इस विषय में अपने विचार रखें और अपने अनुभव इसके विषय में कितना कुछ लीगल एड क्लिनिक्स का कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, और सूचना आयुक्त के तौर पर भी वो मतलब यदि ऐसे मामले कभी आते रहे हो कि कोई आरटीआई लगाकर ये जानकारी चाहिए कि मतलब लीगल एड्स में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कहां कैसे फंडिंग अलॉट होती है, कैसे सुचारू रूप से चल रहे हैं, इस विषय में सर स्वागत। अपने आपको सर अनम्यूट कर लें। मुझे ये विषय थोड़ा विचित्र लगता है, अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो ये ऐसा है कि दुकान पड़ा है और हम कह रहे हैं कि गरीबों को अन्न ज्यादा मिल जाएगा, आप कितना भी कर लीजिए नहीं होगा। पर आज मेरे हिसाब से नंबर वन प्रॉब्लम देश की जुडिशरी की ये है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ज्यादातर देशों में 70-80% केसेस एक साल के अंदर निपट जाते हैं, भारत में वो प्रतिशत 30% है, और 3 साल के ऊपर ज्यादातर देशों में 1% या उससे भी कम केसेस बाकी रहते हैं, अपने यहां 40% केसेस 3 साल के ऊपर लगा रहे हैं। अब इसमें यह कहना कि गरीबों को न्याय पहले मिल जाएगा ये असंभव है, तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ फोकस होना चाहिए। मुझे बड़े खेद के साथ कहता हूं कि इवन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बात करते हैं तब ये बात वो कभी नहीं करते हैं कि ये कैसे होगा। अगर ज्यादातर केस 3 साल 4 साल 5 साल के ऊपर लगे निपटारे के लिए, उसमें आप गरीब को कैसे फायदा पहुंचाएंगे ये मेरी समझ के बाहर है। उसके अलावा मैं एक दूसरी चीज कहूंगा, बहुत सारी लॉ कॉलेजेस है, आरटीआई से इसको जोड़ के कहता हूं कि आरटीआई के क्लिनिक सब जगह वो चलाएं, उससे शायद ज्यादा फर्क पड़ेगा। गरीबों को लीगल एड पहुंचाने में कितना फायदा होगा मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब सब लाइन में खड़े हैं तो वो गरीब को बहुत मुश्किल है कि हम लीगल एड सिस्टम ऐसी बना सके कि जो गरीब को न्याय मिल जाए दूसरे रह जाए। जब तक ये हम सॉल्व नहीं करते बैकलॉग का प्रॉब्लम, जब तक ये प्रॉब्लम अटैक नहीं करते कि 40% और ये 40% बढ़ेगा, 2 साल के अंदर ये 50% हो जाने वाला है, ये परिस्थिति में लीगल एड सोसाइटीज क्या कर सकती है मेरी समझ में नहीं के बाहर है। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आरटीआई का सब्जेक्ट लेके लॉ कॉलेजेस प्रचार करें प्रसार करें तो मेरे हिसाब से देश में लोकशाही सचमुच आ सकती है, और उसके लिए उस दिशा में हमें कुछ काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। आपसे एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये आपका एक ट्वीट आया था और आपने फेसबुक में भी पोस्ट की थी, तेलंगाना में कुछ सूचना आयोग से संबंधित कोई ऐसा एक मामला आया है जिस पर आप लोगों ने आपने और आचार्यलु जी ने मिल करके एक ज्वाइंट लेटर दिया है, वो क्या मामला था? तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने खुद का बहुत सारे लोग आरटीआई कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पे, गैर संविधानिक तौर पे। चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखा है कि इन्फॉर्मेशन देने के पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स सीनियर अफसर को बताएंगे, तो फिर उन्हीं को पीआईओ बना दे अगर उन्हें लगता है कि जूनियर ऑफिसर्स नहीं ठीक निर्णय ले पा रहे, तो ये सरासर गलत है। और ये बना दे सर, अच्छी बात है बना दे, वो मैं तो कह रहा हूँ लिखित में बना दे सेक्शन 54 में, वो डीम पीआईओ बन जाएंगे। नहीं सर राहुल जी, हकीकत यह है कि देश भर में एकाध राहुल सिंह होगा जो डीम पीआईओ सीनियर अफसर को पेनल्टी लगाएगा। ये भी हमें समझना चाहिए कि ज्यादातर कमिश्नर्स डीम पीआईओ को नहीं पेनलाइज करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि और जूनियर कहेगा कि मैंने तो सीनियर को पूछा था, और वो जूनियर लिख के भी नहीं देने को तैयार होगा कि
उसने मुझे पूछा था। तो अगर राहुल सिंह मिल गए तब तो ठीक है, मगर बाकी जितने 150-200 जो कमिश्नर्स हैं उनमें से बहुत रेयर है कि कोई पेनल्टी लगाएगा सीनियर अफसरों पे। इसके लिए श्रीधर जी ने मुझे ये बताया और श्रीधर जी ने ड्राफ्ट किया, मैंने एंडोर्स किया है। श्रीधर जी और मैंने, हमने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि ये तो गैर संवैधानिक गैर कानूनी आप काम कर रहे हो, उम्मीद करते हैं कि वो इसको विड्रॉ कर ले ये चिट्ठी को। प्रॉब्लम ये है कि आज तो कोर्ट्स भी बहुत इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दे रही है आरटीआई पे, कमिश्नर्स भी दे रहे हैं, तो अभी कहां कहां जाके इसको रोके, ये बड़ा कठिन प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें एक चीज और हो सकती है, जो लीगल एड क्लिनिक है ये बेसिकली देखिए इवन जैसे जर्नलिस्टों के लिए भी एक जो लीगल एड होता है वो भी इसमें स्पेशलाइज एक उनको प्रोवाइड कर सकते हैं लीगल एड। इसके अलावा जैसे आरटीआई की बात आती है, आरटीआई की कई केसेस होते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अक्सर आरटीआई की सुनवाई होती कहाँ है, वो हाई कोर्ट में होती है। तो अब इतने मींस नहीं होते हैं कि जो आदमी 10 रुपए का आरटीआई फाइल कर रहा है वो कैसे जाएगा। तो मुझे लगता है कि लीगल एड क्लिनिक को आरटीआई के जितने जो केसेस आ रहे हैं कमीशन में, जितने पेंडेंसी जो उनके खिलाफ जो केसेस जा रहे हैं, जो अपीलकर्ता को लगता है कि नहीं कमीशन ने गलत डिसीजन लिया है और उनको जाना है, तो हमेशा आपको याद होगा कि सरोज गांधी सर और हमेशा ये भी कहते थे कि भाई हाईकोर्ट की लड़ाई जो है हर किसी के बूते की बात नहीं होती, एक तो समय और दूसरा पैसा, क्योंकि आप जाएंगे वहां तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे में लीगल एड क्लिनिक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एड क्लिनिक को पूरे देश भर में जितने भी कमीशन में आरटीआई की पेंडेंस जो उनके खिलाफ जो मैटर जाते हैं एप्लेंट के खिलाफ, और वो एप्लेंट के खिलाफ मैटर वो उनको लेना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था उनको करनी चाहिए। दो चीज सजेस्ट करूंगा सर, आपने और हम लोगों ने मिलकर चिट्ठी भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिसका जवाब नहीं आया है, कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में ही मामला चैलेंज का लेना चाहिए, बाकी नहीं लेना चाहिए हाई कोर्ट्स को। अगर ये कर दे तो भी आरटीआई की बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और दूसरा मुद्दा जो टाइम लिमिट में कमीशन्स को मानना जरूरी है, 3 हाईकोर्ट के डिसीजन हैं, 2 कलकत्ता के और 1 कर्नाटक का, कि कमीशन को टाइम पीरियड में डिसीजन देने होंगे और सरकारों को भी वो अरेंज करना पड़ेगा जिससे वो कमीशन कर सके। पर इस मुद्दे पे अगर देश भर में वेरियस स्टेट्स में अगर केस फाइल किए जाए तो मैं समझता हूँ बहुत दबाव आ सकता है। सर धन्यवाद, कार्यक्रम में आप लोगों के विचार आगे भी लिए जाएंगे और प्रश्नोत्तर के सेशन में अपन आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच हम पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री आत्मदीप जी को यहाँ पे इनवाइट करेंगे कि वो अपने अनुभव इन दोनों विषय पर रखें, लीगल एड और साथ में आरटीआई से संबंधित। सर अनम्यूट हो गए सर आप सभी को नमस्कार, साथ में करवा चौथ की शुभकामनाएं भी। अभी माननीय शैलेश गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी आचार्य साथ मिलकर तेलंगाना के मसले पे, उस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग GAD नोडल एजेंसी है आरटीए के क्रियान्वयन। उस GAD ने बहुत पहले से, कई साल पहले से एक सर्कुलर जारी किया है सारे लोक प्राधिकारियों को कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन पर कोई भी निर्णय करने से पहले या जानकारी देने या न देने का विनिश्चय करने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा किया जाना प्रथम अपील के अधिकार को परास्त करता है। वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, अगर उससे पहले से पूछ लिया कि देना है या नहीं देना है और फिर लोक सूचना अधिकारी ने फैसला किया वरिष्ठ अधिकारी के बताए मुताबिक, तो प्रथम अपील में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो पहले से अनुमोदित है प्रथम अपीलीय। तो यहाँ स्पष्ट मनाही है गवर्नमेंट की तरफ सारे लोक प्राधिकारी कि आप कोई अनुमोदन नहीं लेंगे। दूसरा, आज का जो विषय है कानूनी सहायता का, इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भूमिका है वकीलों की। इस वेबिनार में जो भी हमारे अतिथि वक्ता आए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में
लोगों तक कानूनी जानकारियां पहुंचाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें साधुवाद। लेकिन ये विधिक सहायता के कार्यक्रम समय समय पे आयोजित किए जाते हैं एक अंतराल के बाद, लेकिन वकीलों का तो हर कार्य दिवस पे यही काम होता है लोगों की कानूनी मदद करें, ऑफिस लेके करें या निःशुल्क, लेकिन उनकी भूमिका यही है वकील। संयोग से मैंने भी कुछ समय के लिए वकालत की है, लेकिन जो इस सारी कानूनी सहायता मामले की मुख्य धुरी है, जो आदमी को कोर्ट तक न्याय दिलाने की मुख्य कड़ी है वकील, उसके बारे में अनुभव अच्छे नहीं, वो कुछ अनुभव आपको साझा करना है। एक तो कानूनी सहायता के कार्यक्रम की अंतिम परिणति सफल तभी हो सकती है जब सारी अदालतों के कामकाज निर्बाध रूप से सुचारू रूप से चले, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, और दूसरा जज और वकीलों का ये प्रयास होना चाहिए कि मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। इन दोनों कसौटियों पे आप वकील को कस के देख लीजिए, आपको वास्तविकता खुद पता लग जाएगी। मैं सूचना आयोग का अनुभव बताता हूँ कि जब भी हमारी कोर्ट में सेकंड अपील की हियरिंग में अपीलार्थी की तरफ से वकील प्रस्तुत होता था, तो वो हमेशा वकील पहली बात ये कहता था कि सर मिला, क्या मैं इस केस की फाइल देख सकता हूँ। अब सूचना आयोग में केस की फाइल में पहली हियरिंग है तो होता क्या है, अपीलांट द्वारा भेजी गई सेकंड अपील, प्रथम अपील की कॉपी, आरटीआई की, यही होता है फाइल में, और खाली नोटशीट होती है और कुछ नहीं होता। ये सब चीजें अपीलार्थी अपने वकील को पहले से ही बता चुका होता है कि ये मेरी आरटीआई है, ये फर्स्ट अपील है, ये सेकंड अपील की कॉपी, और इसकी हियरिंग है जिसमें आपको पैरवी करना है, वकील फीस ले लेते और आके कोर्ट में बोलता है कि क्या मैं इस केस की फाइल देख। हमने ऐसे तीन वकीलों से अपनी कोर्ट में ही मुवक्किल को अपीलार्थी को फीस वापस करवाई, जो 5,000 रुपये ले ली गई थी, कि आपने क्या ये फाइल देखने के लिए इससे फीस मांगी, और इसने क्या जानकारी अपीलांट ने आपको नहीं दी जो इस फाइल में, बिना बात के पैसा वसूली और मामले को लिंगरोन करना, क्योंकि हर पेशी के हिसाब से आपको पैसा वसूलना है मुवक्किल से। तो सर नेक्स्ट डे, अधिकांश वकीलों का हमने देखा वो एक ही रिक्वेस्ट होती, सर नेक्स्ट डे दे दीजिए, जबकि अपीलार्थी जो खुद अपियर होता है हियरिंग में, वो सीधी सीधी सपाट अपनी बात कह देता है कि मैंने ये आरटी लगाई थी, ये प्रथम अपील की, उसमें मुझे नहीं मिली जानकारी, अपेक्षित न्याय नहीं मिला, अब आप दंड दीजिए और जानकारी दिलाइए, सिंपल बात अपीलांट कह देता, वो कभी नेक्स्ट डेट नहीं मांगेगा। अपीलार्थी तो जल्दी से जल्दी एक ही सुनवाई में निराकरण था, लेकिन वकील चाहता है केस लंबा की, अब नेक्स्ट डे जवाब देने की। और इस अनुभव के आधार पर और दूसरे मेरे कई साथी वकीलों से बात हुई है, उनका भी निष्कर्ष ये है कि मुकदमे लंबे खींचने में जितना बड़ा कारण जजों की कमी, अदालतों की कमी है, उससे भी बड़ा कारण है वकीलों का केस को लंबा खींचने का रवैया, क्योंकि हर पेशी पे उनका मीटर घूमता। तो आप त्वरित न्याय के सारे जो प्रावधान है, प्रयास है, विधिक सहायता प्राधिकरण के भी, और तो तब पे वकील के स्तर पर आके पानी फिर जाता, उसको नेक्स्ट डेट मांगनी वहां भी। और हमने भोपाल की कोर्ट में देखा है कि जज के सामने रीडर बैठा, उसको 15-20 रुपए दे के और नेक्स्ट डेट लिए जा रहे। दूसरा, ये तारीख पे तारीख मांगने की प्रवृत्ति पे रोक लगना बहुत जरूरी है, इसके बिना लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और आप एक अभी एक सर्वे आया है, ग्लोबल ट्रस्ट वर्थनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 अभी इशू हुई है अखबारों में छपी है, इसमें 28 देशों में, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है, रूस भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह बहुत सारे देश है, बांग्लादेश, इन 28 देशों में एक सर्वे किया गया है आम जनता में, करीब 20,000 से ज्यादा लोगों, ये आपको किन किन पे जो सार्वजनिक जीवन में भूमिका रखते हैं, किन किन लोगों पे भरोसा है और किन किन पे भरोसा नहीं है या बहुत कम भरोसा, तो उसमें ये सर्वे का रिजल्ट ये आया है कि ज्यादातर देशों में लोगों को डॉक्टरों पे भरोसा है, वैज्ञानिकों पे भरोसा है, शिक्षकों पे भरोसा है, सेना पे भरोसा है, जजों पे भरोसा है, लेकिन जिन पे भरोसा नहीं है या बहुत कम भरोसा, उनमें पहले नंबर पे है वकील, दूसरे नंबर पे पत्रकार, पुलिस वगैरह।
और वकीलों की क्या स्थिति है यहाँ, वकील बंधु वकील वकालत के छात्र काफी हैं इस वेबिनार में, और वकील भी हो तो मैं उनसे क्षमा याचना के साथ यथार्थ से साक्षात्कार कराने के लिए माफी चाहूंगा अगर कोई अप्रिय बात आपको लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कटु यथार्थ। आप देखिए समाज में क्या स्थिति, कोई वकील किराए पर मकान लेने जाएगा, मकान मालिक देने से कतराएगा, कोई भी बहाना बना के उसको मना करेगा कि आपको किराए पर नहीं देना है, उपलब्ध क्या है इसके पीछे। अगर वकील की ये छवि होती कि ये न्याय की ही पैरवी करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, सच का साथ देते हैं, तो ये छवि नहीं बननी चाहिए। वकील को कोई उधार भी नहीं देना चाहता। अभी माननीय शैलेश गांधी जिस पे जोर देते हैं, वर्चुअल सुनवाई हो सारी कोर्ट में, इसके बहुत सारे फायदे भी वो कई बार गिना चुके हैं, चिट्ठी भी लिखी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहले वर्चुअल सुनवाई का विरोध किसने किया? वकील कम्युनिटी, क्योंकि उनको इससे आर्थिक रूप से नुकसान होता है, पेशे पर पेशे नहीं होती, जल्दी केस डिसाइड हो जाता है। तो वर्चुअल सुनवाई का, ऑनलाइन सुनवाई का वकीलों ने सबसे ज्यादा नाखुशी जाहिर की और ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, फिजिकल वो हो। दूसरा, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे खानविलकर जी, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके समय की एक सत्य घटना है जो आप में से शायद काफी लोगों को पता होगी। खानविलकर जी जो इस सेमिनार में हम सब भागीदार हैं और हम जो चाहते हैं वैसी व्यवस्था वो चाहते थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के नाते एक सर्कुलर जारी किया सारी अधीनस्थ अदालतों को कि इतने इतने साल पुराने केस आगे की इस टाइम फ्रेम में डिसाइड हो जाने चाहिए और इसकी हर महीने में समीक्षा करूंगा इसलिए अदालतों के जजों के साथ, और ये टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने सारे लंबित केसों के निपटारे का बना के लागू कर दिया। जोधपुर जबलपुर में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के सारे वकील हड़ताल पे चले गए, कौंसिल हड़ताल पे चली गई उनके इस डिसीजन के खिलाफ। आप बताइए इसमें वकीलों का क्या बुराई थी, जनता के हित में फैसला था कि जल्दी जल्दी केस निपटे, उन्होंने समय सीमा तय कर दी कि 2018 का केस है तो ये 2020 तक निपट जाना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की थी, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन सारे वकील इस ट्रैक पे चले गए और खानविलकर जी की बेंच का बायकॉट कर दिया, एक महीने जस्टिस खानविलकर खाली बैठे रहे क्योंकि हाईकोर्ट में बिना वकीलों के ज्यादातर केस पैरवी होती नहीं, खाली बैठे रहे, और अंत में परिणति हुई कि जस्टिस खानविलकर जी को बार काउंसिल के दफ्तर में जाके क्षमा याचना करनी पड़ी, अपना वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा, तब जाके हाईकोर्ट में और उनकी बेंच में काम बहाल। ये स्थिति, और जैसा मैंने कहा कि लोगों को जल्दी न्याय मिले इसके लिए सारी अदालतों का काम निर्बाध रूप से नियमित रूप से चालू रखना जरूरी है। आप देखेंगे किसी भी छोटे इश्यू को लेकर वकील को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी उसकी बाइक को या कुछ हर्ट हो गया, सारे वकील इमीडिएट सड़क पे आके अदालत का कामकाज बंद, कई अदालतों में आप देखेंगे तुरंत बंद या मारपीट शुरू, ये सब बड़ी अप्रिय स्थिति है। दूसरा, एक व्यवहार में हमने देखा कि मौजूदा वकीलों में कानून का अध्ययन करने की बहुत कमी है, कितने एडवोकेट है जो समय निकाल के लीगल जर्नल्स में जो नई नई जानकारियां आती है, नए मेंड होते हैं, नई नई बुक्स आती है, उनके स्टडी करते होंगे, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत जानकारी उपलब्ध है कानून के बारे में, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ देशी भाषा में कहते हैं कि ज्यादातर वकील निचले स्तर पर, खास करके जिला लेवल, तोड़ बत्ते वाले वकील हैं, यानी सेटिंग से उनको मामला निपटाना है, आप तो कैसे तो थानेदार से बात करेंगे और किसी से बात करेंगे संबंधित अधिकारी से और ले दे के आपका मामला सेट कराने की कोशिश करेंगे बजाय कानून की लड़ाई लड़ने। और कानून की अज्ञानता हमने सूचना आयोग की पीठ में यहाँ तक देखी है कि वकील, ज्यादातर वकील खुद के मामले में RTI लगा रहे हैं, खुद के नामांतरण प्रकरण में किसी में वो भी सही तरीके से नहीं लगा पा, RTI कानून का ही ज्ञान नहीं और दूसरों की पैरवी करने के लिए हुआ। शुरू में हम जब सूचना आयुक्त बने और कोर्ट में बैठते थे, हम तो नए थे, इस कानून के बहुत ज्यादा गहन ज्ञाता नहीं थे, लेकिन जब वकील कोई सुनवाई में आता था किसी की तरफ से तो हमको अंदर ही अंदर लगता था कि ये बहुत ज्यादा कानून का जानकार होगा, वकील बहुत तर्क वितर्क करेगा, इसको केस को सावधानी से लेने की जरूरत है। लेकिन जब हमने कुछ सुनवाइयां कर ली तो ये नतीजा हमारे सामने नतीजा ये आया कि कानून का सबसे कम जानकार वकील है, आम आदमी ज्यादा समझता है, आम आदमी की चिंता करने की जरूरत है, उनको आप कुछ भी प्रावधान बता देंगे उनको मालूम ही नहीं, कोई तर्क नहीं करेगा, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ खुद का। तो मुझे लगता है कि जो इन सब बातों को देखते हुए जो न्याय शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, एथिक्स है,
उनका संस्कार वकीलों को देने की जरूरत है और बहुत सख्त जरूरत है और ये जरूरत पूरी हो सकती है कानून के छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही ये संस्कार देने से कि आपके पेशे के दायित्व क्या हैं, आपकी नैतिकता के हिसाब से आपको अपने पेशे में क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वकील इन एथिक्स का पालन करने के लिए बाध्य हो, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई भी कर सके प्रभावित व्यक्ति, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीगल फ्री लीगल एड सर्विस जैसी और विधिक सहायता प्राधिकरण जैसी जितनी भी सेवाएं लोगों के लिए चलाई जा रही है, ये सब लोगों को इसकी भी जानकारी दे कि वकीलों के बारे में आचार संहिता क्या बनी हुई है, कानूनन क्या उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कर उसका उल्लंघन करें तो वकील के खिलाफ कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हो आप, और बार काउंसिल के क्या क्या रूल्स हैं वकीलों के बारे में। अभी इस वेबिनार के दौरान भी हमने चैट बॉक्स में देखा, एक रविंद्र पासवान की पोस्ट है, उन्होंने टिप्पणी डाली कि एस टी एक्ट से संबंधित उनका मुकदमा उनके वकील ने कोर्ट में अपीयर होने से पहले उनसे अनाप शनाप फीस मांगी और धमकाया कि अगर फीस नहीं दी तो तुम्हारा केस डिसमिस करा दूंगा, और उनसे ही नहीं सामने वाले पक्ष प्रतिवादी से भी वो फीस वसूलने के उनके सामने फीस की मांग करने लगा कि तुम भी मुझे पैसा दो। ऐसे कई केस देखने में आए जिसमें वादी के वकील ने प्रतिवादी से पैसा खाके और उसका कानूनन नुकसान कर दिया। ये सारी अप्रिय स्थितियां बदलना चाहिए, इसके लिए आम लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं उन वकीलों के खिलाफ वो क्या क्या कदम कर उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी देना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद सर। और हाँ शिवानंद जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं श्री अभय एस ओ, उनका ताजा बयान है, अभी 10 दिन पहले उन्होंने कहा है मुंबई में एक कार्यक्रम में कि सारी न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है, कोरोना काल में अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ गई है, आम लोग जल्दी न्याय चाहते हैं, न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालतों की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, इससे फैसले जल्दी होंगे, अदालतों में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से आत्मदीप सर ने बताया है कि विश्वसनीयता कम हो रही है, चाहे वह वकालत पेशा हो या मतलब न्यायपालिका हो, और उन्होंने ये भी बताया आप हम सबको कि जिस प्रकार से अभी इस मामले को लेकर के तेलंगाना वाले मामले को लेकर के माननीय गांधी जी और आचार्य लू जी ने जो पत्र लिखा है, पत्राचार किया है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट के साथ में, कि पीआईओ कोई किसी से पूछ करके जवाब नहीं देंगे, वो स्वयं देंगे क्योंकि वो नियुक्त हैं, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि पहले ही इस तरह का यहाँ पर सर्कुलर है कि कभी भी कोई पीआईओ किसी वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी नहीं लेगा कि जानकारी देना है कि नहीं देना है, और अन्य कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने रेखांकित किया। धन्यवाद। और हमारे हैंडल बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, और हम तो सोच रहे थे कि एक आध वकील महोदय भी यदि अपनी बात यहाँ पर रखें, वो अपनी बात रखें कि वो पेंडिंग केसेस और इन सब चीज़ों के विषय में क्या समझते हैं लीगल एड के बारे में, तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज नित्यानंद जी यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं, और हमारे अन्य साथी हैं वकील प्रभास जैन जी, एक एडवोकेट साहब हमारे बीच में दिख रहे हैं, तो प्रभास जैन जी अपने आप को आप अनम्यूट कर लें, और ज़्यादा नहीं बस 2-3 मिनट में आप अपनी बात रखें कि ये जो सब बातें आ रही हैं तो आपका क्या मानना है कि वकालत का पेशा इतना अविश्वसनीय क्यों हो रहा है, और ये जो पेंडेंसी बढ़ रही है इसमें वकीलों का क्या रोल हो सकता है, लीगल एड को आगे बढ़ाने में क्या रोल हो सकता है वकीलों का। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया, और उपस्थित सभी माननीय का मैं स्वागत करता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर इसमें देखिए, वैसे तो जो बातें अभी आत्मदीप सर ने कही हैं वो बिल्कुल मतलब हकीकत है जो उन्होंने बताया है, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा तो ये होगा कि मैं अपने खिलाफ एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत बिल्कुल उन्होंने जो बताया है वो आज का परिस्थिति यही है कि नॉर्मली जो तरीका होता है, रवैया होता है, वो यही होता है कि अपने केस को एडजोन कराते रहते हैं और उसको लंबा खींचते हैं, और उसकी वजह भी यही होती है कि जो सर ने अभी बताई
कि वो मैं अपनी मेरा जो क्लाइंट है उससे तो मैं करता ही हूँ कि भाई हर डेट पे मैं उससे चाहूँ कुछ ना कुछ ले लूँ, लेकिन जो अगेंस्ट होता है, जो प्रतिवादी होता है, उससे भी कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की सेटिंग कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, और इसमें बड़ा मुश्किल है ये कि हम इस प्रोफेशन को, एक जो पहले होता था कि भी उस पर बिल्कुल फेथ करता था हर आदमी और तभी वहां जाता था कि भी मेरा वकील ही मेरे लिए सब कुछ है, तो उस पर एक मतलब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और इसकी पेंडेंसी को कम करने के लिए जो कोर्ट की है उसमें मैं कहूंगा कि जज से भी ज्यादा जो हाथ है वो वकील का है, अगर वो चाहें तो उसको कम कर सकते हैं कि हम अपनी बात को स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने रखें और प्रस्तुत करें और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पर उसको डिसाइड कराएं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम उसको टाइम टाइम पे एडजोनमेंट करवाते रहें। जी सर। और सर मैं एक माननीय शैलेश गांधी जी से एक उन्होंने अभी कहा था मुझे कि यहाँ पे बताया था कि कमीशन में जो है ज्यादातर वो लोग एडजोन करते हैं केसेस को, तो उसके बारे में हाई कोर्ट के कुछ कलकत्ता हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन वो बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो शेयर करें क्योंकि मैंने हरियाणा में भी देखा है कि कमीशन में जो है वो एडजोनमेंट करते रहते हैं केसेस को, जबकि आपने बताया है कि हाईकोर्ट का ये है कि वो ना करें, उसको डिसाइड करें। और हमारे यहाँ भी जैसे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपीयर ही नहीं होते हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं करता है कमीशन, रिस्पोंडेंट बार बार अपील नहीं होते, तो इस बारे में भी चाहूंगा सर एक वो क्लैरिफिकेशन या जो भी उनके पास इसके केसेस हैं वो जरा शेयर करें। जी सर, धन्यवाद। जी मैं चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू। प्रवीण जी कुछ अपनी बात इसमें जोड़ना चाह रहे थे, एक मैसेज उन्होंने किया हुआ है, प्रवीण सर। यस, जो अभी तक कुछ बातें हुई है उसी सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो आत्मदीप साहब ने कहा एडजोनमेंट का एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें कोई विवाद नहीं है, मगर उसमें एक हमारे पास में देयर इज अ रे ऑफ होप। सीपीसी के अंदर प्रावधान है 3 से ज्यादा एडजोनमेंट न दिया जाए और नहीं दिए जा सकते हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर निकाले हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कि यदि 4th टाइम एडजोनमेंट आपको देना है तो वो इमरजेंसी बहुत ऐसी लगे तभी दे सकते हैं, और वो देने के साथ साथ आपको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बताना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव गिवन दैट 4th एडजोनमेंट। ये दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, जो हम लोग उसको आगे पूरे भारत में स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और जहां तक कानून की बात है तो कानून में तो सीपीसी में 3 एडजोनमेंट का ही प्रावधान है, 4th का नहीं है। दूसरी बात आती है, हम लोग लीगल एड क्लिनिक की बात कर रहे थे, लीगल एड क्लिनिक के अंदर में जो क्वालिटी और लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि जैसे मिस्टर पासवान ने सवाल पूछा था कि हमको तकलीफ हो रही है क्या है, तो एक तो एससी एसटी और महिला ये उनके लिए तो लीगल एड क्लिनिक टोटली फ्री है, नॉट ओनली कॉलेज के लीगल क्लिनिक, सालसा में चले जाए, नालसा में चले जाए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीएलएसए हैं, तालुक लेवल में टीएलएसए भी है, वहाँ पे भी जाके वो बात करें। सबसे बड़ी समस्या जो प्रैक्टिकल है जिसके ऊपर हम लोग ने सरकार से भी बात की है वो ये है कि इनके जो जजेस ये जो एडवोकेट्स होते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो प्रोवाइड करती है वो क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, इधर तो जिनकी वकालत नहीं चलती है वो जाके वहाँ रजिस्टर कराते हैं क्योंकि वहाँ एक न्यूनतम पैसे मिलते हैं कि इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, एक जो काफ़ी एवरेज इनकम जो होती है वकीलों से उससे भी काफ़ी कम। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे इसे आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं निकलता है तो मैं क्या करूं? तो फिर वो क्लाइंट से पैसे मांगते हैं, तो एक समस्या है। जहां तक डीएलएसए की या लीगल एड की बात करें हम, एंड दिस इज अ फैक्ट, पेंडेंसी की बात जो की उसके अंदर अभी हम लोग एक पिटीशन पीआईएल फाइल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ तथ्य हैं जो हम आपको साथ अभी साझा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हम 30% से ज्यादा हमारे केसेस जो हम तीन ज्यादा से ज्यादा निपटा सकते हैं 3 साल के अंदर, तो 30% ज्यादा अच्छा होते 40%, बाकी के जो है वो आगे चलते हैं। कई केस तो ऐसे हैं 15% केस ऐसे हैं कि जो करीब 10 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग है, और 30-30 साल 35-35 साल से भी केस पेंडिंग है वो आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, हाई कोर्ट में मिलेंगे, लोअर कोर्ट में मिलेंगे, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो भारत में हो रहा है। एक आर्ग्यूमेंट ये आया कि भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, दूसरी तरफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 2005 तक आप जो है 50 जज बना दीजिए, नहीं बन पा रहा है। तीसरी जगह शैलेश गांधी जी का भी आर्ग्यूमेंट है कि हमको ज्यादा जज की जरूरत नहीं, जितनी वैकेंसी उसी को भर दो काम हो जाएगा, वैकेंसी नहीं भरी जाती है, 34% आज के भी दिन भी
34-35% वैकेंसी है। सवाल यह होता है कि ये वैकेंसी यदि हम भर भी दें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये जज बैठेगा कहां पर? ये कोर्ट में ये जजों ने कहा है कि वेयर आर द कोर्ट्स फॉर अस टू सिट, यदि आप भर भी देंगे तो हमारे पास कोर्ट रूम नहीं है। कोर्ट रूम के लिए मैं जस्टिस लोढ़ा साहब का एक स्टेटमेंट, एक ही लाइन का मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव मनी, हम वर्चुअली वी आर बेगिंग फॉर मनी, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट मोर कोर्ट्स, हमें कोर्ट की जरूरत है, हम कैसे बनाएंगे, पैसे हमको नहीं दे रहे। ठाकुर साहब के आंख में पानी आ गए थे जब उन्होंने मोदी के सामने कहा कि साहब हम कुछ कीजिए, लोगों का विश्वास उठ रहा है न्यायपालिका पर। तो सवाल ये उठता है कि मैं टू सम अप इन वेरी फ्यू लाइंस कहें कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब तो नए जज को भर्ती करेंगे, और नए उसकी फायदा कौन ले रहा है? वकील लोग फायदा ले रहे हैं कि उन लोग ये जो हमारी लचर व्यवस्था न्यायपालिका की जो हो गई है उसको कैसे एक्सप्लोइट करना, उसमें वकील लोगों की मास्टरी हो गई है। उनको पता है कि जज भी तारीख देने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको भी दूसरे केस में जाना है, वो भी नहीं चाहता कि मैं इसको लेके आगे बहस में टाइम निकालूं। तो ये एक प्रैक्टिस बन गई है, और सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठने का कारण जो है, वकील अकेले नहीं है, ये पूरी सिस्टम है। और जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात, अभी क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं है मगर हकीकत है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि न्यायपालिका स्ट्रांग हो। उसी कारण है कि एवरेज आज पार्लियामेंट में देखिए 44% सांसद क्रिमिनल है, जिनके ऊपर में क्रिमिनल, सीरियस क्रिमिनल केस, किडनैपिंग, मर्डर, क्या क्या नहीं। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, दोनों मंत्री, दोनों केंद्र के बात कर रहा हूँ, दोनों के ऊपर सीरियस चार्जेस है। योगी जी आए जो यूपी के चीफ मिनिस्टर, वेरी फर्स्ट डिसीजन उनकी कैबिनेट का यही हुआ कि उनके खिलाफ जितनी FIR थी सबको क्वेश्चन कर दिया, पूरा विड्रॉ कर लिया, केस खत्म, सभी केस खत्म हो गए। 4 A4 साइज के पेज भराए जाए उतने मामले उनके खिलाफ है, इसमें किडनैपिंग है, मर्डर कराना, आपको दंगा कराना, क्या क्या चीजें हैं, सब कभी गलत भी होंगे, सही होंगे, जो भी होंगे, मगर पॉलिटिशियन लोग जो है उन्होंने हमारी न्यायपालिका की ये जो हालत करके रखी है, जिसका फायदा वकील लोग भी उठा रहे हैं और सफर कर रहे हैं हम लोग जनता वाले। और क्योंकि लीगल एड क्लिनिक लॉ कॉलेज की जो बात हो रही थी, तो आज भारत के अंदर जब UNDP का रिपोर्ट कह रहा है कि 6 कॉलेज छोड़ के किसी में नहीं है, सिर्फ कागजों में है, BCI की जिम्मेदारी है कि हर साल लॉ कॉलेज को इंस्पेक्शन करना, और करिया साहब इज एन एग्जाम्पल कि जो कह रहे हैं कि 40 साल में के प्रिंसिपल और कॉलेज के अंदर उनके अनुभव में सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन हुआ, बाकी इंस्पेक्शन तक नहीं हो रहा है। तो जब सभी चीज कागजों में चल रही हो, कायदे वाले लोग कायदा तोड़ रहे हो, तो बाकी जनता क्या करे। इस स्थिति के अंदर हम लोग जो इस मकड़ जाल में जो फंस चुके हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आता कि इसमें बाहर कैसे निकलेंगे। गरीब इसमें सबसे ज्यादा परेशान है। कई लोगों ने कहा, जैसे मेरे ख्याल से आत्मदीप साहब ने भी जो कहा कि गरीब जो है वो परेशान है, एफोर्ड नहीं कर सकता है, सही है, एफोर्ड नहीं कर सकता है, मगर आज कितने लोग आ रहे हैं कोर्ट में। हम यदि उसको देखें, अमेरिका में आप बात कीजिए, हर आदमी बोलता है कि मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर मैं मामला बना दूंगा, केस कर दूंगा, क्योंकि उनको कानून पर भरोसा है। हमारे यहाँ कानून है मगर हमको कानून पर भरोसा नहीं है। यदि आप पावरफुल पॉलिटिशियन है तो आपने देखा है लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है। तो कानून का राज जो है वो भी नेताओं के भरोसे यदि चलता हो और हम उसमें बात करें तो दिक्कत ये आती है। और लॉ कॉलेज की क्लिनिक की जो शैलेश गांधी ने जिस साहब ने कहा कि हम उसको RTI क्लिनिक हो तो ज्यादा अच्छा है, व्हाई नॉट टू हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लॉ क्लिनिक तो जरूरत है ही है, उसको आप हटा नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो अच्छे क्वालिटी आपको एडवोकेट मिलेंगे ही नहीं। और जज कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ जैसे IAS और IPS की व्यवस्था है, हमारे पास IJS नहीं है, इंडियन जुडिशरी सर्विस नहीं है। हमको वकीलों में से ही चुनना है कि किसको जज बनाना है। तो जब वहां पर क्रॉप ही हमारा खराब हो और जो नीचे से ऊपर तक सड़ी हुई सिस्टम से आया हो, तो आपको जज भी वैसे ही मिलेंगे कि जिसके अंदर में प्रसाद मेडिकल कॉलेज की जो जज थे चीफ जस्टिस, में नाम नहीं लेना चाहता हूँ मगर वो केस सबको मालूम है, बड़ा पुजारी, छोटा पुजारी, 5 लड्डू 3 लड्डू और खानवील, ये क्या नाम था, कुसुबुद्दीन क्या था, वो जज जेल चले गए। क्यों जेल चले गए? कि 3 करोड़ रुपए उनके घर से मिले। तो ये तो उसी में सब पूरी कहानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने बताया कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है, तो इसमें वकीलों को अकेले दोष नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यदि सरकार चाहे तो जो पेंडेंसी है वो कम करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था बना सकती है, जिस तरह से रातों रात नए कानून आ जाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकती।
और इसमें इतनी बड़ी न्यायपालिका, शिवानंद जी कानून की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो सरकार नहीं देना चाहती, पैसे नहीं दे रही है। और हमारे पास सेंट्रल विस्टा के लिए 22,000 करोड़ है, सदर स्टेचू के लिए 3,000 करोड़ है, अभी जलियांवाला बाग बनाया उसमें भी कितने करोड़ की है, 1200 करोड़ रुपया का दांडी मार्च का रास्ता बनाने का, उसको हेरिटेज साइट बनाना, उसके लिए पैसे है, कोर्ट के लिए पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को, राजनीतिक लोगों को कहां से फायदा होगा, वो चीजें पहले आए, फायदा नहीं, सब क्रिमिनल्स है, 44% गुंडे लोग है। वही आम जनता को किससे, वो अपने लिए बनाए, कानून यदि तगड़े हो और अच्छे से चले तो सब तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। अब वो अपने को तिहाड़ जेल जाना ना पड़े, उसी लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात है जो मुकदमों की भी आपने बात करी है, बात तो सही है कि मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष से भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमारे ख्याल से आ जाती हैं। तो जुडिशियरी तो वही है, साथ में पुलिस व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए, इनकी विवेचना में भी सुधार होना चाहिए, इनकी हर एक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। क्योंकि यदि किसी के विरुद्ध 100 मामले दर्ज हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे 100 मामले वो सही होंगे, उसमें 50 फर्जी भी हो सकते हैं। हाँ, यदि वो फर्जी मामले हैं या उसके ऊपर 100 मामले दर्ज हैं तो व्यवस्था ये होनी चाहिए, जिस प्रकार से शैलेश गांधी जी ने कहा कि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो पेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए, 3 साल के अंदर उनका निपटारा कर दो, जो भी है उसके सही है गलत है जैसा भी है उसका निराकरण हो जाए। 100 मामले दर्ज हैं तो 50 सही हैं, 50 गलत हैं या 25 सही हैं या कोई भी सही नहीं है, वो सही टाइम पर होना चाहिए। और साथ में ये व्यवस्थाएं जो है ये भी सुधारने की आवश्यकता है। जो इंडियन पुलिस एक्ट है ये बहुत बेकार स्थिति है, ये अंग्रेजों का जो एक्ट है, यहाँ पर हम तो इसके सब देखते रहते हैं ग्राउंड में है कि किस तरह से मामले दर्ज होते हैं, पैसा आप ले जाकर किसी के विरुद्ध कुछ भी एक्ट आप लगवा दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है, और जिसकी कोई पहुंच नहीं है उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो ये स्थितियां हैं। खैर आप आगे हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने हैंड रेस किए हुए, तो गोपाल मालवीय जी आपका पहला प्रश्न, आप अपना शॉर्ट में प्रश्न रखिए और हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते सर, आवाज आ रहा है मेरे? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन सर आप सभी लोगों से है, और मतलब मैं तो एक स्टूडेंट हूँ सर, लेकिन सर आप थोड़ा इन बातों को मैं मतलब एक ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब देश में अगर ऐसी स्थिति बनी रही, मतलब छोटी छोटी मासूम बच्चों के प्रति मतलब लोगों की कैसी सोच हो गई, मतलब उनका रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, मतलब एक तरफ तो हम मिट्टी को मातृभूमि मान रहे हैं और एक तरफ जिन माता बहनों है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो मतलब ऐसी सोच लोगों में क्यों आ रही है सर? शिक्षित लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ मतलब इतना हरेसमेंट कर रहे हैं, कभी वो मतलब घर की चार दीवारों में भी ऐसा होने लग गया, तो मतलब इस प्रकार से चलेगा तो मतलब क्या होगा सर? देश में आप नए नए कानून बचाव के लिए बनते जा रहे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे कानून बन रहे हैं वैसा वैसा और ज्यादा ज्यादा ऐसी स्थितियां मतलब बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? मतलब रोक ही नहीं पा रहे, मतलब पहले भी लोग हुआ करते थे, पहले भी मतलब कितने माँ बहनों को इज्जत करते थे, लेकिन आजकल तो मतलब इतनी असली हरकत, और मतलब एक स्त्री मतलब खुले वातावरण में जाके एकांत मतलब घूम भी नहीं सकती, कब ना जाने कब उसके साथ क्या गलत हरकत हो जाए, गलत घटना हो जाए। आपका प्रश्न पूरा सिस्टम को लेकर के है, और व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा चुकी है और किस तरह से अपराधीकरण मतलब अपराध बढ़ रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, उसके विषय में है आपके प्रश्न का जवाब। मैं यहाँ पर लीगल एक्सपर्टाइज के तौर पे, चलिए थोड़ा सा लीगल भी है, तो मैं प्रोफेसर एन कारिया जी को ही यहाँ पे बुलाता हूँ, वो आपके प्रश्न का जवाब दें। कारिया जी थोड़ा शॉर्ट में आप गोपाल मालवीय जी के प्रश्न का उत्सुकता का जवाब दे दीजिए। हाँ, उनकी बात सच है, मैं दो बातें लेना चाहूंगा। एक तो जैसे राहुल जी ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो 5 लो डिग्री कोर्सेज की जो कॉलेजेस है वहां पे कुछ कुछ अच्छा चलता है लीगल क्लिनिक का, और ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस के बारे में उन्होंने बताया कि वहां कुछ काम नहीं होता, ये बात सही है। तो इसमें ऐसा है कि BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इवन स्टेट लीगल बार काउंसिल का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बार काउंसिल के लोग सभी लापरवाह है लीगल एजुकेशन के बारे में। लीगल एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो बार काउंसिल को एडवोकेट्स एक्ट के दिया गया है Section 6 के अंडर, लेकिन वे लोग कभी भी देखते नहीं कि हमारी लॉ कॉलेज कैसे चल रही है। मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर BCI ने
अपने पूरे देश में 200 कॉलेज बंद कर दिया, क्योंकि उसका कोई पेपर एग्जिस्टेंस के अलावा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो दूसरी बात यह है कि जैसे अपने शैलेश जी ने बताया कि आरटीआई क्लिनिक चलाना चाहिए, हमारे पालपुर लॉ कॉलेज में हम आरटीआई का भी क्लिनिक चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि हमने यहाँ जो पंक्ति बहन आई थी ना, तो उन लोगों की जो संस्था है जनपद, उन लोगों ने आरटीआई का एक डिप्लोमा कोर्स तैयार किया है, वो आरटीआई एक्ट का वो डिप्लोमा कोर्स सभी जगह लागू करना चाहिए और एलएलबी में लागू करना चाहिए। और तीसरी जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे ख्याल से वो एक लड़की थी दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, तो उसने अपने 5 साल पहले जब ये बाल ठाकरे का निधन हुआ तब बंबई बंद का ऐलान किया गया था, तो एक लड़के ने एक फेसबुक का ऐसा पोस्ट भेजी कि भाई एक आदमी अगर मर जाता है तो पूरे बंबई को बंद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बंबई में कई लोग ऐसे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो रोज की कमाई के बाद भी खाना खा सकते हैं, तो उसके साथ अन्याय होता है। तो उस लड़के का पुलिस ने अरेस्ट किया, एक रात जेल में भी रखा। तो ये दिल्ली की जो लड़की एलएलबी की थी, 5 डिग्री लॉ कोर्स की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पिटीशन डाली पीआईएल की रूप से कि भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A है जो पुलिस को सत्ता देती है किसी भी आदमी को अरेस्ट कर, तो ये इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सही माना और आईटी एक्ट 66A वो वॉइड ठहरवा दिया। अभी भाई साहब ने जो सवाल किया है वो कानून जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसका एनफोर्समेंट हमारे देश में बहुत ही वीक है। मेरे ख्याल से क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ का सही मायना भी हमारे पॉलिटिशियंस भी नहीं जानते, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं जानते है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे वकील और जजेस भी ठीक तरह से जान नहीं पाते कि उसका कितना वाइड रेंज है कि ये क्या क्या कहना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो क्या है। नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के कई देशों ने फिलोसोफर्स पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स ने इन लोगों को डिफाइन किया है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो रूल ऑफ लॉ है कि जो लोगों को एडवांस में ये जानकारी देना चाहिए कि भाई ये कानून हम बना रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ये पब्लिक डोमेन में भेजना चाहिए, लोगों से सजेशंस इनवाइट करना चाहिए। जैसे जस्टिस वर्मा कमिटी ने उसने सजेशंस मंगवाए थे पूरे देश में से, और पूरे देश में से 13,000 सजेशंस उसको मिले थे। तो कोई भी कानून अगर संसद को बनाना है तो पहले लोगों के बीच उसको भेजना चाहिए कि भाई आप इसके बारे में अपने सजेशंस दें। दूसरी बात यह कि जो प्रवीण जी ने ये बात बताई कि भी किसी को सिविल मैटर्स में 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं मिल सकता, तो ये कानून का एनफोर्समेंट नहीं है, ये भी रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन है। तीसरी बात है रूल ऑफ लॉ का जो इम्पैक्ट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का जो एनफोर्समेंट कौन करते हैं, हमारे पुलिस लोग, तो पुलिस लोग का जो इम्पैक्ट होना चाहिए। अभी तो ज्यादा ऐसा होता है कि पुलिस लोग ज्यादा से मिलते जुलते हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी रक्षा करने के बजाय उन लोगों का जो घरोबा है, उन लोगों का जो संबंध है वो क्रिमिनल्स ज्यादा है। और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी 44% लोग क्रिमिनल्स है और उसका जो सुनवाई है वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में 2004 में एक कानून गवर्नमेंट अभी तो एमपी थे उन्होंने जबरदस्त विरोध किया और कानून को वापस लेना पड़ा वाजपेयी सरकार को। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है पब्लिक में जहां तक अवेयरनेस आएगी नहीं, पब्लिक जहां तक जागरूक नहीं होगी, तब तक हमारे रूल ऑफ लॉ का जो एनफोर्समेंट है बहुत ही वीक होता जा रहा है और पब्लिक बेचारी ये सहन करती जा रही है। तो इसके बजाय हमें सरकार को ये वार्निंग देना चाहिए कि आप रूल ऑफ लॉ का एनफोर्समेंट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से करें तो ही देश में ये पीस हो सकती है, वरना देश में ये जो हमारे क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है वो तो बढ़ता ही जा रहा है।
उसके हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हम सिर्फ बातें बनाएंगे तो इससे कोई कुछ रुकने वाला नहीं है। तो हमें भी ऐसे हमारी जो संस्थाएं है, जो ऐसे भी कई और संस्थाएं देश में होगी और है भी, तो उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ का एनफोर्समेंट ज्यादा से ज्यादा इन अकॉर्डेंस विथ लॉ कैसे होना चाहिए, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो। हम जानते हैं कि हमारी पुलिस 18वीं सदी की कामगिरी करती है, उन लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, उन लोगों के पास टेक्निक्स भी नहीं है, वे अपडेट्स भी नहीं है, कानून की जानकारी भी नहीं है। तो सिर्फ पॉलिसी के लिए नहीं, हमारे देश में तो हम ऐसा कहते हैं, हमारे देश में लोकशाही नहीं है, हमारे देश में फोकशाही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे अपन चलते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने और भी हैंड रेज किए हुए हैं, तो अगला प्रश्न। हाँ जी, धन्यवाद आपका कारिया साहब, बहुत ही आपने इन डेप्थ इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अमर प्रधान जी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना आरटीआई से संबंधित प्रश्न पूछिए, और किनसे पूछना चाह रहे हैं आप वो भी मतलब आप इंगित कर दें कि आपका प्रश्न किनसे है, किन महोदय से। सब भाइयों का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक बार फिर पहली दफे आपसे जुड़ा हूँ। मैं बुलंदशहर का रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं राहुल सर से पूछना चाहता हूँ कि मैंने 2.5 महीने पहले एक आरटीआई लगाई थी गांव के विषय में, जिन्होंने आरटीआर में मैंने मांगा था कि 3 साल का विकास का काम की फाइल की छायाप्रति मांगी थी। मैंने खंड विकास अधिकारी माननीय मतलब श्रीमान खंड विकास अधिकारी को लेटर लिखा था, और मेरा जनसूचना का जो आवेदन है वो लगभग पीआईओ ने अपने पास 1 महीना 23 दिन रखने के बाद ये कह के डाक द्वारा रजिस्टर से लौटा दिया गया कि इस पर खंड विकास अधिकारी के नाम जो है पोस्टल ऑर्डर नहीं होना था, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर है। जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हेलो बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ की आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए जी। तो उन्होंने 1 महीना 23 दिन अपने पास मेरा आवेदन रखकर लौटा दिया। फिर मैंने उसकी, क्योंकि 1 महीना 23 दिन हुए थे, प्रथम अपील में मैं चला गया था जिला विकास अधिकारी के यहाँ। उसमें पहले जो मेरी सुनवाई की तारीख थी उसको ये लोग उपस्थित नहीं हुए, मैं जाके उपस्थित हो गया, और फिर उन्होंने वहां दूसरी तारीख लगा दी दूसरी सुनवाई के लिए। दूसरी सुनवाई में मैं गया तो उससे 2 दिन पहले इन्होंने क्या काम करा, जो पीआईओ है उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा एक मेरे घर पर लेटर भेजा गया। उस लेटर में एक क्या नाम है उसका, धारा जो है अधिसूचना, जो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा की उपधारा 2 के खंड 6 की उपधारा 5 के तहत आपकी सूचना विस्तृत मानते हुए खारिज कर दिया गया, जबकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पत्रांग पर जो है साइन भी नहीं थे। मैंने इसकी अपील जो है विकास अधिकारी के यहाँ, जिला विकास अधिकारी के यहाँ अपनी शिकायत भी रखी, और उन्होंने जो हमारा प्रार्थना पत्र लौटाया उसकी भी शिकायत रखी और लिखित में शिकायत दी, लेकिन मेरी उस पर कार्रवाई न करके और उन्होंने जो है मेरी अपील को खारिज कर दिया। मैं जानना ये चाह रहा था उनसे, अपील अधिकारी से भी सर, के 2 महीने के लगभग बाद और मेरा जो प्रार्थना पत्र लौटाना और फिर मेरी जो है उसको खारिज कर देना, तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा था कि क्या 7(1) के तहत अपील का 30 दिन में प्रार्थना पत्र सूचना का निपटारा या निरस्त होना चाहिए था, लेकिन उसको 2-2 महीने बाद ऐसा करें तो ये क्या सर सही होगा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे जानकारी आपने क्या मांगी थी जो इन्होंने अति विस्तृत की? 3 साल के गांव के काम कराए हुए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। असल में मैंने 2018 में इनकी जांच कराई थी भारत मिशन के अंदर शौचालयों की, तो इन्होंने प्रधान को शौचालय की जानकारी मांगी थी आपने कि नहीं कुछ अब नदी नाले के काम के सर काम के। अच्छा, तो उसमें गांव के विकास का काम। तो दूसरा इसमें अमर जी, एक तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि कभी भी जानकारी जब मांगे आप, एक तो पोर्टल में भी देख लें, धारा 4 के तहत बहुत सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगे ताकि लोक सूचना अधिकारी का भी समय बचे और आपका भी समय बचे।
आप मतलब डेफिनेटली कोई भी अपील करता है ये तो नहीं चाहेगा कि वो रद्दी के कागज इकट्ठा करे अपने पास, है ना। अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए हमें, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, जहां हमें लगे कि हाँ ठीक है इसको हमें देखना चाहिए इसमें क्या व्यवस्था है। तो एक तो आप अपनी जानकारी को, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सभी को मेरी यही सलाह होती कि जब जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पोर्टल पर उपलब्ध है तो पोर्टल पर उसको देख लें, फिर उसके बाद आपको लगता है कि इसमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप मांगे, ताकि आपका भी समय बचे, आपका पैसा बचे, और लोग जो प्राधिकारी है, जो पब्लिक अथॉरिटी, उनका भी समय बचे। और दूसरी चीज की जहां तक आपके अपील का सवाल है, फीस का मुद्दा है, फीस में अगर फीस उनके द्वारा अगर आपको लगता है कि फीस गलत ढंग से उन्होंने डिनाई कर दी है, आपने फीस दी थी और आपने फीस सही प्रारूप में दी थी, फीस क्या आपने किस चीज के माध्यम से दी थी? खंडपीठ अधिकारी के नाम से। सर फीस तो बताई नहीं, खंड विकास अधिकारी पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का दिया था, ये विस्तृत तो सूचना मेरे लिए थी वो पांच दिन में। नहीं खंड, ये आपका एक डिनाइल तो पहला फीस को लेकर के भी हुआ इसमें। जी जी खंड विकास अधिकारी के नाम के दिन तो एप्लीकेशन में उनके नाम थे, पोस्टल ऑर्डर में उनके नाम था। आप क्या उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेजरी में आप जमा कर सकते हैं आरटीआई 10 रुपए का? जी तो सबसे नहीं अच्छा नहीं ऑनलाइन नहीं करा था मैंने, तो पोस्टल ऑर्डर करा था। नहीं नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप पुरानी चीजों में क्यों जा रहे हैं। देखिए एक तो दो तीन चीजें सभी जो एप्लीकेंट है उनको करना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रेजरी पर जाइए, ऑनलाइन ट्रेजरी पे 10 रुपए की फीस जमा कर दीजिए, शासन के खाते में आ गया 10 रुपए, कोई डिस्प्यूट नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर आपने पोस्टल ऑर्डर किसी और के नाम के गलत नाम से बना दिया है उनके, और उनका खाता नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि उनका उनके खाते में जमा होता है, अब उनका खाता ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो एक इश्यू बन जाता है। तो हमेशा ऑनलाइन एक करना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहिए, तीसरा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजने के बाद आप उसको जो उसकी डिलीवरी ट्रैक रिपोर्ट है उसका ऑनलाइन उसकी कॉपी निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ 6 महीने तक रहता है। और चौथा आपको इसमें अगर आपको लगता है कि फीस गलत ढंग से अगर उन्होंने डिनाई किया कुछ ऐसा कुछ है, सेक्शन 18 में प्रोविजन है कि आप सीधे सूचना आयोग को भी इसमें अप्रोच कर सकते थे कि फीस की डिस्प्यूट को लेकर। लेकिन आप चूंकि आपका फर्स्ट अपील और 30 दिन से ज्यादा हो गया था तो आप फर्स्ट अपील के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और फर्स्ट अपील की एलिजिबिलिटी के बाद आप सेकेंड अपील के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप सेकेंड अपील भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये जो तरीका है इन्फॉर्मेशन मांगने का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक तो इसको थोड़ा सा ठीक करिए। मतलब जो चीज आपको स्पेसिफिक मालूम है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप स्पेसिफिक जानकारी लेंगे, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आप एक बार पोर्टल, पंचायत पोर्टल अपना जो पोर्टल है उसको भी देख लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए, उसमें ASTS जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, उस सब की भी कॉपी पड़ी हुई है आपके इसमें पोर्टल में, तो उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ इसमें और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत है और इसमें हमें और सारे पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप उसको लीजिए। मैंने सर असल में ये कानून जो है जन सूचना कानून तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है पहले इस पर, क्योंकि मैंने 10 साल पहले भी एक FIR दर्ज कराई थी अपने राशन डीलर के खिलाफ। मैं पहले प्रधान था 2000 में प्रधान रहा था, तो मैंने राशन डीलर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तो 10 साल पहले भी मुझे इसका ज्ञान था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश ये जो धारा है जो चार, ये धारा गलत है, वो धारा गलत है। विस्तृत जानकारी का देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ऑलरेडी, विस्तृत इन्फॉर्मेशन के लिए जिससे लोक प्राधिकारी का काम विपरीत प्रभावित हो सकता है अगर ऐसा लगता है, तो उस आधार पर इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है अक्सर। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस का जजमेंट है, बाकी कोई धारा नहीं है इसके लिए कि उसमें विस्तृत जानकारी को उसको लेकर के। सर ये नियम ये धारा नहीं है, जो धारा आप बता रहे हैं 2-6 ये धारा नहीं है। जी जी उत्तर प्रदेश का ये नियम है, नियम अधिनियम बनाया है उत्तर प्रदेश। अच्छा नियम है, 2015 का नियम है, फीस अपील नियम उत्तर प्रदेश। मुझे जानकारी नहीं जी सर, मुझे इसलिए जानकारी नहीं थी क्योंकि अधिनियम तो मैंने पढ़ा है लेकिन नियमावली नहीं पढ़ी थी। 2015 का संशोधन है ये 20 दिन के बाद में मुझे रिहर्सल करने के बाद पता चला है। तो लेकिन दिन बहुत हो गए थे, इन्हें पहले ही विस्तृत जो है मुझे बताकर मुझे पैसे मांगे थे। देखिए एक तो चीज, दो चीजें हैं इसमें कि कोई एक्ट उसके मतलब कॉन्ट्रोवर्शन में नहीं बनेगा, मतलब इन्हें कोई नियम जो है ना
एक्ट के कॉन्ट्रोमेंशन में नहीं बनेगा, एक्ट के अनुरूप ही बनेगा। एक्ट में जानकारी देने का प्रावधान है, तो विस्तृत की परिभाषा क्या होगी जी? विस्तृत की कोई परिभाषा होती है भाई? कई जगह बड़ा बड़ा कार्ड, हाँ, तो मतलब कितना बड़ा, उसका हम अब कैसे बताएं कि आपको 100 पेज विस्तृत में मानेंगे कि 1000 पेज विस्तृत मानेंगे कि 1,00,000 पेज विस्तृत मांगेंगे कि 2,00,000 पेज विस्तृत मांगेंगे? तो नियमों में कुछ अगर आपके यहाँ वो स्पेसिफाइड किया हो तो अलग बात है, बाकी नियम में नहीं है। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं है, विस्तृत मांगा है, माना है और उसमें नहीं है। और दूसरा, ऑलरेडी अभी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया था, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो कोविड के समय ये हुआ था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास आनी शुरू हुई, तो उनके पास हर डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं तो कहूंगा कि वो काम थोड़ा विस्तृत हो जाता है कि हर जिले से इन्फॉर्मेशन बन रही है, वहां से फिर आ रही है, तो वो परेशान भी हो गए कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास, अब RTI लगा दी है, अब उनके पास हर 2 दिन पर एक लेटर आ जाता है, तो पूरा बंडल इकट्ठा हो गया उनके पास, तो वो उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं थी, वो सब मिल रही है हमको। तो राहुल सर, मैं द्वितीय अपील में तो जा सकता हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया। नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन उसके लिए चूंकि अगर इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरी अपील में जाइए, क्योंकि अपील का समय कब तक आएगा ये भी देखना है। और मीनवाइल आप बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जहां आपको मालूम है, आप क्योंकि गांव के प्रधान रहे हैं, आपको तो चप्पा चप्पा मालूम होगा किस चीज में कमाई की है, किस चीज में खाया है, किस चीज में उन्होंने किया है जी सर। तो आप स्पेसिफिक वो वाली इन्फॉर्मेशन मांगिए जिसमें घोटाला किया है, तो उसका आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप स्पेसिफिक मांग लीजिए तो उससे बहुत, और इवन आपको उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन का वो है कॉपी और ये सब, वो सब डिटेल है जो उसमें पूरा पढ़ोगे आप अपने पोर्टल पे जाकर के, तो उसमें उसकी कॉपी उपलब्ध होगी। आप स्पेसिफिक वो ऑर्डर नंबर लिख करके आप बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, इस ऑर्डर से रिलेटेड। सर, इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी भी जानकारी है। हम 2000 में प्रधान थे सर, तो जब प्रधान जी, अपन इसमें अब थोड़ा सा आगे भी चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए सभी कार्यक्रम में, आप पहली बार आए हैं, और आगे भी कार्यक्रम में आप आइए, आपके प्रश्नों का और भी बेहतर जवाब दिया जाएगा। हर बार हाजिर रहे जी जी, और अन्य साथियों को भी आप जोड़िए, ये काफी इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम। हमारे बीच में अन्य प्रश्न भी, हमारे नरेंद्र सिंह राजपुरोहित कुछ पूछना चाह रहे हैं। नरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न शॉर्ट में पूछें। हाँ, राहुल सर से मेरा सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। प्रणाम राहुल सर जी, नमस्कार। मेरा एक है, मैंने जिला परिषद में अपने हिंदी विषय के द्वितीय श्रेणी की जो एग्जाम हुए थे और लोगों के सिलेक्शन के संदर्भ में RTI मांगी थी, और उन्होंने मेरे को 267 रुपए का एक नोटिस दिया कि 267 रुपए आप जमा करवाओ और उसके बाद आपको सूचनाएं मिल जाएगी। मैंने उसकी वापस जिला परिषद में अपील भी कर दी और वो पैसे भी जमा करवाने के 37 दिन बाद अपील भी कर दी, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं उन दोनों के खिलाफ FIR करवा सकता हूँ और कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ कि मैंने 267 रुपए इनको पे किए हैं? दोनों की जानकारी आपकी ओर से चाहिए सर, निवेदन। देखिए, मैं FIR का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं उसकी सलाह दूंगा, मैं RTI के बारे में बात कर सकता हूँ जी जी जी। और FIR की बात कोई लोक सेवक, क्योंकि बीच में शिवानंद जी ने एक एक्सपर्ट को बुलाया भी था जिन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी राय रखी थी कि कोई लोक सेवक अगर जो उसका कर्तव्य वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए FIR का प्रावधान है, ऐसा आपके कहाँ शिवानंद जी, वो उत्तर प्रदेश के जहांगीर जी हैं और राव धनवीर जी हैं और वो हरियाणा और राजस्थान में विशेष तौर पर। हाँ, तो इनको नरेंद्र सिंह जी को उनका पता दे दीजिए, अगर वो FIR मेरे को सर आपने जो बात कर लीजिए आप, वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनुभव रहा नहीं है। RTI के लिए सर क्या करें, FIR का तो चलो छोड़ो, अभी दोनों को पैसे जमा करवा दिए तो मैंने उन 267 रुपए का, आपने अपील भी कर दी फर्स्ट अपील, तो अब द्वितीय कितने पेज की इन्फॉर्मेशन, 266 उन्होंने पेज के हिसाब से पेज का नंबर बताया भी होगी, संख्या भी बताई होगी, 133 पेज के 267 रुपए जमा कराओ, तो वो फीस आपने जमा कर दी है? हाँ, मैंने रजिस्टर्ड पोस्टर के माध्यम से पोस्ट ऑर्डर भेजे और उसकी जो है मेरे पास सारी रिकॉर्ड्स, और उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली पैसा जमा कराने के बाद? नहीं दी, मैंने अपील लगा दी है, अपील के पूरे दिन हो गए हैं, कोई जवाब नहीं आया है, तो अब मुझे वापस द्वितीय अपील में जाना पड़ेगा राज्य सूचना आयोग। अब तो सूचना आयोग ही आपका वो रास्ता है, और साथ में सूचना आयोग जाएं तो आप कम से कम इनके विरुद्ध जो है
मतलब जुर्माना लगाने की बात तो कहें, साथ में इसमें हर्जाने की भी बात करें। आप हर्जाना मान, जुर्माना और हर्जाना सर, एक में ये कह रहा था कि सूचना आयोग में जो मेरी जैसे कि आपने अपील की हुई है, उसका निर्णय किया हुआ है, एक साल हो गई है, उसका मैंने आवेदन भी कर दिया, अपील भी लगा दी और द्वितीय अपील लगानी पड़ रही है, तो फिर ये ऐसा क्या करें? मतलब, सूचना आयोग ने आवेदन लगा दिया, अपील भी कर दी फर्स्ट, फिर भी जवाब नहीं आया, उसके संदर्भ में क्या करना चाहिए मेरे को? ये सूचना आयोग में अपील लगा दी, मतलब फर्स्ट अपील लगा दी, सूचना अपील में तो सेकंड अपील लगती है। सेकेंड अपील फिर से, मतलब मेरा जो एक कोई द्वितीय अपील की हुई थी उसकी जानकारी चाहिए थी कि उस पर निर्णय किया हुआ और क्या निर्देशन किया, जो भी है, प्रश्नवाचक नहीं पूछा था मैंने, लीगली तरीके से उनको पूछा। नहीं, 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 नहीं। आपको आपका कहना है, आप जरा प्रश्न आपको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको और सही है तो बताइएगा। आपने एक RTI लगाई है इन्फॉर्मेशन कमीशन में, जी जी, और आप अपने ऑर्डर की जानकारी चाहते हैं, जी जी, क्या कार्रवाई हुई है, जी जी, तो उसमें आप सिर्फ ये करिए, आप कार्रवाई की जानकारी मत लीजिए, आप जो भी आपने आपका अपील प्रकरण है वो सिर्फ वो लिखिए RTI में कि ये अपील प्रकरण है, और इस अपील प्रकरण में जो भी ऑर्डर शीट और जो समस्त दस्तावेज हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। वही 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 मैंने पूछा उनको, और अपील भी कर दी, फर्स्ट अपील भी कर दी, मेरे जो अपील नंबर है जैसे कि 1555555 और ऐसा है, तो उसके मैंने खाली इतना ही मांगा कि जो जो भी पत्र व्यवहार हुआ है उसकी प्रतिलिपि दे दीजिए, एक प्रश्न ही पूछा, उसके बाद फर्स्ट अपील भी कर दी मैंने, तो दोनों में ये जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्फॉर्मेशन कमीशन ही जवाब नहीं दे रहा है। हाँ कमीशन ही, मैं आपको इसमें ग्रुप में भी शेयर करूंगा कि यही ऐसा हुआ है हमारे साथ। अनफॉर्चुनेट है अगर इन्फॉर्मेशन कमीशन में ही अगर RTE एक्ट का पालन नहीं हो पा रहा है, और मैं आपको सर इस पे क्या क्या कर सकते हैं हम, आप हमें बताइए, इसमें आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मिलिए अपने स्टेट के, उनको बताइए कि भाई ये तो गजब तमाशा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और खास तौर से इंफॉर्मेशन कमीशन में अगर इस तरह का हो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक है। इंफॉर्मेशन कमीशन में तो हमारे यहाँ तो जैसे कोई आता है तो हम लोग तो 3 दिन के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, 30 दिन के लिए भी वेट नहीं करते हम लोग, तो जितने अधिकारी के इसमें सामने अगर कोई किसी ने अगर RTI आवेदन लगाया है तो उस पर्टिकुलर संबंधित डेस्क पे जाने के बाद 3 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लोक प्रोसेस। नहीं, चीफ सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है इसमें, आप सीधे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मिलिए और साथ में आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और एक और सर ये था कि जो ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, अगर वो आवेदन पर जानकारी नहीं देते हैं, उनके अपील अधिकारी सरपंच होते हैं, तो ये तो दोनों मिलीभगत रहती है, दोनों साथ में डिसीजन वगैरह करते हैं, अगर वो सूचना नहीं देता है ग्राम सेवक, तो उसकी शिकायत संभागीय आयुक्त को की जा सकती है, सेवाओं की कमी की, या फिर सूचना नहीं देते हैं तो वो RTI से अलग मैटर होगा, मतलब वो अपील प्रक्रिया में नहीं आता है, लेकिन आप उसकी शिकायत जो है वहां पर पंचायत विभाग में आप करेंगे, पंचायत विभाग में जिला पंचायत जो CEO होंगे उनको आप वहां, हाँ जिला पंचायत CEO को शिकायत करिए कि ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है, और बेसिकली ग्राम पंचायत सचिव आप क्या होंगे, PIO, जी जी, तो जो ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं सेवक जिनको कह रहे हैं, तो वो एक निवेदन था कि आपके ऑफिस का कोई मेल एड्रेस वगैरह हो तो हमें कहीं बाहर ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए होती है, तो आपके मेरे पास नंबर मेल एड्रेस चाहिए, मेरे ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, ट्विटर पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें, आप तो मैं देखता हूँ आपकी जब भी लाइव सुन रही हो, ट्विटर में आप देख लीजिए, ट्विटर में उसमें दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है, नरेंद्र जी ट्विटर में आप देख लीजिए, सर का पूरा उपलब्ध है वहाँ पर, लैंडलाइन नंबर है, साथ में ईमेल एड्रेस है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हरी मुरलीधर ने काफी समय से प्रश्न अपना पूछा हुआ है, हरी मुरलीधर जी कृपया अनम्यूट करके अपनी बात रखें शॉर्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया एक सवाल पूछने का। सर सवाल ऐसा है, ये मेरा सवाल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन 1, मैं सूचना मांगता हूँ, इतना बहुत डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा मैंने, मुझे मैंने लेटर में वेरी क्लियरली लिखा है, मैं एप्लीकेशन मुझे रिप्लाई रजिस्टर्ड AD पोस्ट से ही दे, ठीक है, तो ये मुझे बैकडेटेड लेटर करके मुझे पोस्ट करता है कि मैंने आपको आपकी मुझे सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है, ये उसको सवाल मेरे समझ में, मैंने तो ये बता दिया सवाल क्या किया था आपने, मैंने 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 उनको मैंने कंप्लेंट जो दी थी उसकी प्रोग्रेस बताया, पूछे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय कंप्लेंट,
उसके बारे में मैंने 5 रिमाइंडर भेज चुके थे डिपार्टमेंट को. तो पीआईएस को मांगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय कंप्लेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इंक्वायरी व्हिच वाज ऑर्डर्ड, व्हिच इज ऑर्डर्ड, प्लीज प्रोवाइड मी द कॉपी एंड ऑल दोस. क्या इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, इंक्वायरी मैंने डिले इन डिसीजन 10-1 में इंक्वायरी ऑर्डर करवाई थी. नहीं नहीं तो ठीक है, सॉरी सर, मैंने डिले इन डिसीजन 10-1 में कंप्लेंट की थी. उसमें सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट की थी. तो उसपे 5-6 महीने हो जाने के बाद कंटिन्यूस रिपीटेड रिमाइंडर लगाने के बाद, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपने आपने बेसिकली स्टेटस मांगा रहो ना कि आपके आपकी आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है. आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन मांगा है कि आपने रिपोर्ट मांगी? नहीं नहीं, स्टेटस मांगी और व्हाट इज द प्रोग्रेस. आपने जो इंक्वायरी की उसकी कॉपी दीजिए मुझे, जो जो लेटर आपने, आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि इंक्वायरी हो गई है या प्रिज्यूम कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, डिले इन डिसीजन 10-1 की प्रावधान है. जिस तरह से 30 डेज में आप अगर आपने आपने आरटीआई की तो 30 डेज में जवाब आना है. डिले इन डिसीजन में 10-1 में अगर मैं एप्लीकेशन करता हूँ तो इंक्वायरी हैज टू बी ऑर्डर. इसमें मस्त है, इसमें शाल है. अच्छा, इसमें मे नहीं है. हाँ सर, ये कौन सा सेक्शन आप बता रहे हैं? डिले इन डिसीजन 10-1 सर, सेक्शन 10 आरटीआई का. मिस्टर हरी मुरलीधर. हाँ सर बोलिए. तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस सेक्शन 10 का बताइए ना मुझे, मुझे ये समझ में नहीं आया ना आरटीआई में. मैं थोड़ा सा मैं अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं नहीं सर, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10-1 आप कह रहे हैं एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी उसको एक कोई भी एप्लीकेशन आता है तो उसको 45 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है. ठीक है, 10-1 ठीक है. नहीं, दैट इज दैट, वो तो आरटीआई में उनको 30 डेज में करना है. आप फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि सेकंड फर्स्ट, आप आरटीआई की बात कर रहे हैं. तो आप, मैंने उस एप्लीकेशन के सिलसिले में रिमाइंडर लगाई कि सर क्या प्रोसेस हुई है. आप मुझे लग रहा है कि आप कुछ क्लैरिटी की बात नहीं कर पा रहे हैं. देखिए ऐसा है, एक आरटीआई आपने फाइल की है और आरटीआई में आपने आरटीआई की इंफॉर्मेशन मांगी या किस चीज की इंफॉर्मेशन मांगी है आपने? व्हाट इंफॉर्मेशन हैव यू सॉल्व मेड ऑन माय कंप्लेंट एंड माय रिमाइंडर्स व्हाट आई हैव गिवन? नहीं, व्हाट यू हैव मेड अ कंप्लेंट एंड यू हैव सॉल्व इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंप्लेंट. व्हाट इज द कंप्लेंट हैव यू मेड? दिस इज रिगार्डिंग द आरटीआई. नहीं, कंप्लेंट इज कि मैंने कंप्लेंट दी थी, 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई फॉलोअप नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उसपे. तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय कंप्लेंट? मैंने 10-1 में इंक्वायरी कर, ये 10-1 हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना. हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि 10-1 किस चीज का 10-1 है, हमको 10-1 समझ में नहीं आ रहा ना. चलिए थोड़ा सा आप ये बताइए मुझे, सेक्शन 10 में जैसा आप बोल रहे हैं कि कोई प्रोविजन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो प्रोविजन क्या है. सेक्शन 10 जो है वो आरटीआई एक्ट में सिरुलिटी का है. जब आप कोई, मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जिसको आप वो इन्फॉर्मेशन पूरी रिवील नहीं करना चाहते, उसका पार्ट इन्फॉर्मेशन रिवील करेंगे क्योंकि उससे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का मैटर होता है, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन छुपा दी जाएगी, है ना. सिरुलिटी वाला क्लॉज आता है सेक्शन 10 में. मुझे आरटीआई में कोई, वही तो मैं कह रहा हूं. आरटीआई में नहीं सर, आपने पूछा आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी. मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन की थी. ठीक है, आरटीआई में जब एप्लीकेशन की थी मैंने पूछा प्रोग्रेस ऑफ माय कंप्लेंट. आरटीआई में आपने प्रोग्रेस मांगा है अपने कंप्लेंट का? Am I right? You have filed an RTI and you have, आपने उसमें अपनी जो कंप्लेंट, आपने पहले जो कंप्लेंट की थी उसमें प्रोग्रेस मांगा है आरटीआई में, राइट? राइट, ठीक है. अब उसमें जब आपने आरटीआई फाइल की, आपने वो कंप्लेंट लेटर उसमें अटैच किया था उसमें साथ में? सर, सारे अटैच किए थे. ठीक है, ओके. नाउ अब आप फर्दर प्रोसीड करिए. अब ये सेक्शन 10 कहाँ से आ गया इसके अंदर? ठीक है सर, I'll just say, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 10-1 में कंप्लेंट रेज की थी और उसके बाद सेक्शन 10 में कोई कंप्लेंट होती नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कुछ नहीं होता सेक्शन 10 में, कंप्लेंट नहीं होती कोई.
आरटीआई में नहीं होता है, सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज। सिविल सर्विसेज तो आप ये बोलो ना भैया, तो यू हरि मुरलीधर जी, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट लाइक आई मीन व्हाट एप्लीकेशन यू हैव यू मेड। कंप्लेंट टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर। आई होप कि आप जितनी जितना आप अपने आप को यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आई होप एंड आई विश कि आपने अपनी जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की उसमें क्लैरिटी हो, नहीं तो अगर जितना आप यहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, अगर वही कंफ्यूजन अगर आपका आरटीआई एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करेगा हरि मुरलीधर जी, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपसे पूछेंगे कि आपने क्या मांगा है, राइट? तो अभी ये क्लियर हो गया अभी हमारे सामने कि एक सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में सेक्शन 10 कोई है आपका, उसके तहत आपने कंप्लेन किए, ठीक है हरि मुरलीधर जी? आई थिंक देयर इज सम इश्यू विद दिस ऑडियो। हाँ जी सर, हेलो जी, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू नाउ। तो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत आपने सेक्शन 10 के तहत अंदर एक कंप्लेन लॉज की, उस कंप्लेन लॉज करने के बाद आपने आरटीआई में आपने आरटीआई लगाई और पूछा कि मेरा जो स्टेटस क्या है जो मैंने कंप्लेन फाइल की थी, राइट? यस सर, यही है ना आपकी कहानी? करेक्ट सर, करेक्ट सर। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने क्या बोला कि हमें ये क्लियर नहीं कि आपने क्या चाहा है। पीआईओ का कहना है कि योर क्वेरी इज नॉट क्लियर, राइट? राइट आप उसमें ऐसा करिए, वापस उस पीआईओ को लेटर लिखिए एंड यू एक्सप्लेन योर पार्ट, और अगर उसमें प्रथम अपील का मेरे ख्याल से इतना टाइम हो गया है तो आप फर्स्ट अपील में उसको और क्लियर करके उसकी एक कॉपी पीआईओ को भी भेजिए और उसमें क्लैरिटी के साथ लिखिए कि आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस थ्रू दिस आरटीआई, आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ माई कंप्लेंट डेटेड सो सो सो, कॉपी ऑफ माई कंप्लेंट इज इनक्लोज फॉर योर प्रोड्यूसल, राइट? इतना आप करके उनको फर्स्ट अपील में आप चले जाइए। जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे अंदर जो साथी हैं एडवोकेट महिपाल सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करके कृपया शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछें। हेलो, हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न पूछें। सर ये जो व्यवस्था है न्यायपालिका वाली, कुछ साथियों ने वकीलों पे भी जो प्रश्न खड़े करे हैं, तो कुछ वकील ऐसे रहते हैं जो वकालत पे कम ध्यान देते हैं, या तो पॉलिटिशियन से संपर्क में रहते हैं या राजनीति करते हैं या उनके दो नंबर के धंधे होते हैं। वो लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को गलत सलाह देते हैं या पैसा ले लेते हैं और काम नहीं करते, उनको कानून की जानकारियां नहीं होती क्योंकि वो प्रैक्टिस करते नहीं है, या तो राजनीति करते हैं या दो नंबर के काम करते हैं। दूसरा सर, अभी जो पालिका की जो व्यवस्था है उसमें ये देखने में आ रहा लोअर कोर्ट में, मैं ये समझ रहा था एडवोकेट साहब, मैं ये समझ रहा था कि आप अपना कोई प्रश्न हो तो पूछें स्पेसिफिक, क्योंकि अब नहीं तो है ही नहीं, ओपिनियंस लेने के लिए फिर अपन बाद में, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी ओवर हो रहा है। आप कृपया जुड़े रहें, अगले कार्यक्रम में भी हम आपके ओपिनियंस जरूर लेंगे। जी जी धन्यवाद। अब आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं। अभिषेक कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें, अपना प्रश्न पूछें। जी सर, सभी को धन्यवाद सर मेरे को मौका देने के लिए। सर मैं दो प्रश्न पूछना चाहता था। पहला तो ये कि जो हमारा विधिक सहायता होता है उसमें बताया गया है कि स्त्री पुरुष बच्चे और जो भी सहायता चाहता है उसको वहाँ पे वो सहायता प्रोवाइड होती है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी परंतु सर प्रैक्टिकली मैं गया था और अपने लिए एक आवेदन किया था कि मुझे विधिक सहायता की आवश्यकता है तो मुझे विधिक सहायता प्रदान की जाए, तो ये सर मुझे यह कहकर मना कर दिया गया था कि आप के पास हाथ पैर है, आप शारीरिक रूप से सक्षम है, इसलिए आपको ये सहायता नहीं दी जा सकती करके।
तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था सर कि विधिक सहायता तो सबके लिए दिए जाने का प्रावधान है, परंतु ये बताकर कि आप शारीरिक रूप से सक्षम है इसलिए आपको ये सहायता नहीं मिलेगी, पहला क्वेश्चन ये था। नहीं, तो गलत ये गलत है, ये जिसका भी अप्रोच है गलत है। विधिक सहायता का ये बहुत ही किसी ने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है कि सिर्फ गरीबों के लिए है और मुफ्त में है। लीगल सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं और क्वालिटी लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुफ्त में रहेगा, आप पैसा लें लेकिन क्वालिटी लीगल सर्विसेज देंगे और अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज देंगे। तो इसके लिए वो ये लीगल जो सर्विस सेल्स हैं वो क्लिनिक जो हैं वो उस रूप में भी काम करेंगे। तो ये गलत ढंग से डिनाई किया है अगर इस तरह से किया गया। अच्छा जी सर, और दूसरा सवाल ये था सर मेरा इसमें कि जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज होती है, वहां पे हम RTI डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइवेट संस्था से तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए प्राइवेट संस्था में आप जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, आप बताइए कहाँ से। एग्जांपल जैसे मुझे एक कंपनी है, उस कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल केसेस बहुत से होते हैं, तो उसमें सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ और वो नौकरी कर रहा है और अच्छी अर्निंग करता है, 30-40 हज़ार रुपये सैलरी पा रहा है, बट उसके बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन, आपको सरकारी, जैसे अब इसमें जो है इनकम टैक्स तो देते ही है ना सरकारी, वो नहीं सर, इनकम टैक्स का भी सर एक क्राइटेरिया होता है कि आपका 2,40,000 के ऊपर है तब आप इनकम टैक्स पेयर के रूप में जाएंगे, पर उसके कम सैलरी है अगर तो आप वहां पे भी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। नहीं, टैक्स बेनिफिट देखिए ऐसा नहीं है, अब अगर उससे कम होगा तो फिर वो PF ये सब कटता है उनका, है ना, EPF कटेगा। यस सर, हर इस तरह की चीजें होती है, ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट की किसी एक बार कमा रहा है, एक आदमी अगर 100 रुपए भी कमा रहा है तो वो कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा नेट में। तो अब इसमें इवन मान लीजिए सबसे जो इस तरह की सर्विसेज होती है, कहीं पर कोई प्यून होता है, गार्ड होता है, तो उनका भी एज पर रूल, गवर्नमेंट रूल, उनका जो है वो जो प्रोविडेंट फंड होता है वो कटता है, SIC का वो पूरा सिस्टम रहता है जी, तो उसका नेटवर्क उसमें पूरा उनका सैलरी का स्लिप जाता है, ये सब तमाम व्यवस्थाएं वो उससे गवर्न होती है। तो आप वहाँ उस पर्टिकुलर वहाँ पे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप उसमें इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वहां से भी RTI लगा करके उसमें प्रोविजन है कि मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ को, क्योंकि 125 का केस आता है तो उसमें प्रोविजन ऑलरेडी है जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये ऑर्डर है कि वो प्रोवाइड करेंगे इसमें आपको। सर जैसे मैं एक केस के बारे में बोलना चाह रहा था, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है कंपनी में, बट प्राइवेट कंपनी है और वहां पे हमें उस पर्सन की जानकारी लेने के लिए हमें ये जानकारी नहीं, केवल ये मालूम है कि ये संस्था में यहाँ पर नौकरी कर रही है, डेली जा रही है, डेली आ रही है और जॉब कर रही है, परंतु उसके अलावा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि वो ESIC कटता है, उसके दायरे में आ रही है, इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है, किस दायरे में आ रही है, ये सारी कोई जानकारी नहीं, केवल इतनी जानकारी है कि जॉब कर रहा है सामने वाला इस संस्था में। तो वो देखिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट उनके क्रेडेंशियल के साथ लिख सकते हैं, है ना, वो तो ये तो सर्च हो जाता है इनकम टैक्स पे ही है कि नहीं है, वो तो मालूम पड़ ही जाता है, और दूसरा वो कोई बड़ी चीज नहीं है। और बाकी फिर आपके कोर्ट में तो आराम से इसमें 125 में प्रोविजन होता है, वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें जज के पास पावर है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस भेज करके उससे सारे रिकॉर्ड अपने पास बुलवा सकते हैं। जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश कार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करके कृपया शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। सर मैंने एक RTI लगाई थी सब रजिस्टर ऑफिस में, तो सब रजिस्टर ऑफिस में कुछ ऐसी अरेंजमेंट है क्या, वहाँ कुछ पैसे भरते हैं तो 7-12 ये वो सब मिलता है, तो मैंने को वो पूरा बत्था नहीं चाहिए था, मतलब कुछ स्पेसिफिक चाहिए था, तो मैंने किया था, तो बार बार मतलब 2 बार किया मैंने इसे, तो बार बार वो देते कि आप ऐसे गवर्नमेंट के रूप में यहाँ पैसे जाके भर के ये इंफॉर्मेशन दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा भरना पड़ता है मुझे 250 रुपये, जो मुझे कुछ जरूरत नहीं है,
तो मैंने कंप्लेंट की उसकी, तो उन्होंने फिर कंप्लेंट तो उन्होंने उनको लिखा भी चाहिए, कुछ ओवर राइडिंग इफेक्ट है गवर्नमेंट का, तो वो आप मुझे बताओ कौन सा रूल है गवर्नमेंट का जो इसके आर्टिकल के ऊपर है, वो उसके हिसाब से मुझे जाना है। इसमें मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आप सेक्शन 2 में इंस्पेक्शन का प्रोविजन है, तो अब आप जब भी आपको कोई चीज चाहिए आप उसका इंस्पेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप कहिए कि मुझे ये वाली फाइल जो है इसको पूरा मुझे फाइल को स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद इंस्पेक्ट करने के बाद जो चिन्हित डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आप मार्क डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी कॉपीज सर्टिफाइड कॉपीज आपको प्रोवाइड की जाए, तो आप जाइए वहां पर और जो भी आपका इंस्पेक्शन का एक फीस रहता है वो फीस दे करके आप उसमें वहां पर उसको कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। सर दो बार गया था वहां को जॉब लेते। इंस्पेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, इंस्पेक्शन का आप आरटीआई एक एप्लीकेशन लगाइए, फ्रेश आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए, लिखिए मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ इस फाइल का, वो फाइल आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन सर अभी इशू हो नहीं है, उन्होंने कंप्लेंट की, सुनवाई कर दी, अब उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मैटर बहुत उलझ गया है, वो दो बार आप ले चुके हैं और वो दे दी इन्फॉर्मेशन, अब वो बोलेंगे कि हमने तो दे दी, उसमें जितना उलझेंगे, देखिए एक बार फाइल उलझ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं बोल रहा हूँ सर, उन्होंने कंप्लेंट को सेकंड अपील में मतलब कन्वर्ट कर दिया, तो सेकंड अपील में अगर कन्वर्ट कर दिया तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि इनको मतलब अप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो कंप्लेंट सब सेकंड अपील की सुनवाई होने के बाद वो मेरा आगे घूम रहा है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये है कि उन्होंने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, जो आपको चाहिए नहीं था वो दे दिया। दिए नहीं कभी, दिए नहीं कभी। आप कह रहे हैं मिला नहीं है, और सेकंड अपील उनको कंप्लेंट को सेकंड अपील कन्वर्ट कर दिया, और वो इंश्योर भी नहीं किया कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले। नहीं, यू मीन टू से दैट यू डिडंट गेट एनी पेपर? नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। और कंप्लेंट को सेकंड अपील में कन्वर्ट कर दी और सुनवाई कर दी, और अभी उसके बाद वो अलग अलग डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो एप्लीकेशन। नहीं, वो कैसे कन्वर्ट कर देंगे सेकंड अपील में कंप्लेंट? पता नहीं वहां कर रहे हैं, मुझे यही जानना है कि कमीशन में गुजरात कमीशन में 2-3 बार ऐसे कंप्लेंट हुए मेरे जो कन्वर्ट कर दी पहले आपने, और मैं ऐसा कुछ बोलता भी नहीं कि मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो आपको खुश होना चाहिए अगर कंप्लेंट को अपील में कन्वर्ट किया तो। लेकिन इंफॉर्मेशन मिला ना? अरे इन्फॉर्मेशन तो अपील में मिलेगी ना, कंप्लेंट में इन्फॉर्मेशन देने का प्रोविजन ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें। लेकिन अगर उसको फाइनलाइज, लेकिन में इन्फॉर्मेशन देने का प्रोविजन नहीं है। लेकिन फाइनलाइज कर दिया उन्होंने तो बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना, या फिर उसके पहले मिलना चाहिए फाइल होने के बाद, सेकंड अपील फाइनल होने के बाद? नहीं, आपका प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने कंप्लेंट फाइल की या सेकंड अपील फाइल की? मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, दो बार मैंने किया तो उन्होंने सेकंड अपील उसको कन्वर्ट कर दिया जब सुनवाई होनी फाइनल ऑर्डर, तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड अपील आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि इसको मुझे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए मेरे को। हाँ, इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट किया तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मेरा आगे घूम रहा इधर उधर, मतलब वो फाइनल ऑर्डर होने के बाद। नहीं, फाइनल ऑर्डर क्या दिया कि इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ना? पता नहीं सर क्या उन्होंने गुजराती में लिखते हैं, ऐसा हुआ है यार। अब आपको यही नहीं मालूम है कि फाइनल ऑर्डर क्या हुआ? उन्होंने ऐसा लिखा है कि उसको मतलब, चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, ऐसा है फाइनल ऑर्डर अगर हो गया है इन्फॉर्मेशन देने का और आपको लग रहा है कि कमीशन का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, आप सेक्शन 18 में कमीशन का जो फाइनल ऑर्डर है वो लगाइए, उसको इंक्लोज करिए और एक सेक्शन 18 में कंप्लेन करिए कि आयोग ने यही आदेश किया था और आयोग के ऑर्डर को डिसोबे करते हुए इसको अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, एंड द गिल्टी ऑफिसर द पीआईओ शुड बी पनिश्ड। ये आप उसमें सेक्शन 18 में अब उसको ले जाइए वापस आयोग के सामने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं सुनीता बामनिया जी का। सुनीता जी, शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार सभी को। सर मेरा प्रश्न ये था कि लीगल एड में जो प्रतिवादी रहता है और 376 का मामला है, वो लीगल एड ले सकता है क्या, या विधिक सहायता ले सकता है क्या? हेलो हाँ, लीगल एड में क्या बताया आपने, प्रतिवादी कैसा प्रतिवादी? सर जैसे 376 का अपराधी है और वो गरीब है। अच्छा। उसने हाईकोर्ट से जमानत करवाने काफी पैसा
एक वकील को दिया है और अब जैसे प्रोसीडिंग या केस अभी कोर्ट में चलना बाकी है तो उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास वकील करने के लिए इसमें देखिए इसमें आप ये क्यों मान रहे कोई आरोपी जो है आरोपी बेसिकली विधिक सहायता मिलनी है जो भी प्रभावित पक्ष है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए है या जो बेटर लीगल सर्विसेज चाहते हैं तो वो तो न्याय चाहता है ना। तो ये इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आरोपी को ही डिफेंड करने का वो पक्ष मिलेगा मतलब डिफेंड करने का पक्ष नहीं मिलेगा जो आरोपी है उसके पास भी राइट है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सुनीता जी आपका आई थिंक हो गया उनका प्रश्न जी ओके तो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न पासवान जी रविंदर पासवान जी कृपया शॉर्ट में अपनी बात रखें। हेलो हाँ जी जी थैंक यू सर। सर मेरा क्वेरी है कि बिफोर सीआईसी हियरिंग के प्रोसीडिंग के ड्यूरेशन में जो एचपीसीएल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम सीपीएससी है सर वहाँ पे अगर पीआईओ इंटेंशनली गलत सबमिशन देता है और मैंने भी उसमें अपना सबमिशन दिया आरटीआई रिप्लाई ऑफ एचपीसीएल इटसेल्फ कि मैं लीगल हेयर हूँ मैं उसके बाद भी इंफॉर्मेशन कमीशन साहब ने मेरे जो सबमिशन रिकॉर्ड को एड्रेस नहीं किया और एचपीसीएल को डायरेक्ट कर दिया ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे और हम यहाँ पे जज नहीं है कि कौन सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कौन गलत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है सर इसमें मुझे क्या करना चाहिए सर। देखिए ये बात इसमें क्लैरिटी ये रहनी चाहिए कि आप जो कहते हैं आमतौर पे किसी भी एप्लीकेंट की ये शिकायत होती है कि हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है पॉइंट नंबर वन उसमें बहुत मतलब है पॉइंट नंबर टू ये है पॉइंट नंबर थ्री ये है बहुत स्पेसिफिक आपको ये देना होगा और क्या चीज गलत है और क्या सही है सही सही क्या है। एक तो दो चीजें सर हम लोगों ने पेंशन पॉलिसी को लेकर आरटीआई फाइल किया था एचपीसीएल में कि हम लोगों का जो जो सीपीएससी है एचपीसीएल ये नॉन पेंशनेबल एंटिटी है तो वर्कमैन जो है उसमें वर्कमैन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में एंटर्ड होता है मेरी मदर अभी बेनिफिशियरी है मेरे फादर के जाने के बाद और वो अनएजुकेटेड है तो एचपीसीएल ने मुझे ये बोलते हुए डिनाई किया कि आप लीगल हेयर हैं इसलिए हम आपको नहीं दे सकते तो इसकी कॉपी लगाते हुए मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने में अभी अगस्त में मेरा हियरिंग हुआ उसमें मैंने ये सबमिशन दिया कि सर मैं लीगल हेयर हूँ और मेरे फादर एचपीसीएल में थे वायलिन सर्विस उनका डेथ हो गया हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो पेंशन पॉलिसी है एचपीसीएल का उसकी हमें आपकी आवाज वो हो गई है एकदम से बंद हो गई पेंशन पॉलिसी का क्या चाहिए आपको पेंशन पॉलिसी का क्या हो गया आपकी आवाज वॉइस ड्रॉप हो गई इनकी आवाज नहीं आ रही है कोई टेक्निकल इश्यू हो गया आप हैं जुड़े तो हैं लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही ठीक है दूसरे को तो अगला प्रश्न ले लेते हैं मुख्तार अहमद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करके शॉर्ट में कृपया आप अपनी बात रखें। मैंने उसको ये कहा था कि आपने 2019-2020 और 2021 आपकी आवाज बहुत कट रही है मुख्तार अहमद जी कुछ नेटवर्क का इशू है क्या आवाज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना वीडियो ऑफ वीडियो ऑफ करके बोलिए शायद उससे चलिए अब आप बोलिए
हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं पंचायत प्रधान को आ रही है तो आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा, पंचायत प्रधान को मैंने एक आरटीआई दिया था, तो जिसमें मैंने जानना चाहा था कि 2019, 2020 और 2021 में कितने लोगों को, कितने औरतों को कन्याश्री दिया गया है, कितनी लड़कियों को रूपश्री दिया गया है, और गवर्नमेंट हाउसेस जो है कितने अप्लाई की, मैंने कितने लोगों को दिया गया है आपके पंचायत में, तो उन लोगों ने जवाब अभी तक नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए अब हमको क्या फर्स्ट अपील में जाना है ना? हाँ, अब आप फर्स्ट अपील में जाएंगे, पंचायत सचिव और पंचायत में, ग्राम पंचायत में लगाई थी आपने ये? जी, ग्राम पंचायत। कहाँ की ग्राम पंचायत में? ये हमारा पश्चिम बंगाल के देगंगा ब्लॉक है। तो आपके यहाँ पंचायत में वहां पर पीआईओ कौन होते हैं? ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होते हैं या फिर सरपंच होते हैं? पंचायत का प्रधान जो है वही होता है। अच्छा, जो सरपंच होता है, अच्छा प्रधान होता है, वही पीआईओ होता है। और फिर इसमें जनपद में आपके यहाँ फर्स्ट अपील लगेगी इसमें? जी ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट अपील कर लीजिए, 30 days अगर हो गए तो फिर आप फर्स्ट अपील इसमें आप कर दीजिए। इसमें 30 days में हमारे यहाँ जो पूजा चल रहा है, ड्यूरिंग दिस पूजा जो टाइम हमारा जो गैप जा रहा है, क्योंकि ऑफिसेस तो बंद है यहाँ पे हम लोगों के। ठीक है, ये अभी जो 30 दिन की जो बात आएगी, ये ऑफिसे जो हमारा ऑफिशियल जो छुट्टी है, तो ऑफिशियल छुट्टी को बात दे करके 30 दिन काउंट करके उसमें जमा होगा ना? नहीं, आप तो 30 days आप देख लीजिए, आपको 30 days आपने जब ये फाइल किया हुआ है, 30 days अगर पूरे हो गए हैं आपके, तो आप फर्स्ट अपील तो फाइल कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, 30 days वो कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आप उसका वर्किंग डे और ये सब उसमें वो जोड़ने के लिए इतना उसका इतना हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे में तो आप 15 दिन और ये रहेगा वो काम नहीं होता ना। क्या होता है कि नियम जो होते हैं ना, देखिए क्या होता है कि एक्ट अपनी जगह, एक्ट ने बोला है कि 30 days में काम करना है, लेकिन अगर आप नियम पर जाएंगे, अगर आप नियम को आप स्टडी करेंगे, तो जैसे मध्य प्रदेश के नियम की बात करूं, तो मध्य प्रदेश का नियम ये कहता है कि पहले 2 working days में, पहले 3 working days में, उसके बाद पहले 5 working days में, पूरा प्रोसेस डिफाइन है। तो ऐसा नहीं है कि वो 30वें दिन जाकर के लास्ट 38 डे पे जाकर के वो जगेगा और वो काम करेगा, उसको तो काम करना ही है। द मूवमेंट नियम के अनुसार उसको जो मूवमेंट एप्लीकेशन आ गई है, तो उसको तो फर्स्ट 2-3 working days में ही काम करना है। तो इसीलिए इसमें आप अपना 30 days अगर हो चुके हैं, तो आप उसमें आरटीआई फर्स्ट अपील तो फाइल कर ही दीजिए साथ में, कि मुझे कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं किया गया है और ये इन्फॉर्मेशन दिलाई। मैं ये जानना चाह रहा था जी, 30 days क्रॉस कर गया है, मगर अभी जो मैं 30 days के अंदर में जो अपील डालूंगा, जमा करूंगा, तो इसमें जो हमारा पूजा वेकेशन तो छुट्टी चल रहा है, जो पूजा वेकेशन जो हमारा नहीं, ये ऑफिस थोड़ी ना, ऑफिस पूरा क्या ऑफिस लॉक हो गया है? जी टोटली यहाँ पे ऑफिस टोटली छुट्टी में रहता है, पूजा तो कोई बात नहीं। आप अपना कितने दिन में चालू हो जाएगा? अब तो पूजा खत्म हो गई। नहीं, यहाँ भाई फूटा के बाद यहाँ चालू होता है, पूरा कंटिन्यू रनिंग हो जाता है भाई फूटा के बाद, खुलेगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। भाई फूटा कब है? तो ये जो भाई फूटा काली पूजा के बाद में है, ये 4 या 5 को है। 4 या 5 तारीख, ठीक है 4-5 तारीख को कर दीजिए, अभी दिन ही कितने बचे हैं। तो माने ये 30 दिन का जो हमारा काउंटिंग है, इसमें ये जो वैकेशन है, ये काउंट हो जाएगा। आपका ये कहना है कि जनपद ऑफिस पूरा बंद, ताला बंद हो जाता है ये, अभी इसे लेकर के 4 नवंबर तक ताला बंद रहेगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कर देता है लोग टोटल, पूजा का पूजा वेकेशन पूरा लंबा छुट्टी चलता है, बीच में फिर खुलेगा। मनाइए, आप भी छुट्टी मनाइए तब तक, जब तक, और उनको भी छुट्टी मनाने नहीं, नहीं हम लोग ऐसा होता है यहाँ पे सब। ठीक है, जब ऑफिस खुले, क्योंकि भाई आप डाक से भेजोगे तो वहाँ कोई चपरासी भी तो चाहिए कि जो डाक रिसीव करे उसको करे, डाकी वापस हो जाएगी आपकी। तो हाँ ठीक, ऐसे आप 4 नवंबर को आप कर दीजिए, उसमें फिर जैसे होता है कार्यक्रम में आगे बढ़े, और मुख्तार जी के प्रश्न का जवाब उम्मीद है मिल गया होगा।
अन्य लोगों ने भी कुछ हैंड रेज किए हैं। रविंद्र कुमार जी बताइए आपका क्या प्रश्न है, अपने आपको अनम्यूट कर। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर, मैंने आयोग में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से जो भी डिसीजन दिया गया है और वो रिस्पोंडेंट को और मुझे हियरिंग की गई थी 30 सितंबर। नहीं, इसमें आपसे मेरा प्रश्न ये था कि आपने जो पेंशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है? नो, आई एम रविंद्र कुमार, रवि पासवान नहीं हूँ सर मैं, सॉरी, गॉट कंफ्यूज। ओके सर, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी अपने नियर कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस मुख्य पोस्ट डाकखाने में 2020 पे, और उसका सुनवाई अभी 21 में हुई था 30 सितंबर को, जो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था, और जिस दौरान पे मैं एक स्कूल पीरियड में बच्चे को ड्रॉप रिसीव करने गया था अपने, तो मैंने उनसे 15 मिनट का समय लिया और उस बीच में उन्होंने रिस्पोंडेंट को ऑनलाइन में लेकर के महोकर उदय महोकर जी थे उन्होंने सुना और उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिसीजन दिया, और फिर मैं आगे घर में उनसे मैंने कहा, अनुरोध किया कि सर मैं आप आ गया हूँ लाइन पर, अपने घर पे फाइलिंग पे मैं आ गया हूँ, आप पूछिए मुझसे जो भी पूछना चाहे, तो बोले नहीं रविंद्र कुमार जी आपके फेवर में डिसीजन दिया जा रहा है और आप इस पे टेंशन मत लें, और जो उन्होंने डिसीजन अपलोड किया तो वो डिसीजन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर मैं, तो मुझे और उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था पीआईओ को कि आप इनसे रविंद्र कुमार से 6 नंबर क्वेश्चन पे क्लेरिफिकेशन नहीं है कि क्या चाहते हैं, और जबकि वो उन्होंने 11 बिंदुओं में मैंने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने केवल 2 बिंदुओं का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था लास्ट ईयर, और बाकी डिससेटिस्फैक्ट्री आंसर होने के नाते मैंने फर्स्ट और सेकंड अपील कर दी थी, तो वो कह रहे हैं कि आप 6 नंबर पे क्लेरिफिकेशन ले लीजिए, अगर क्लेरिफिकेशन रविंद्र कुमार जी 10 दिन के अंदर देते हैं तो दैट इज वाई आप इसको छोड़ दीजिए, और नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद 15 दिन के अंदर अगर देते हैं तो 15 दिन के अंदर उनसे जवाब ले लीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेटर मुझे 21 दिन के बाद उनका प्राप्त हुआ आयोग का, तो मुझे सर आगे क्या करना होगा? उन्होंने क्लेरिफिकेशन मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के आदेश दिए या क्या बोला उन्होंने पॉइंट नंबर 6 पे? रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो हमारे कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था रिस्पोंडेंट को, उनसे क्वेश्चन किया कि आपने ब्रॉडली इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेंट को क्या दिया, तो उन्होंने कहा सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करा दी है, तो मेरे पास डेटा नहीं था क्योंकि एक साल का मैटर, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बताइए ना उनका, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन उन्होंने ये दिया था कि आप 6 नंबर जो रिलेटेड 6 नंबर का उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था कि 6 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन किया है रविंद्र कुमार ने जो हमको समझ नहीं आया हुआ है, और इस पे क्लेरिफिकेशन तो उन्होंने कहा आप रविंद्र कुमार से 6 नंबर पॉइंट पर क्लेरिफिकेशन मांग लीजिए और उनको 10 दिन के अंदर रिप्लाई देने दीजिए, अगर आप इनको एक लेटर जारी करिए कि रविंद्र कुमार जी 6 नंबर पे क्या क्वेश्चन क्या क्वेरी चाहते हैं, और 5 दिन के अंदर आप उनको लेटर इशू करिए, अगर 10 दिन के अंदर रविंद्र जी जवाब नहीं देते हैं तो उसको आप फॉरगेट एप्लीकेंट, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और जो भी डिसीजन दिया गया है ना ही उनको पेनल्टी लगाई गई है और डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं। दो चीजें इसमें रविंद्र कुमार जी, बहुत ही इजी है, मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, देयर इज ओनली वन वे अहेड, वो है आप हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, एक ही रास्ता है, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर आप उस डिसीजन को चैलेंज करके आप अपने फेवर में कुछ और करवाना चाहते हैं। रही बात जो अभी जो पेंडिंग इशू है वो ये है कि उन्होंने एक आदेश दिया है कि आपसे क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए, तो पीआईओ को बोला है कि आपसे क्लेरिफाई करें, आप अपनी ओर से अपना जो वो पॉइंट है अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप क्लेरिफाई करके अपने पॉइंट को आप उसमें लिखिए कि ये मिस्टर उदय माहौकर ने उस दिन ये उनके ऑर्डर में ऑर्डर डेटेड ऑर्डर की कॉपी लगा दीजिए और लिखिए कि मुझे ये पॉइंट नंबर ये क्लेरिफाई करने के लिए कहा गया था, मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पॉइंट में, है ना, और उसको आप उनको बोलिए कि विद इन 10 डेज यू आर सपोज टू प्रोवाइड मी दिस इन्फॉर्मेशन, ये आप लिख वो रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको भेज दीजिए बना करके, और फिर वेट करिए 10 दिन का, 10 दिन में इन्फॉर्मेशन अगर आपको वहां से कोई जवाब नहीं आता है, आप सेक्शन 18 में कंप्लेंट फाइल करिए मिस्टर उदय माहौलकर के पास कि आपके ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है,
और पीआईओ ने उसको डिसओबे करते हुए आपके अवेलना करते हुए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। मेरे द्वारा खुद ही उनको संपर्क करके ये सारा मैंने अपना क्लेरिफाई किया है पॉइंट नंबर 6 एंड डिस्पाइट दैट दे हैवंट येट प्रोवाइडेड मी द इन्फॉर्मेशन। अगला चलते हैं, कन्नू भाई राठौड़ जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, अपने आपको अनम्यूट कर लें कन्नू भाई जी और पूछिए प्रश्न। आप अपने अनम्यूट कर लीजिए और आप थोड़ा सा अपने गेटअप आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए बेहतर इससे, क्योंकि आप बनियान में ही आ गए। बताइए बताइए अपनी बात बताइए, वीडियो ऑफ करके ऑडियो ऑन करिए अपना, म्यूट करिए अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बताइए। प्लीज हियरिंग। हाँ सुनाई दे रहा है, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा, आप बोलिए ना, बोलिए अपना प्रश्न बताइए। ये हमने आरटीआई के तहत हमने जुडिशरी में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये एप्लीकेशन डाल दी थी हमारी। हाँ ठीक है, तो उसमें लिखा था कि ये पर्टिकुलर जज के कोर्ट में पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर टाइम स्पेन में कितने केस डिस्पोज किए हैं, वो कौन से केस डिस्पोज करते हैं, उसके कोर्ट के सर्टेन एक्ट के प्रोसीडिंग्स के सब इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसने आरटीआई एक्ट के 81J के उसको सीक्रेसी को ये पर्टिकुलर जज की सीक्रेसी को सीक्रेट है इंफॉर्मेशन, तो वो नो प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने अपील किया है अपीलेट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसने करीबन ये हमारी अपील को अपील का हियरिंग कंक्लूड हुआ है, उसको दो महीना हुआ है फिर भी वो जजमेंट नहीं दे रहा, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी अवेल की जाएगी? देखिए एक तो सेकंड अपील आप उसमें ले सकते हैं, आपने बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ जो इंक्वायरी आपने मांगी है वो किसी पर्टिकुलर कोर्ट रूम की इंफॉर्मेशन मांगी है, एक पर्टिकुलर कोर्ट रूम की भी मांगी है और जनरल की भी मांगी है। हमने करीबन 13 or 12 पॉइंट के क्वेश्चन पूछे थे, उसमें करीबन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे करीबन ऐसे पॉइंट के। कन्नू भाई राठौड़ जी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, एक तो जो जैसे मान लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है कोर्ट रूम का, हाँ। तो वो आरटीआई के अंदर में आता है ना, एप्लीकेशन जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम के इसमें है। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ये सब चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉपिंग रूल्स के तहत जाना पड़ेगा। वो मैं जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है कि पर्टिकुलर ये हमारे ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जब गुजरात राज्य के सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस में सब कोर्ट में वो कोर्ट में जस्ट लाइक एपेलेट कोर्ट है जो सेशन जज है उसको पर्टिकुलर एक्ट के दाखिल करके एट्रोसिटी एक्ट है और ये पोस्को का केस है, ऐसा करिए इसमें आप उसका नोटिफिकेशन है कि ये पर्टिकुलर जज विल हियर द पर्टेन मैटर, उसका गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का और गवर्नमेंट ऑफ और हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या करना है? नहीं नहीं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव करना पड़ेगा। हेलो हेलो, प्रदेश में से ही एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन कमीशन ने रूलिंग दी थी, इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, कोर्ट ने नहीं दी, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन कमीशन ने हर्जाना भी लगा दिया था, हर्जाना देने के लिए बोला था, तो उन्होंने कोर्ट जो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला गया हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश इन्फॉर्मेशन कमीशन के फेवर में रूल किया और ये कहा कि कमीशन के पास पावर है और अल्टीमेटली उनको हर्जाना देना पड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये जो गुजरात हाईकोर्ट के आरटीआई के जो रूल्स है गुजरात हाईकोर्ट के आरटीआई के इंफॉर्मेशन देने के रूल्स है उसमें रूल 4 में
जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है उसकी भी हम नकल मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, और वो बोलते हैं सीक्रेट है। तो इसके बारे में ये गलत है, ये आप इसमें जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है वो सीक्रेट कैसे हो सकता है, सेक्शन 4 का तो कम नहीं। ये गुजरात हाईकोर्ट की, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर में जो लोअर कोर्ट आती है उसमें जो ये नोटिस बोर्ड में उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसके बुकलेट पब्लिश करना है, उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये पर्टिकुलर कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1। एडमिनिस्ट्रेटिव मैं कह रहा हूँ कि कनु भाई राठौर जी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव वो आप ले सकते हैं, ये प्रोविजन है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी, अब तो ऑनलाइन हो गया है तो बहुत इजी भी हो गया है इस तरह के डेटा को जनरेट। ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैंने पर्टिकुलर जज के कोर्ट के बारे में पेंडेंसी को, ये क्या है कि हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग विद दैट फेलो, हाउ मेनी केसेस आर डिस्पोज बाय दिस जज विद इन पर्टिकुलर पीरियड और विद इन पर्टिकुलर मंथ। जो आप मांग रहे हैं कनु भाई राठौर जी, अगर आप बात करेंगे, आप शिवानंद जी को अलग से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जो लीगल एड टीम जो है इनके, इनको इनका जजेस की वर्किंग के बारे में पूरा आइडिया भी है इनकी टीम को। हाईकोर्ट में आपको भी मालूम है अच्छी तरह से कि हर जज की जो जितना वर्किंग होती है उसका पूरा अपडेट करके हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास पूरी रिपोर्ट भी जाती है। ये हाईकोर्ट देती है, लेकिन ये लोअर कोर्ट के जजेस नहीं देते हैं। लोअर कोर्ट के जजेस सर, ऐसा है कन्नू भाई राठौड़ जी, लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो देते हैं हाईकोर्ट को, मैं आपको ये कह रहा हूँ, रजिस्ट्रार जनरल के पास पूरी रिपोर्ट कंपाइल होके जाती है किस जज ने कितने केसेस निपटाए हैं, उनका सीआर वहीं से डिसाइड होता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन लोअर कोर्ट के आप अगर ऐसा हो जाएगा कि सेकंड अपील पे आप राठौड़ जी गए क्या, सेकंड अपील आयोग में आपने अपील की है क्या? मैम आई एम गोइंग टू प्रिफर सेकंड अपील बिफोर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ गुजरात स्टेट, बिकॉज इमीडिएटली जजेस आर मेनली ये लाइव, अभी क्या है, अभी गुजरात हाईकोर्ट के सभी कोर्ट के लाइव आपके पास 30 दिन का समय बचा है, 90 डेज में आपको करना रहता है, 13 डेज हो गए हैं, तो 2 महीने अगर आपको ऑलरेडी हो गए हैं वहां पर प्रथम अपील करने के बाद, फर्स्ट अपील करने के बाद। नहीं नहीं, ये फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी का हो तो 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ, वो ठीक है, देखिए 45 डेज प्रथम अपील का 45 डेज मैक्स ले सकता है वो, और यदि वो जवाब नहीं देता है तो आप अगले टोटल 90 डेज के अंदर, मतलब 45 प्लस एक्स्ट्रा 45 डेज, ये इस तरीके से इसके अंदर आपकी जो द्वितीय अपील है आयोग में चली जाए, आयोग में इसका निपटारा होगा वो वहीं पे कर देंगे। ये आप अपना नंबर देखिए, वो मिस्टर प्रकाश जी आपसे नंबर मांग रहे हैं, हाँ। आप कन्नु भाई राठौड़ जी उनको अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, वो आपको अलग से आपको पूरा इसका बता देंगे कि किस तरह से जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है जजेस की वो कैसे कर सकते हैं, कैसे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जुडिशियल सिस्टम को, वो आपको उसमें राय दे देंगे। मैं भेज देता हूँ, थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू। हमारे कार्यक्रम में भी आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, तो राहुल सर मैं ये चाहूंगा कि कुछ प्रश्नों का आत्मदीप सर भी जवाब दें, आप भी जवाब दे देते हैं, थक चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करें। आप मुझे जी दिखे नहीं जाए, मैं वही सोचूं कि आज ये मेरे ऊपर भार कैसे आ गया पूरा। आत्मदीप सर जुड़े हुए हैं और सर ने कहा कि मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, लेकिन सर छोड़ के तो नहीं गए ना अभी आप, मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे आत्मदीप सर अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो आपका ऑन नहीं हो रहा है, दिख तो रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, खैर नहीं बे हम आगे चलते हैं। तो अगला है डॉक्टर राघवेंद्र जी, आपका क्या प्रश्न है, थोड़ा सा शॉर्ट में आप अपनी बात पूछिए, और बहुत सारे हैंड रेज हैं लेकिन सब नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 बज चुके हैं। सर नमस्कार, मेरा ये क्वेश्चन था कि द्वितीय अपील का निराकरण कितने दिनों में हो जाता है लगभग कमीशन में? देखिए बहुत सब जगह अलग अलग मामला है, अपनी एमपी का है सर,
एमपी का, हम जब यहाँ आए थे तो 2019 में हम 2014 की फाइल देख रहे थे। और दूसरा मैं एक और जानकारी चाहूंगा कि ये ऑनलाइन पोर्टल पर अगर जैसे ट्रैकिंग सिस्टम अगर आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अपन ट्रैक तो हो सकती है कि फाइल में क्या प्रोसेसिंग चली या फाइल स्वीकार हुई अस्वीकार हुई। बिल्कुल, ये तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तो ये तो होना चाहिए और ये हर जगह जितना ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा उतना अच्छा है। मतलब इवन जो ई फाइलिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इनिशिएट हुई थी पूरा, तो उसमें भी ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए सो दैट आई मीन एप्लीकेंट को ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा, आप हमेशा आप एक चीज याद रखिए, सेक्शन 4 की इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में ऑलरेडी सीओ मोटो किसी भी प्रभावित व्यक्ति को, आप मान लीजिए कि आप अफेक्टेड पार्टी हैं किसी चीज में, तो ये आपको जानने का हक है, उसके लिए आपको आरटीआई फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 जो है उसमें दिया हुआ है किसी भी प्रभावित व्यक्ति को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस के तहत अगर वो अफेक्टेड पार्टी है तो उसको इन्फॉर्मेशन सुओ मोटो मिलना चाहिए। तो आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये अफेक्टेड पार्टी है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ सूखा राहत का काम हो गया, कहीं कुछ बाढ़ राहत का काम हो गया, या फिर कोई विस्थापना का काम हो गया, या फिर भूमि अधिग्रहण का काम हो गया, इस तरह के कोई भी मैटर हो गए, अंदर जो आपने आप कंप्लेंट करते हैं तो आप अफेक्टेड पार्टी हो जाते हैं। कंप्लेंट के बाद आपको आपकी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई है, तो वो तो सीओ मोटो आप मिलना चाहिए, उसके लिए आरटीए की भी जरूरत नहीं है। आप नीर साहब आ गए हैं जी सर, बिल्कुल आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। एक संजय जी ने एक प्रश्न रखा है। संजय जी आप हैं क्या यहां पर? जी को वो ऑनलाइन कर लीजिए ना, वो हैं। जितेंद्र तिवारी जी भी करना चाहते हैं। सर कुछ क्वेश्चंस थे। एक संजय जी ने एक बहुत आम तौर पे प्रश्न जो हम लोग सभी, इन्होंने लिखा है कि राहुल सर एक सवाल और है, क्या किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड डॉक लेने से मना करने पर क्या समय सीमा के पूर्व 30 दिन के अंदर उस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील की जा सकती है? तो अभी जब डाक ही नहीं लिया है आवेदन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था, अगर आपकी डाक गई नहीं है, फर्स्ट अपील का प्रोविजन बनता ही नहीं है, आप सीधे सेक्शन 18 में कंप्लेन आएंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट अपील तो तब होती जब 30 डेज एक्सपायर होगा आरटीआई फाइल करने के। आप कानून पढ़िए, कानून में बहुत स्पष्ट है कि फर्स्ट अपील एडमिट कब होगी, जब 30 डेज पूरे होंगे। तो फर्स्ट अपील का प्रोविजन ही जब नहीं मिल पाएगा आपको, आप वो उसने आपको उस प्रोविजन से ही आपको वंचित कर दिया, आपको आरटीआई फाइल नहीं करने दे रहा है, उसने आपकी आरटीआई डाक के द्वारा लुटा दी गई है, आप सीधे उसमें जाएंगे, कंप्लेंट में जाएंगे सेक्शन 18 में और इन्फॉर्मेशन कमीशन को कहेंगे कि भाई इसको पिनलाइज करिए। बिल्कुल, तो इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होगी, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन देने की बात नहीं होगी, पिनलाइज करिए, बाकी आप आरटीआई फिर से एडमिट कर सकते हैं उसमें। आवेदन ही नहीं दिया तो फिर अपील का प्रश्न नहीं होता। शुभम सोनी पत्रकार जी आप अपने आप को अनम्यूट करके शॉर्ट में अपनी बात रखें जी। धन्यवाद सर, पहले तो मैं राहुल सर का धन्यवाद करूंगा जो बारीकी से लोगों को सुनकर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा था, मैं जो भी आईटीआई लगाता हूँ तो उसमें सर एक जजमेंट और एक आदेश निकाल, मतलब आदेश का हवाला दे दिया जाता है। आदेश है क्रमांक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक F14/2009, तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि एक आवेदन में एक ही जानकारी ली जा सकती है, जबकि इस आदेश को मैं पढ़ रहा हूँ सर तो इसमें पैराग्राफ 3-4 में ये लिखा है कि आवेदन करता एक मिनट सर, ये देखा गया है कि कुछ आवेदनकर्ता एक ही आवेदन में कई विषयों के संबंध में सूचना मांगते हैं, यह आवेदनकर्ता के साथ साथ लोक सूचना अधिकारी के लिए भी समस्या पैदा करता है। आवेदनकर्ता को चाहिए कि भी एक आवेदन के माध्यम से एक ही विषय के संबंध में सूचना मांगे, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी ने ज्यादा जानकारी मांग ली है तो उसको जानकारी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, आत्मदीप सर इस बात को लेकर के अपना पॉइंट रखेंगे। आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं जी?
एक विषय और मद के विषय में एक ही मद विशेष, ये बात आप हमेशा कहते हैं लेकिन सही भी बात है इनका। देखिए शुभम सोनी जी का जो प्रश्न है बहुत लॉजिकल है, हम 10 बिंदु रख सकते हैं, हम 10 पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन जब हम एक ही मद की जानकारी चाह रहे हैं, वो जानकारी चाह रहे हैं जो उसी कार्यालय से संबंधित है और ऐसी जानकारी है जो ज्यादा है भी नहीं, यदि नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से भी देखें, तो कई बार ऐसे होता है कि यदि आपने सिर्फ एक ही लाइन के स्थान पर, मतलब एक बड़ा सा टेक्स्ट के स्थान पर, पैराग्राफ के स्थान पर बिंदु बार यदि आपने 1, 2, 3, 4 मान लीजिए 5 या 10 आपने जानकारी मांग ली है वो एक ही विषय के संबंध में, लेकिन ये अंटसंट इस तरह से इनका पीआईओ का जवाब आता है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए ये केस टू केस डिफर करता है, वो आवेदन को देखने से ही पता लगेगा कि वो स्वीकार किए जाने योग्य है कि नहीं। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि ग्राम पंचायत में अगर कुछ जानकारी मांगते हैं तो पहला पॉइंट में लिखा है कार्य का नाम, मतलब ग्राम पंचायत ने क्या काम किया है, कार्य की स्वीकृति राशि, मतलब उस काम में कितनी स्वीकृति राशि हुई है, इसके बाद कार्य स्वीकृति एवं समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य का वर्तमान स्थिति, मतलब ये एक ही से संबंधित है। अगर ग्राम पंचायत ने प्रतिवर्ष में जो काम किए हैं उसमें कितनी स्वीकृति हुई है या उसका मतलब स्वीकृति के बाद कितनी समाप्ति स्थिति है, उससे संबंधित है सर। ये सूचना तो दिए जाने योग्य है। तो इसमें सर हर बार मैंने लगभग बल्कि जो पंच परमेश्वर ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग ने जो पंच परमेश्वर है बनाया उस पर भी ये निर्देश है कि ये सब अपलोड करेंगे, हर काम की सब जानकारी, कितना बजट मिला, किसी काम पे कितना खर्च हुआ, मद्वार सारा वो प्रदर्शित करेंगे उस एप पे। अभी एक मैं आपको नया अपडेट बता देता हूँ। पंच परमेश्वर की बात आपने की और राहुल सर ने भी अभी बीच में बात की थी कि पंचायत की ज्यादातर जानकारियां मनरेगा और पंचायत दर्पण में मिल जाती है। पंचायत दर्पण एक्चुअली एमपी का है और अन्य जगहों पर यह कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं जैसे ई ग्राम स्वराज वगैरह, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में ये जानकारी एएस एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, टीएस टेक्निकल सैंक्शन, ये जानकारियां, ग्राम सभा का प्रस्ताव, ये जानकारियां का पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं रहता है और वो जगह खाली रहती है। और पंचायत दर्पण में मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पंचायत दर्पण अपडेट होना बंद हो गया है, एक इतना बेहतरीन बंद हो गया, बिल्कुल सही जी। जांच हो जाती थी, मतलब यदि आप शिकायत कर दें वहां से रफ जानकारी लेकर के तो शिकायत की आपकी जांच हो जाती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वो अपडेट नहीं हो रहा है। और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्रियों से हमारी बात हुई, अधीक्षण यंत्री से, उन्होंने कहा कि अब तो ये समस्या होती है कि हम लोग शिकायत पहले होता था शिकायत की जांच करने के लिए तो हम लोग जाकर के पंचायत दर्पण और मनरेगा से कर लेते थे और अब तो वो जानकारी भी नहीं रहती है। तो ये स्थितियां हैं। एएसटीएस तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये आत्मदीप सर, इसकी शिकायत की जानी चाहिए जो भी अपडेट नहीं हो रही, और धारा 4 का भी सहारा लेना चाहिए। राहुल सर मेरा सवाल इसमें यही है सर, जैसे कि इसमें हमेशा एक जजमेंट दे दिया जाता है राज्य सूचना आयोग भोपाल द्वारा शिवनारायण पिता घासीराम के विरुद्ध, मतलब कोई जजमेंट निकाला होगा 2018 में, 25/2018 में शिवनारायण पिता घासीराम, तो इसका हवाला देके जानकारी नहीं दी जाती कि ये आना धुंधी की श्रेणी में आती है। और इसमें एक जजमेंट और भी है सर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई आदित्य बंदोपाध्याय का जजमेंट दे दिया जाता है सर बचने के लिए। देखिए आरटीए में एक प्रावधान वो भी है जो जानकारी मांगते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक आवेदन में इतनी अधिक जानकारी नहीं मांगी जाएगी कि जिससे लोक प्राधिकारी के कार्यालय के स्रोतों का गैर आनुपातिक रूप से विचलन हो जी, यानी उसका व्यवहार में अर्थ ये हुआ कि उसका नियमित कार्य निष्पादन प्रभावित हो इतनी अधिक जानकारी मांगे, तो मात्र 10 रुपए एक आरटीए में लगते हैं, हम कम बिंदु की जानकारी मांग सकते हैं क्यों हम सर इसी सवाल के लेकर एक आदेश भी निकला है सर पेंशन मंत्रालय लोक भारत सरकार का, उसका पैराग्राफ तीन में तीन सेक्शन में लिखा हुआ है, ये देखा गया है कि कुछ आवेदनकर्ता एक ही आवेदन से कई विषयों के संबंध में सूचना मांगते हैं, यह आवेदनकर्ता के साथ साथ लोक सूचना अधिकारी के लिए भी समस्या पैदा करता है, आवेदनकर्ता को चाहिए कि वे एक आवेदन के माध्यम से
एक ही विषय के संबंध में सूचना मांगे। इसमें सर इसमें यह जिक्र कहीं भी नहीं है कि अगर किसी ने अगर ज्यादा जानकारी मांग ली हो तो उसको जानकारी नहीं दी जाएगी। ये आदेश भारत सरकार का निकला हुआ है और सर सामान्य प्रशासन की इसमें मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ने भी लिखा है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, तो आप देखिए उसमें नहीं नहीं दी जाएगी ये नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसमें आप गौर करिए, जो लिखा है उस पर तो गौर करिए ना। नहीं उस पर हाँ शुभम सोनी जी, जी सर कुछ मतलब आप ये दुकान चला रहे हैं ना, ये जो शॉप है जी सर, तो एक नियम एक और मैं एक नियम बताता हूँ कि आप एक्सपायरी डेट का सामान नहीं बेचेंगे। बिल्कुल ये रूल है। आप कल को आपके इधर नगर निगम वाले आ जाए जी, वो बोले कि चलो हमें एक एक आप सामान का एक्सपायरी डेट और ये डेट हमें लिखित में दो पूरा जी, तो फिर आप बोलोगे यार मैं ये करूं काम करूंगा कि अपना क्या कहते हैं आपका रूल नियम का पालन करूंगा कि आपका ये सारा सामान जो है वो उसको गिनता रहूंगा या बेचूंगा सामान जी। बिल्कुल, तो इन्फॉर्मेशन जो कहने की बात है मूल बात यही है, इन्फॉर्मेशन उतनी मांगी है जो आपकी जरूरत हो जी, है ना। अगर मैं ये कह दूं मुझे भी शक है कि सारे एक्सपायरी डेट के सामान बेचते हैं और एक आम धारणा है मेरी, तो आम धारणा पे नहीं चलना चाहिए कि दुकानदार बदमाश होते हैं और वो एक्सपायरी डेट का सामान जो है पकड़ा देते हैं, गलत नकली सामान पकड़ा देते हैं। फिर मैं आपको बोलूं मुझे तो सबका नहीं है, उसका कहां कहां से खरीदा है, उसकी बिल की कॉपी भी चाहिए मुझे, ये सब नियम के अनुसार आपको देना पड़ेगा अगर कोई नगर निगम वाला खड़ा हो गया तो। सर इनका प्रश्न तो पहले देख ले, प्रश्न क्या पूछा था भाई? तो प्रश्न वही है, प्रश्न का मूल भावना यही है, वो जो आत्मदीप साहब बताना चाह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आप जो मांगे वो आप देख लीजिए, ये आम धारणा पे मत चलिए कि पूरा भ्रष्टाचार मचा हुआ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और हर चीज भ्रष्ट है और कोई व्यवस्था ही नहीं है, खत्म हो गई। इस सोच के साथ जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है जी। लिमिटेड बताइए ना आपकी, आप ये आपको मालूम है कि किस चीज में घोटाला हुआ है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें आप उसको निकालिए। आप देख रहे हो कि जैसे ASTS नहीं है, आप ASTS निकाल लो जी, फिर उसको आप स्टडी करो, फिर आप उसको फर्दर आप उसमें और इन्फॉर्मेशन निकालिए, आप धीरे धीरे आप उसमें अंदर जाते जाइए। जैसा आपदीप साहब ने बताया है कि 10 रुपए का तो RTA आवेदन लगता है, तो अलग 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 लगा दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो सर उसमें ज्यादा कोई जानकारी समस्त बिंदु समस्त विकास कार्य समस्त ये नहीं करना चाहिए सर, बस बार जैसे कि 19-20 की जानकारी नहीं। ये देखिए क्या होता है कि देखिए आप लोगों की भी ट्रेनिंग हुई नहीं है इसमें जी, सब लोग एक दूसरे को देख करके लगाते हैं। हर RTI कार्यकर्ता जो है एक दूसरे को देखता है, वो देखता है कि अच्छा ये मांगा था वही RTI एप्लीकेशन। मैं तो आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट बन गए, सेट फॉर्मेट है जो हम लोगों ने देखे हैं, कट कॉपी पेस्ट ऐसा लगता है कि साइक्लो स्टाइल पे निकाला हुआ है। एक RTI लगती है और वो हजारों 500 इसमें सब जगह पंचायतों में वही की वही इंफॉर्मेशन, दिनांक इतने से इतने तक की समस्त विकास कार्यों की समस्त जानकारी दी जाए, क्या है ये। और मैं ऐसे मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं इस ढंग से, तो हमें उन चीजों से पूछना चाहिए ना कि ठीक है एक एक्ट है, अब एक्ट तो बहुत कुछ है, कल को आप वो इंस्पेक्टर राज से परेशान हो जाएंगे अगर वो अपने हिसाब से वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है आप एक्सपायरी डेट का सबका हिसाब किताब दो, रोज आके आपकी दुकान पे खड़े हो जाए हिसाब किताब दो। वैसे ही लोक अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं अगर इस तरह से। सर यहाँ पर ठीक है, मैं आप लोगों की बात को काटना नहीं चाहूंगा, बहुत उचित आपने बात कही है और RTI कानून को मद्देनजर रखते हुए ही शुभम जी हम लोगों को RTI लगाना है, बहुत व्यापक जानकारी तो नहीं मांगा। हमें कोई खुशी नहीं होती है शिवानंद जी किसी को इन्फॉर्मेशन डिनाई करने में, हमें अच्छा लगता है कि अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई मांगता है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है ये देनी चाहिए। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि RTI ऐसी फाइल हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, लोक प्राधिकारी का भी काम ऐसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एक स्टाफ होता है ग्राम पंचायत में, वो एक ग्राम पंचायत सचिव होता है, एक रोजगार सहायक होता है, एक सरपंच होता है, सरपंच तो फाइल उठाएगा नहीं। सर हमें लगता है आपके पास, हमें लगता है कि इस विषय में जब निर्णय भी आयोग करे तो आयोग को पूरी तरह से आवेदन को डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए आयोग को भी कि आप जो आपने जानकारी मांगी है उसमें से आप एक मत विशेष की जानकारी ले, जैसा कि आपका काफी निर्णय ऐसा आया भी है कि मतलब आप एक मत विशेष की जानकारी ले लें या इतने वर्ष की जानकारी आप ले लें, सब बहुत ना लें, तो इस तरह से ये आधार होना चाहिए, जानकारी दिलवाने का उद्देश्य होना चाहिए। नहीं अब तो शिवानंद जी अब तो हम लोग ऐसा इस एज में रह रहे हैं, हम लोग अब व्हाट्सएप वाली एज में रहते हैं,
है ना। अगर अभी भी अगर किसी को जानकारी नहीं मिली है और हम लोग कब से ये वेबिनार भी कर रहे हैं, तो अगर इतनी जागरूकता तो लोगों में होनी चाहिए, अब आ जानी चाहिए। तो अब तो समय आ गया रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन। अगर इस तरह की उसी फॉर्मेट पे पुराने धरने पे चलती रहेगी तो कब तक हम लोग सुनते रहेंगे। शुरुआत में ठीक है जानकारी नहीं थी लोगों को, उस तरह की एप्लीकेशन फाइल करते थे। अभी हमें और बेसिकली एडुकेटेड और अवेयर लोगों की जरूरत है, जो कि सूचना के अधिकार का उपयोग कर सके ठीक ढंग से। सर ठीक है, लेकिन हमें सेक्शन 4 पर भी ध्यान देना चाहिए, और हमें लगता है कि आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को उनको फॉलो करवाना चाहिए, क्योंकि अभी भी पंचायत विभाग में ASTS की जानकारी नहीं मिलती है और बहुत सारे काम अपडेट नहीं हो रहे, पंचायत दर्पण पूरी तरह से ठप पड़ गया है। तो हम लोगों को इस पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि हम इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्राम की जब बातें आती हैं तो हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम उनको मतलब वो बहुत हाईली एजुकेटेड ही होंगे या इस तरह से। पहली बात तो बड़े मुश्किल से लोग समय निकाल पाते हैं, RTI लगाना सीख रहे हैं, हम लोग उनको सिखा रहे हैं करके। तो हमारा तो सीधा सा उद्देश्य ये है कि भाई हम उनको प्रमोट करेंगे, यदि वो गलतियां भी करते हैं तो हमें उस तरह से लेना है। वैसे भी भारत को दो तरह से विभाजित किया हुआ है, एक तो शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र को वैसे भी मवेशियों जैसा ही ज़्यादातर समझा जाता है, मतलब सरकार भी बराबर समझ रही है, इसीलिए तो इतना विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को भी एक दिमाग में सबको रखना चाहिए, और इसकी बस अपील ही की जा सकती है। कार्यक्रम में अभी आगे बढ़ेंगे, और एक आध हम और अब तो हमें लगता है कि प्रश्न तो बहुत हो गया, ऐसे लेते रहेंगे तो हमें लगता है कि 2:30 बज गए हैं, 2:30 के बाद तो अभी हमें यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए। जितेंद्र तिवारी जी, आप क्या चैट बॉक्स में कुछ कह रहे थे, आप क्या पूछना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूछिए, शॉर्ट में पूछिए अपनी। सर आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा आपने अभी धारा 4 के विषय में बात की राहुल सर से, तो मैं बताना चाहूंगा। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बस बताइए और फिर उसको कंक्लूड करें। तो धारा 4 में आपकी अपील, शिवानंद जी की अपील के आधार पर 40 बांधने की जो कार्रवाई पंचायत दर्पण पर सार्वजनिक करने का आयोग का आदेश था, उसके उपरांत भी अभी तक धारा 40 बांधने की जो जानकारियां थी सार्वजनिक करने का पोर्टल पर, तो अभी तक की नहीं है, आधी अधूरी है। अपन एक काम करेंगे जी, जो अपने आयोग से संबंधित जैसे मामले अपन जर्नल डिस्कशन करेंगे, लेकिन कोई अपील, कोई शिकायत, कोई ऐसी अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके लिए अपन क्वेश्चन था, जैसे आयोग के पास हम कोई शिकायत धारा 18 की करते हैं, तो उसके उपरांत आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? आयोग मतलब कोई ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करता है क्या? हाँ आपका प्रश्न ठीक है, तो आत्मदीप सर हैं, आत्मदीप सर आपकी बात का जवाब देंगे। सर जैसे नॉन कम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर, सिंपल बात आ रही है, तो नॉन कम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर के लिए क्या किया जा सकता है, क्या एक्ट कहता है? सूचना आयोग के पास पूरी शक्तियां हैं अपने आदेश का पालन कराने की। अगर आयोग को शिकायत मिलती है कि उसके आदेश का किसी ने पालन नहीं किया है, तो आयोग धारा 19 और 20 में जो भी दंडात्मक प्रावधान है उनका उपयोग कर सकता है, दंडित कर सकता है। आपका व्यावहारिकता के साथ में 18 की शिकायत भी की जा चुकी है, तो सारे दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं। सुनवाई होगी जब उसकी समय आएगा, सुनवाई होगी तो उस पर कार्यवाही होगी। अपन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शिकायत, कोई अपील की बात नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और अपन यहाँ तक आए, और वेंकट रमण जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। वेंकट रमण जी, आप आपका जो चेयर है वो खाली है, हमें लगता है कि आप वहाँ से फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के हमारे वेंकट रमण जी हैं, बहुत अच्छे हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, और वो भी समय निकाल करके अपना अमूल्य समय यहाँ पर देते हैं। तो अब हमें लगता है कि बाकी हमारे जो अन्य साथी थे, प्रवीण जी और अन्य लोग, तो मैं लगता है कि वो अपने टाइम जो भी उनका रहा होगा तो उसमें अपना व्यस्तता के कारण, तो हमें लगता है कि अभी कार्यक्रम को कंक्लूड करने का भी समय आ गया है, और इसी के साथ हम वेंकट रमण जी आ गए। वेंकट रमण जी, आप कोई, मैं आवाज लगा रहा था और आपने हमारी आवाज सुन ली, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, और आपके जो लीगल एड के बाद अपन सेकंड फेज में RTI में आए हैं, और RTI तक तो इन दोनों का जो आपके कार्यक्रम है, इसमें आप अपने कुछ एक्सपर्ट व्यू देना चाहते हैं, कुछ आपके अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, और इसी के साथ फिर आप ही
इस कार्यक्रम को फिर कंक्लूड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज प्रवीण जी हमें लगता है कि थोड़ा सा पहले निकल गए कार्यक्रम से। शिवानंद जी धन्यवाद, आप मुझे इनवाइट किया और मेरा ओपिनियन मैं आपको पूरा बधाई देता हूँ। नंबर वन, हर हफ्ता इतना पेशेंटली आप सबका समस्या सुन लेते हो और सबका सॉल्यूशन भी आप सजेस्ट करते हो। मैं पूरा बधाई आपको और राहुल सिंह को देना चाहता हूँ, स्पेशली आज 3.5 घंटा तक इतना पेशेंटली सबको सुना, सबको जवाब दिया, ये तो मैं पहले बार देख रहा हूँ ऐसा। और समस्या तो इतनी गंभीर है, इतना आदमी लोग आज तक अभी तक जुड़ा है और सवाल उठा रहा है, दैट शोज द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। अभी जो कानून, ये जो RTA है, लीगल एड है, और इवन FIR का बारे में भी किसी ने ये बात FIR का विषय में भी किसी ने क्या सवाल उठाया था, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल में FIR को कितना मिसयूज, दुरुपयोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली एंड ऑल द पीपल। सो इससे ये क्लियर होता है कि जो कानून तोड़ने वाले का जो ताकत है इतना मजबूत है, तो कानून के लिए जो कानून अमल करना चाहता है दे आर कमजोर है, जो कानून तोड़ने वाला काफी मजबूत है। उनके साथ तो शासन भी साथ देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ देते हैं, मसल पावर है, एंड अबव ऑल दे हैव द मनी पावर। ये सब को कैसे तोड़ना, आई थिंक वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। दिस ये जो है सबको लीगल एड मिले, सबको न्याय व्यवस्था मिले, जुडिशियल रिफॉर्म हो जावे, जैसे शैलेश गांधी ने खुद बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर एक दिन कुछ अनाउंसमेंट तो करते हैं बट रास्ता तो नहीं दिखाते। तो इस हालत में देश के कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आज इतना सवाल मैं सुन रहा था पेशेंटली और मुझे बहुत दुख होता है, इतना आदमी लोग का भी इतना दर्द है, इतना ये है, बट दे आर हेल्पलेस। सो टुडे द पीपल हु अबाइड लॉस दे आर हेल्पलेस, द पीपल हु ब्रेक लॉस दे आर द वन हु इज हैप्पी एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स। सो इसका सुझाव कैसे हुआ, लाइक आज अपना वेबिनार में 100 आदमी थे पहले, अभी हो गया 40। तो ग्रेजुअली व्हाट हैपन, दे द पीपल जो कानून तोड़ते हैं दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। अगर आप कुछ भी करने चाहे, फॉर एग्जाम्पल ये जो है PIL जो है, द लॉयर्स देमसेल्व्स कैन फाइल अनवॉन्टेड PIL एंड कैन फ्लड द कोर्ट विथ सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज द सिनेरियो, हाउ टू टैकल इट। जैसे आज का पेपर में FIR का बारे में दिया है, सो जो इसमें क्लियर लिखा है कि स्वामीनाथन अंकलेश्वरी, आप नाम सुना होगा, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, वेरी ग्रेटेस्ट राइटर, उन्होंने बोला कि ये IT सेल हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना एक्टिव है, हजारों FIR फाइल करते हैं और सबको परेशान करते हैं। इसका सुझाव भी लास्ट पैरा में दिया है, मैं आपको शेयर करूंगा, आपको स्कैन करके भेज सकता हूँ। ये बोला कि जो आप और हमारे जैसे लोग, हम ये कर सकते हैं कि हम भी इतना लाखों FIR फाइल किया तो पुलिस विल नॉट हैव द रिसोर्सेस टू अरेस्ट सो मेनी पीपल। अगर वो FIR जो है पॉलिटिकल पार्टी फाइल करते हैं, अगर हजार फाइल करते हैं, अगर हम उनके खिलाफ लाखों फाइल किया तो व्हाट हैपन द पॉलिटिकल द पुलिस फोर्स। पुलिस रिफॉर्म का भी काफी जरूर है, हम सब जानते हैं हर एक डिपार्टमेंट में रिफॉर्म का काफी जरूर है, लेकिन 70 साल का आजादी के बाद पहले बार थैंक्स टू व्हाट्सएप, थैंक्स टू ये दिस वेबिनार, तो काफी अवेयरनेस शुरू हुआ है। आई थिंक यह पोलिटिकल मूवमेंट लाइक अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया था, वैसा एक मूवमेंट ऑन ऑल द इश्यूज, ऑन रिफॉर्म फॉर चाइल्ड रिफॉर्म, पोलिटिकल रिफॉर्म, वेमेन रिफॉर्म, सो एवरीवेयर द रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज हैपनिंग। बट ये देश के लिए एक उम्मीद है, आज भी शिवानंद जैसे आदमी हमारा बीच है, राहुल सिंह जैसे आदमी हमारा बीच है, आत्मदीप जैसे आदमी हमारा बीच है, ये शैलेश गांधी जैसे आदमी, प्रवीण पटेल जैसे आदमी आज हमारा साथ है। तो इसीलिए सबको एक देयर इज अ रिवाइवल ऑफ होप बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू।
and I compliment you for organizing this webinar, and I also compliment Kanubhai Rathod also for contributing his thing, and all the other speakers who are contributed for today's webinar. आप 3.5 घंटा फिर भी पेशेंटली सब बैठे, मैं भी आपका साथ बैठा था क्योंकि अब पूरा हिंदी में ये हो रहा है, बट माय हिंदी इज नॉट दैट परफेक्ट, बट फिर भी आई एम टोटली विथ यू. मेरा दिल, मेरा दिस थिंग एट ऑल आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील फॉर यू दैट सब सफर कर रहे हैं, लेकिन ये सफरिंग को दूर करने का अलग ढंग से हम सोचना पड़ेगा कैसे करें. ऐसा वेबिनार का माध्यम इतना सुझाव नहीं निकले है, निकला तो भी 10 या 20 का होगा. आज हम करोड़ों आदमी को बारे में बात करते हैं, विषय के बारे में सोचना है. ये हो सकता है जैसे आप जैसा नेता हमारा बीच है और ये सब घर रहे, तो इसके लिए मैं आपको, राहुल सिंह को, आत्मदीप को और बाकी जो अश्विन करिया जी भी आते सबको मैं बधाई दे रहा हूँ. आई थिंक दैट वी ऑल मस्ट फॉर्म ए कोर कमिटी टू फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज this group lacks the muscle power, constitutional power, and also the money power, and all these things the opposition has got tremendously. They can influence and they can do all the things, but your forum is creating a awareness, mass awareness, for which I compliment you. And today I compliment all the participants who participated. We had over 100 delegates, 100 participants at the beginning of the webinar, and all of them I compliment for taking active role in today's webinar, and I compliment you, Shivanandji, once again. Number one, you are an expert moderator, let me tell you. Number aap itna patient hai, itna patiently moderate kar rahe, ye mera bas ki baat nahi hai, mera pas itna patience nahi hai. लेकिन आप सबके सवाल, आप नॉट ओनली यू आर पेशेंट नंबर वन, नंबर टू यू आर अलर्ट. जैसे मैं लॉग इन किया आपको पता चल गया, किसी ने सवाल टाइप किया वो आपको पता चल गया, और किसको पूछना है एक एक को याद करके, एक एक को बुला के. मैं किसी वेबिनार में ऐसा नहीं देखा है कि आप किसी भी, कोई भी व्यक्ति, मैं चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, एक व्यक्ति को भी आपने छोड़ा नहीं है, एक एक को आप बुलाया, उसको सम्मान किया, और राहुल सिंह भी इतना पेशेंटली सबको जवाब दे रहा था. ये देख के मुझे बहुत खुश होता है कि आप जैसा मॉडरेटर हर एक प्रदेश में होना चाहिए. मैं आपको विनंती करता हूँ, आप एक टीम को ट्रेन कीजिए, तो आप जैसे मॉडरेट करते हैं, आप इतना अलर्ट है, सबको ध्यान देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका भाषा में काबू है. यू आर नॉट गेटिंग एक्साइटेड, यू आर नॉट गेटिंग वर्कड अप, यू आर नॉट गेटिंग एंग्री, यू आर पेशेंट, एंड यू पे अटेंशन टू इन डिटेल टू ईच एंड एवरीवन. एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू वंस अगेन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार. आई कॉम्प्लीमेंट राहुल फॉर टेकिंग. अभी मैं ये भी समझ सकता हूँ, आज 3.5 घंटे हमारा बीच जितना पेशेंटली निकाला, ये समाप्त होते ही आपका और हजारों कार्यक्रम होगा, उधर भी आप ध्यान देते हैं. आप तो, मैं तो आपका वेबिनार में हफ्ते में एक दिन शामिल होता हूँ, उसमें भी मैं थक जाता हूँ, लेकिन आपका तो सुबह से शाम तक ये समाज सेवा कर रहा है, इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ. रियली यू आर ग्रेट, एंड यू आर एंटर द ग्रुप विच आर पार्टिसिपेटेड. They all have something to do for the nation. I wish you all the best. I thank you for inviting me. And anything I can do, I'm totally with you. And thank you so much. And today's webinar, I'm really impressed by the participants and also by the way you conducted the whole webinar. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. और आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे और ये कार्यक्रम चलता रहे इसी तरह से. और अब आपने सारी बातें कह दी हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, और वेंकट रमन सर को भी विशेष तौर पर धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही एक अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आते हैं. और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया जाए, और अगले संडे को एक नए कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.